नमस्कार प्यारे साथियों कोटिली क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है और हम रामबाण बुक के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और इस रामबाण बुक के सीरीज को सफल बनाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ये जो रामबाण बुक के प्रश्न कर रहे हैं है आपके किसी भी इलेक्शन थोड़ी से संबंधित किसी भी एग्जाम में सब में ये रामबाण ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त यह सब कुछ सिद्ध होने वाला है क्योंकि हम सब कुछ स्टडी कर रहे हैं और सारे परीक्षाओं के सारे पेपरों की स्टडी कर रहे हैं तो सब कुछ स्टडी हो रही है तो सभी विद्यार्थी इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपको ऐसा नहीं घबराना कि वैकेंसी कब आएगी कहीं कब नहीं आएगी लेकिन आप एक बात समझ लें कि वैकेंसी जैसे आएगी तो तुरंत तो आप इसमें सारे के सारे मेरे 100 120 वीडियो होंगे तो 120 वीडियो एक साथ तो देख नहीं पाओगे इसलिए भी शुरू से जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ही मेहनत के साथ पढ़िए बहुत अच्छे से पढ़िए और इन सवालों को सोल्व कीजिएगा ठीक है भाई तो आज हम सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए जल्दी से चलो सवाल का सिलसिला शुरू कर देते हैं पहला सवाल का आंसर आने लग गया है सी ऑप्शन देखते हैं आपके ऑप्शन कितने सही हैं कितने गलत हैं यहां से सिलसिला शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से एक विद्युत मोटर संचालन में विद्युत धारा कौन से प्रभाव का उपयोग करती है देखो हमारे पास विद्युत मोटर हो विद्युत जनित्र हो विद्युत मोटर या जनित्र, कोई सा भी हो यहां पर क्या होता है कि जो हम चुंबकीय प्रभाव का गुण रखते हैं और विद्युत का भी गुण रखते हैं तो दोनों कुल मिलाकर हमारे पास जो प्रभाव आएगा वो विद्युत चुंबकीय प्रभाव आएगा कौन सा प्रभाव आएगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव आएगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव ऑप्शन में दिया नहीं है बाकी विद्युत मोटर में जो प्रभाव होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रभाव होगा दिए गए ऑप्शन के, के मुताबिक आपको सी ऑप्शन करना है तापन प्रभाव कहाँ होता है तापन प्रभाव जैसे हीटर होता है ना आपके हीटर में तापन प्रभाव होता है गीजर जो होता है गीजर में तापन प्रभाव होता है प्रेस होती है आयरन होती है उसमें तापन का प्रभाव होता है रासायनिक प्रभाव कहाँ होता है भाई तो आप क्यों कैसे रासायनिक प्रभाव होता है सेल में होता है रासायनिक प्रभाव है बैटरी में

और दिए गए ऑप्शन के मुताबिक हमारे पास सी ऑप्शन एक बच्चा कह रहा था तापन पर सर थर्मोस्टेट है बिल्कुल सही बात है थर्मोस्टेट का कार्य जो होता है तापन को नियंत्रित करना है थर्मोस्टेट का कार्य क्या होगा तापन को नियंत्रित करना है तो यह प्रश्न का हो गया पोस्टमार्टम चले अगले सवाल में फिफ्टी सेवन फिफ्टी वीडियो प्ले में ऐड नहीं है सर बिल्कुल जी हम ऐड कर देंगे ठीक है ना यदि नहीं है कोई टेंशन नहीं हम ऐड कर देंगे अगला सवाल देखिए एक धारा पर्वहित कुंडली एक चुंबकीय के क्षेत्र में उपस्थित है बल का अनुभव करती है और नियम दिया जाता है बताइए कौन सा नियम दिया जाता है यह आपसे सवाल पूछा जा गया है एक धारा पर्वहित कुंडली यानी एक कुंडली है जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है चुंबकीय के क्षेत्र में उपस्थित है ठीक है और ये जो धारा पर्वहित कुंडली इसमें धारा का पर्वा हो रहा है और ये चुंब के चारों ओर जो क्षेत्र है ना ये मैं लाइने बनाऊंगा नहीं डॉट ना कर दे दो ये है मैग्नेटिक क्षेत्र चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड तो जो बल अनुभव करती है उस बल को हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं दिष्ट धारा मोटर का बल क्यों अब देखना समझना देखिएगा ध्यान से है आ, मोटर में हम क्या करते हैं विद्युत धारा प्रदान करते हैं जब मोटर में विद्युत धारा प्रदान की जाती है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है एक मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पोल के द्वारा पहले से स्थापित है इन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के विपरीत प्रभाव के, के कारण वहां पर टॉर्क उत्पन्न होता है और इस कारण हमारे पास साफ्ट घूमने लगती है तो दिष्ट धारा मोटर का सिद्धांत होता है दिष्ट धारा जनरेटर का सिद्धांत क्या होता है कि दिष्ट धारा जनरेटर में हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें रोटर घूमता है तो चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा तो विद्युत वाहक बल पैदा होगा लेकिन विद्युत धारा छोटा छोटा डीसी जनित्र हमारे पास क्या कहलाता है डायनेमो बाकी ये देखो जनरेटर हो गए ये भी जनरेटर ये भी जनरेटर प्रत्यावर्तीनरेटर ही है और इसे एसी जनरेटर हम क्या नाम दे देते हैं अल्टरनेटर नाम दे देते हैं तो ये होते हैं सब कुछ जनरेटरी है। क्लियर है कोई टेंशन नहीं अगला सवाल मत है हर एक सवाल को बड़े सावधानी से ध्यान से अच्छे से देखिएगा तीसरा सवाल आपके सामने विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है सवाल देखिए विद्युत ऊर्जा है और उसको आप किस में परिवर्तित करो यांत्रिक ऊर्जा में तो बताओ किसका उपयोग करोगे विद्युत ऊर्जा को दूसरा सवाल भी यही है जो पहला विद्युत सप्लाई चालू किया कौन सी ऊर्जा दी विद्युत ऊर्जा दी कार्य क्या हुआ तो आप सर कार्य हमारे पास ये हुआ कि पानी है जो हो से निकल के ऊपर टंकी में चढ़ने तो है किसके कारण हुआ यांत्रिक कार्य हुआ तो ये यांत्रिक कार्य तो मोटर जो कार्य करती है वो क्या करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है वो मोटर का होता है ये सब जानते हैं पर देखो जनरेटर का, का कार्य क्या होता है जनरेटर जो भी हो चाहे ए हो चाहे डी हो जनित्र होता है वो हमारे पास क्या करता है हम यांत्रिक ऊर्जा इसको प्रदान करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो कार्य करता है वो कौन करता है तो आप कहोगे ये करेगा हमारे पास जनरेटर यानी कि ये होगा हमारे पास जनित्र और सेल तो इस प्रकार का कार्य करता है नहीं ये तो केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है क्लियर है भाई सभी विद्यार्थियों को समझ मारा होगा अब देखे चौथा सवाल है डीसी मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध आमतौर पर कितना होता है या डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर कितना होता है यह जो सवाल है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है जब डीसी मोटर का हमें प्रारंभिक प्रतिरोध पूछा जाता है तो डीसी मोटर में प्रारंभिक प्रतिरोध होता है आर मेजर में किस में होगा मेजर में और आर मेचर का प्रतिरोध होता है वो एक ओम से कम माना जाता है ना अभी एक ओम से कम होता है तो आप इसका आंसर क्या दोगे डीसी मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध को क्या बताओगे आप बहुत कम बताओगे तो आपका आंसर है भाई बहुत कम होता है ना

इसके श्रेणी क्रम में हम क्या जोड़ते हैं भाई रियो स्टेट रियो स्टेट के दो यह परिवर्तित प्रतिरोध जिसमें जैसे जैसे हम इसकी गति बढ़ती जाएगी उसके मान को कम करते जाएंगे लेकिन शुरुआती मामले में ये ध्यान रखना सॉरी बहुत कुछ कहाँ कर दिया मैंने बहुत कम होता ना ऑप्शन करते समय एक कर दिया भाई बताया तो हमने सही था बहुत कम होता है ठीक है तो ये छोटा मोटा हो जाता है कई बार बताते समय ठीक है ना तो बहुत कम होता है का एक कम। ना? दिया। मैंने गल लगा दिया, सही कर दिया लिखा सही था हो जाता ना शुभ शुभ हमारा ही ओके जी अगला है एक चुंबक क्षेत्र में एक सुचालक के घूर्णन द्वारा प्रेरित विद्युत क्या होगा एक चुंबक क्षेत्र में एक सुचालक के यानी कि चालक के गर्णन के द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल किस प्रकार का होगा ये बताइए तो आप देखो एक चुंबकीय क्षेत्र है पूरा उस के क्षेत्र अंदर यदि चालक घूम रहा है कोई भी चालक गति कर रहा है तो बताओ वहां पर हमारे पास विद्युत वाहक बल तो होगा वो कैसा होगा तो जब चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो हमारा चालक घूमता तो विद्युत वाहक बल होता है जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होगी ये हमारे पास गतिक होगा डायनेमिक गति यानी कि क्या होगा भाई डायनेमिक और इससे जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा इसका सूत्र भी क्या होगा बी एल वी साइन आप क्या समझते यहाँ से समझ तो यदि हमारे पास चुम्बक अधिक होगा तो विद्युत हो तो वी... वाहक बल क्या होगा ज्यादा होगा यदि चालक की लंबाई अधिक होगी तो भी विद्युत वाहक बल क्या होगा ज्यादा होगा चालक जो घूमेगा ज्यादा वेग से घूमेगा तो भी विद्युत वाहक बल क्या होगा ज्यादा होगा और यदि लंबवत घूमेगा तो हमारे पास क्या होगा कि इसका मान मान एक हो जाएगा घूमेगा तो विद्युत ज्यादा होगा नब्बे और हो जाएगा तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या शौचालय के प्रेरित विद्युत होगा वो हमारे पास किस प्रकार होगा गतिशील होगा और ये बेसिक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कोई टेंशन नहीं है किसी प्रकार की चलो अगले सवाल पर करते हैं अगला सवाल है हमारे पास छठा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारे पास छठा क्वेश्चन छठा क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। जब मोटर का आर्मेचर क्षेत्र में घूर्णन करता है तो यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है जब मोटर का आर्मेचर ध्यान से देखिएगा चुंबकीय के क्षेत्र में घूर्णन करता है तो यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है और फिर धारा प्रेरित होती है मोटर रुक जाती है विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है क्या होता है जब यह काटता पहले देखा था सबका करेक्ट आंसर आ रहा किसको समझाया <laughs> बहुत बढ़िया भाई सबके सी सबको पता विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा क्योंकि हमने पांचवा सवाल देखा था यही चलो ठीक है अगला सवाल सातवा सवाल है डीसी मोटर के चालक के गुणन की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी अंगुल और मध्य अंगुली को तीन दिशा में विस्तारित किया जाता है जो एक दूसरे लंबो दिशा दर्शाती क्या बताता है विद्युत मोटर के गुणन की दिशा को पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाना नियम कौन सा डीसी मोटर 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 चलो चलो ठीक है ओके बहुत बात हो गई अब हम करते हैं देखो फ्लेमिंग भाई साहब ने दो नियम दिए समझना में दोनों नियम आपको कहीं पर भी जो भी इसमें सवाल पूछा जाता आप हर एक सवाल का उत्तर देंगे फ्लेमिंग ने दो नियम दिए थे आपको कोई भी सवाल का उत्तर नहीं आया बता देना दाएं हाथ का नियम क्योंकि कन्फ्यूज होता है ना तो कन्फ्यूज को दूर करना मेरा काम है तो अभी आपका इसमें कन्फ्यूजन दूर करूंगा एक तो दिया था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चलो फिर आपको सवाल पूछा जाता है दाएं हाथ का नियम किसके लिए दिया जाता है तो ध्यान रखना जय के लिए दिया जाता है बाएं हाथ का नियम किसके लिए दिया जाता है मोटर के लिए दिया जाता है ठीक है अब एक और बात देखना जैनित्र में आप इनपुट क्या दोगे तो आप कहोगे सर में हम इनपुट तो देंगे यांत्रिक ऊर्जा और बाहर हमें क्या मिलेगी विद्युत ऊर्जा तो हमें फाइनली विद्युत ऊर्जा मिल रही है तो इस नियम से हम क्या ज्ञात करेंगे विद्युत की दिशा यदि आपसे पूछे किस नियम से विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करेंगे तो आप क्या कहोगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से सवाल पूछ लें किस नियम से विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाएगी तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाएगी ठीक है मोटर है मोटर में विद्युत ऊर्जा आपने दे दी विद्युत ऊर्जा देने पर यह घूमने लगेगा घूमने लगेगा तो हमारे पास चालक की गति होगी तो चालक की गति किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाएगी तो ध्यान रखना कि आप कहोगे चालक की गति हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से करेंगे बाएं हाथ का नियम मोटर मोटर क्या करता है भाई चालक की लास्ट में आउटपुट क्या देता है गति तो चालक की गति बताता है चालक की गति किसके द्वारा करेंगे बाएं हाथ के नियम द्वारा इन दोनों नियम में फ्लेमिंग का चाहे बाएं हाथ का नियम हो ये चाहे दाएं हाथ का नियम इसमें अंगूठा तर्जनी मध्यमा तीनों एक दूसरे से दोनों हाथों में एक दूसरे से नब्बे डिग्री पर स्थापित होती है जिसमें चाहे बाएं हाथ हो तो यहां पर भी अंगूठा चालक की गति बताता है यह भी चालक की गति बताता है यह जो तर्जनी होती है यह चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है अब यह जो मध्यमा है बाएं हाथ के नियम में मध्यमा क्या बताएगी तो बाएं हाथ के नियम में विद्युत धारा की दिशा बताएगी और दाएं हाथ में विद्युत वाहक बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा बाएं में दाएं में विद्युत वाहक बल की दिशा ये ध्यान रखना सर मुझे राजस्थान आना रास्ता कोचिंग करने के लिए कोचिंग करने के लिए कितना खर्चा आएगा देखो कि खर्चा तो हम बता देंगे लेकिन अभी पहले कोचिंग खुलने दो तब हम आपको सारी चीजें आपको प्रोपर वे में बता देंगे अभी बताएंगे तो अभी आप अंदाजे में रहोगे हम अंदाजे में रहेंगे इस प्रकार का नहीं है कोचिंग लेकर हम आपको पूरा पर्टिकुलर रूप से पूरा वीडियो बना के हर चीज़ बताएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा विद्यार्थी हैं जो आना चाहते हैं उनका हम बता देंगे भाई पहले रजिस्ट्रेशन करा के सब कुछ करा के वहाँ से रवाना हो ताकि आपको सीट वीट नहीं मिले इस प्रकार दिक्कत नहीं हो क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे आएंगे तो किसी प्रकार के किसी भी विद्यार्थी को परेशान नहीं होनी चाहिए सब अपने हैं ठीक है चलो मोटर संबंधित कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाने वाला तीन कोर तार में पीवीसी रोदन का रंग क्या होता है तीन कोर तार होता मोटर में संबंधित करते हो तो उसमें रंग क्या होता है तो आप ध्यान रखना कि तीन कोर तार में आर जी बी तो वो तो द प्राइमरी कलर आर वाई बी आर वाई बी थ्री फेज के कलर होते हैं आर मतलब रेड वाई मतलब पीला बी मतलब नीला ये तीन होते हैं फेज के रंग और एक आर जी बी रंग होता है वो होते हैं प्राथमिक रंग वो पूछा नहीं भाई मूल रूप से रंग कितने होते हैं तीन होते हैं वो कौन से होते हैं आर जी बी होता है, है प्राथमिक रंग टीवी में जो दिखते हैं आर जी मोबाइल में जो दिखते हैं वो आर जी बी होता है ठीक है और हमारे पास फेज के लिए काम आता है आर वाई बी सी ऑप्शन ये सवाल है यदि 230 सौ वोल्ट डीसी मोटर को 230 सौ वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ दिया अब बताओ मोटर क्या करेगी बिना किसी समस्या के चलेगी रुक जाएगी जल जाएगी कम दक्षता और उस स्पार्कों के साथ चलेगी यदि डीसी मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाएगा तो चलेगी लेकिन स्पार्किंग ज्यादा होगी दक्षता कम होगी परंतु यदि एसी मोटर हो और इसमें डीसी सप्लाई दे दी जाए तो नहीं चलेगी ये और ध्यान रखना क्योंकि कुछ तो एक एक्स्ट्रा चीज़ सीखो यदि आपके पास ए मोटर हो और उसमें डीसी सप्लाई दे दी जाए तो वो नहीं चलेगी लेकिन डीसी मोटर को ए सप्लाई दोगे तो चलेगी दक्षता बहुत ही कम होगी और बहुत कम दक्षता मतलब क्या होगा स्पार्किंग ज्यादा होने के कारण दक्षता बहुत कम होगी लेकिन चलेगी रुकेगी नहीं ठीक है हाँ ये ध्यान डी ऑप्शन बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई आ रहा है सबको बहुत अच्छे से हैं, बहुत बड़ी शानदार अच्छा भी नेक्स्ट अगला सवाल अगला क्वेश्चन देखिएगा के बाएं हाथ के नियम में बीच की उंगली क्या दर्शाती है बीच की उंगली मतलब मध्यमा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार जब तर्जनी अंगुली फील्ड या फ्लक्स की दिशा को इशारा करती है तब तो बीच की उंगली किस दिशा की ओर इशारा करती है मैंने आपको बताया था अब आप यदि ध्यान से नहीं सीखे हो तो गलती आपकी दाएं में बाएं में मैंने कहा बाकी सब बराबर है बीच की उंगली ध्यान रखना बाएं हाथ का नियम होता है तो यह कंडक्टर प्रवित होने वाली धारा की दिशा को बताएगी और दाएं हाथ में पूछा बीच की उंगली तो विद्युत वाहक बल की दिशा को बताती है दाएं हाथ में विद्युत वाहक बल की दिशा को बाएं हाथ में विद्युत धारा की दिशा को आ गया सवाल चलो तो बढ़िया तरीके से मजा समझने में कोई टेंशन तो नहीं है ध्यान से देख लेना भाई अगला सवाल फ्लेमिंग वाम हस्त नियम देता है फ्लेमिंग वाम हस्त नियम देता कैसे चालक की गति की दिशा चालक में जनित विद्युत वाहक बल की दिशा उत्पन्न चुंबक के फ्लक्स की दिशा इनमें से कोई नहीं वाम हस्त नियम है वो हमें क्या बताता है मैंने आपको ये बताया था वाम हस्त नियम देता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम देता है क्या है बाएं हाथ का नियम बताइए भाई जल्दी से बताइए बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन अरे ऐसा तो नहीं है आप किताब में गलत लिखा हो तो किताब को देख के कर रहे हो मैंने समझाया था उसका भी तो वैल्यू रखो कि किताब में खोल के बैठे हो किताब में मिस्टेक हो सकती है ना मैं तो आपको डिस्कस करके बता रहा हूं वाम हस्त का मतलब होता है बाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम जो बाया हाथ होता है वो हमारे पास मोटर के लिए लगता है मोटर जो, जो ज्ञात करता है वो हमारे पास गति ज्ञात करता है मोटर क्या ज्ञात करता है गति गति ज्ञात करेगा तो आप क्या कहोगे चालक की गति की दिशा हो जाएगी चालक की गति की दिशा विद्युत वाहक बल की दिशा कौन बताता है दाएं हाथ का नियम बताता है तो ऑप्शन ए आएगा बुक में ए है बी है देख लेना बाकी इसका ऑप्शन है वो ए आएगा ठीक है जी नेक्स्ट अगला फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का अनुप्रयोग में पाया जाता है या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम नियम लागू नियम लागू होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू होता है बाएं हाथ का नियम होता है मोटर के लिए दिष्ट धारा मोटर के लिए जनरेटर के लिए क्या लगाते हो दाएं हाथ का नियम आराम से कोई टेंशन नहीं एक सवाल है बच्चे का क्या कह रहे हैं सर ऑपर कब आएगा एक तो ऑपर का तो ऐसा है कि ऑपर आ जाएगा कोई, कोई चिंता नहीं है अभी मैंने आपको कहा ना हमारा स्थापना दिवस आने वाला है जय पेट और मोस्ट फेट क्या होता है सर जे पेट और मोस्टेड दोनों ट्रांजिस्ट होते हैं बच्चे अभी ऐसे तो हम क्या पूरा कैसे बताएंगे ट्रांजिस्ट होते हैं पुराने जो वीडियो में जहां पर इनके सवाल आए वहां समझा हुआ है बाकी आगे जब इसका पूरा चैप्टर आएंगे तो पूरा समझाएंगे ठीक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयुक्त करते समय कौन सा सही संकेत इंगित करता है बाएं हाथ का नियम अंगूठा गति बताता है बात ठीक है तो यह चुंबकीय क्षेत्र तो नहीं बताता है धारा भी नहीं बताता है तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बताती है तर्जनी धारा बताती है यह सही है तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बताती है मध्य उंगली और धारा बताती है सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा हमने बताया था वहां पर सवाल एग्जैक्ट हमने पहले ही करा दिया है और वही सवाल आपके सामने है चलो अगला सवाल अगला सवाल है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इनके बीच संबंध दर्शाता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है तो बाएं हाथ में क्या था? होता है वो धारा प्रतिरोध होता है शक्ति होती है प्रतिरोध नहीं होता है शक्ति नहीं होती है शक्ति की दिशा शक्ति नहीं बल की दिशा धारा की दिशा फ्लक्स की दिशा यही होता है सी ऑप्शन आएगा कोई डी तो मत करना भाई ऐसा तो क्या है? मैं दुखी हो जाऊंगा तुम ऐसे गलत उतर दोगे तो ठीक है नहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई अगला सवाल अगला 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 चलिए ये आया आपके सामने सवाल डीसी मोटर के लिए निम्न से कौन सा घटक आवश्यक है डीसी मोटर है उसके लिए कौन सा घटक चाहिए होता है यह मोटर का कौन सा भाग इस बात की पुष्टि करता है कि यह एक डीसी मोटर है डीसी मोटर के कौन सा भाग है जो ये पुष्टि करेगा ये डीसी है बताइएगा भाई जल्दी से जल्दी से बताओ कोई आगे पीछे का टाइम नहीं आहार मेचर, आहार मेचर आप कहे सर एसी में होगी डीसी में होगी पता कैसे लेगा स्लीप रिंग है वो केवल एसी में होती है डीसी में है नहीं कम्यूटेटर है केवल डीसी में होता है वाइंडिंग के प्रकार दोनों में होते हैं ब्रश दोनों में होते हैं तो जो कम्यूटेटर होता है ये कौन लीडीसी में होता है क्योंकि ऐसी बदलने के लिए चाहिए होता है जो ताम कठोर कर्षित तांबे हार्ड ड्रोन कॉपर का बना होता है तो ये हमारे पास जरूरी आंसर हुआ कौन सा बी ऑप्शन क्लियर कोई टेंशन नहीं अगला सवाल करें नेक्स्ट आपका उत्तर आना चाहिए अब बार कम्यूटेटर में प्रयुक्त होता है कम्यूटेटर किसमें प्रयुक्त होता है सिंगल फेज मोटर में अरे कम्यूटेटर एस को डीसी में बदलने चाहिए गलत तीन फेज पर्यटन मोटर गलत डीसी मोटर बात ठीक है ब्रुशलेस क्यों होगा ब्रुश तो रखो ना भाई ब्रुश रुको ब्रुशलेस मोटर में क्यों रखेंगे तो ये डीसी मोटर में प्रयुक्त होता है कम्यूटेटर डीसी मशीन में प्रयुक्त होता है एक्चुअल आंसर तो यही है डीसी मशीन का मतलब है डीसी मोटर में भी होता है डीसी जनरेटर में होता है तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में ही प्रयुक्त होता है ये ध्यान रखना क्लियर चलो अगला सवाल करते हैं अगला सवाल है कम्यूटेटर ouais का कार्य है कम्यूटेटर का कार्य आप बताइए क्या है एसी को डीसी में रूपांतरित करना डीसी को एक डीसी, डीसी में रूपांतरित करना या डीसी को एसी में रूपांतरित करना या एसी को एक डीसी एसी में रूपांतरित करना बताइए क्या है कम्यूटेटर का कार्य बताइए तो आप कहे सर कम्यूटेटर ए को डी में करेगा बिल्कुल सही बात है डी को ए में करेगा ये भी सही बात है डी को डी में, एसे को एसे में नहीं करेगा ए को ए में नहीं करेगा सॉरी डी को ये उल्टा करना है दोनों ही तो सही है ए को डी में बदलेगा डी सी को ए भाई नियम के हिताब हिसाब से दोनों ही सही है ये ए को डी में बदलता है डी को ए सी में बदलता दोनों है आप समझ रहे मेरी बात ध्यान से एसी को डीसी में कहा बदलता है जैनित्र में डीसी को एसी में कहा बदलता है मोटर में कहीं पर भी सवाल आता है तो आते हैं तो दोनों सही होते हैं और यदि इन फिर दोनों में आपको एक आंसर चुनना है तो ज्यादातर हम क्या लिखते हैं सीधा कम्यूटेटर जनरेटर पढ़ते हैं एसी को डीसी में रूपांतरित करता है जनरेटर होता है वो एसी उत्पन्न करता है और इस एसी को बाह्य परिपत्र प्रदान करने के लिए आप क्या करोगे एसी को डीसी में बदलोगे इसके लिए आपको क्या चाहिएगा कम्यूटेटर लेकिन मेरे पास जो डीसी मोटर उसको मैंने सप्लाई किया लेकिन अंदर के बनता है तो के तभी जब मैंने को बदला है? एसी में, तो में रूपांतरित करने के लिए होती है किसकी आवश्यकता होती है मोटर की आवश्यकता होती है, है? है। यह बात आप ध्यान रखना क्लियर कोई टेंशन नहीं चलो तो हमारे पास आंसर दोनों ही करेक्ट है लेकिन इस प्रश्न में आपको ए ऑप्शन ही करना है बाकी आंसर दोनों करेक्ट होता है कई बार आपको यदि ए व सी दोनों दें तो आप ए व सी दोनों ही करोगे यदि दिया हुआ हो और ए सी नहीं दिया हुआ हो तो ऊपर वाला करोगे चलो ठीक है भाई ओके क्या साफ्ट को उसकी जगह पर रखता है किसके द्वारा जो होता है कि साफ्ट अपनी जगह पर रहती है साफ्ट हिलती नहीं है आप मोटर जानते हो तो मोटर में क्या होता है कि इस प्रकार आपके पास ये एंड प्लेट एंड प्लेट होती है फ्रंट प्लेट होती है बीच में हमारे पास साफ्ट होती है और यहां पर साफ्ट के साथ आप जानते हो कि हमारे पास आर में सर मतलब रोटर जुड़ा रहता है चलो ये इस प्रकार के आपके पास मोटर है अब आपके पास कि जो साफ्ट होती है कौन है जो शाफ्ट को एक जगह इस तरह रखता है वो होता है एंड प्लेट एंड प्लेट क्या होता है कि वो शाफ्ट के यहाँ पर इस लास्ट की अंतिम प्लेट होती है जो शाफ्ट को रोक रखती रखते इधर उधर नहीं जाने देती है तो ये हमारे पास क्या होती है एंड प्लेट होती है एक बच्चा आंसर दे रहा था बी रोकर आर्म अरे रोककर आर्म तो ब्रश के लिए काम में ली जाती है भाई किसके लिए ली जाएगी ब्रश के लिए ग्रीस कब तो ग्रीस लगाएंगे जो हमारे पास लुब्रिकेशन यानी कि घर्षण को कम करने के लिए घर्षण को कम करने के लिए और पोल शूज होता है चुंबक के फ्लक्स को समान रूप से वितरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है पोल शूज का उपयोग किया जाता है क्लियर है करेक्ट ऑप्शन आएगा एंड प्लेट अगला देखिएगा निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग कम्यूटेटर से करंट को इकट्ठा करने और बाहरी लोड को आपूर्ति करने के लिए किया जाता है ध्यान से देखिएगा भी निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग कम्यूटेटर से करंट को इकट्ठा करोगे और बाहरी लोड को आपूर्ति करने के लिए करोगे तो ये किसका प्रयोग करोगे का। ब्रुश का।, ब्रुश का कार्य होता है कि जितना भी हमारे पास विद्युत तो आग बना बना उसको बाह्य परिपथ में प्रदान करना है ये कार्बन ब्रुश का कार्य होता है ब्रुश किसके बने होते हैं कार्बन के भी बने होते हैं और आपके पास तांबा के भी बने होते हैं छोटी मशीन होती है तो कार्बन के बना लेते हो बड़ी मशीन में आपको यह बताया जाता है तांबे के बने जाते हैं। जब कार्बन के ब्रश हो या ब्रश कोई से भी हो, जब ये एक बटा तीन भाग घिस जाता है, तो उसको बदल देना चाहिए या दूसरी भाषा में बोलूं तो दो बटा तीन भाग रह जाए तो उसे बदल देना चाहिए क्लियर है किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है मेहनत करनी है यह देखना सवाल को पढ़ना पड़ेगा और अभी पढ़ेगा वो सुख पाएगा परीक्षा में तो आप रोओगे तो भी पढ़ना पड़ेगा इसलिए अभी पढ़ो परीक्षा में तो पढ़ना ही पड़ेगा एक बात आप भी जानते हो जितने विद्यार्थी हैं कि भाई हमने 60 एपिसोड हुए तब जाके हम कहा पहुंचे हैं 18 नंबर मशीन में वैसे मशीन वाला भाग होगा इनमें थोड़ा समय लगेगा लास्ट के चैप्टर में समय नहीं लगेगा तो मैं यदि इसको आधा भाग पे मान भी लेता हूँ फिर भी आपको ये तो लगता लग ही गया कि सौ पच्चीस क्लास से कम तो इसकी रामबाण बुक की होगी नहीं वन सवाल होंगे और 125 लास्ट टाइम तैयारी करने वाला मेरे 125 वीडियो देख पाएगा क्या 125 वीडियो देखने के लिए उसको पास बहुत ज़्यादा समय होना चाहिए बहुत ज़्यादा समय यानी कि केवल मेरे वीडियो देखता रह जाएगा 125 ट्वेंटी फाइव इंटू वन एक घंटा डेली मतलब 125 घंटा और डेली का यदि वो 8 घंटा ही देखता है तो भी उसको पंद्रह दिन लगेंगे डेली के आठ घंटे मेरे वीडियो देखेगा तो भी पंद्रह दिन लगेंगे तो आप पढ़िए आपके पास अभी समय है डीसी मोटर में एक दिशीय बल आगुण को किसकी सहायता से उत्पन्न किया जाता है हम जो टोर्क उत्पन्न करते हैं कैसे उत्पन्न करेंगे पहली बात या एक दिष्ट धारा डीसी मोटर में एक दिशीय बल आगुण किसकी सहायता से उत्पादित किया जाता है सेम ही सवाल है जो डीसी मोटर होता है उसमें एक ही डायरेक्शन में हम टोर्क उत्पन्न करते हैं तो हम किसकी सहायता से करते हैं तो डीसी मोटर एक डीसी बल आगुण को किसकी सहायता डीसी मोटर में ऐसा है डीसी मोटर में हमारे पास एक तो होता है पहले से पोल पोल एक अपना चुंबकीय क्षेत्र बना के रखता है दूसरा होता है आर्मेचर आर्मेचर में जब विद्युत धारा आएगी विद्युत धारा आएगी तो ये एक अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी इन दोनों चुंब के क्षेत्र में एक दूसरे विपरीत प्रभाव होने का के कारण यह चुंबकीय लगेगा चुंबकीय लगने के कारण टॉर्क टॉर्क उत्पन्न होगा तो के का कारण क्या हुआ भाई चुंबकीय खिंचाव बल आप कहोगे सर इस प्रकार का तो भाषा दी हुई नहीं है प्रश्न ऑप्शन में हम क्या करें तो अब आप देखते हैं कि चुंबकीय खिंचाव बल कहां से आया तो आप कहोगे यह तो पोल में पहले से स्थापित था आपने क्या दी मोटर को चालू कर दिया आप क्या दे तो सप्लाई सप्लाई दी डीसी उस डीसी सप्लाई को ब्रुश तथा कम्यूटेटर की सहायता से अंदर परिपथ में गई विद्युत धारा का पर्व हुआ तो एक चुंबकीय क्षेत्र बना तब इन दोनों के बीच चुंबकीय बोलाया तो इसलिए आपको बी व सी दोनों करना पड़ेगा बी व सी जई कोर्स में लेक्चर कब आएगा सब बच्चों का सवाल पूछना जई कोर्स देखो मैंने लॉन्च कर दिया है मैं बता देता हूं चलो ये तो आंसर हो गया जई का जो बेच है उसमें मंडे से लेक्चर स्टार्ट होंगे भाई मेरे मंडे से लेकर आएंगे जेई कोर्स के अंतर्गत इसमें कोई चिंता नहीं करनी और मंडे से इसमें क्लास स्टार्ट होने वाली है अभी आपने सब ने बोला सर बैच इस, स्टार्ट करो तो बैच अनाउंस कर दिया गया मंडे से क्लास शुरू होगी सारे कार्य विधिवत रूप से होते हैं तो वो भी कार्य विधिवत रूप से होगा कोई चिंता करने की बात नहीं रहेगी ठीक है ना भाई मंडे से शुरू होगी क्लास अगला सवाल किसी इलेक्ट्रिक मोटर के किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेज और आर्मेचर के बीच का वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है ध्यान से बताइएगा सवाल का किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेज और आर्मेचर के बीच का वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है जो मोटर का पोल होता है आर्मेजर और पोल के बीच अंतराल कम रखते हैं इसका कारण क्या होता है ये बताइएगा हवा का संचरण कम करने के लिए वायु संचरण बेहतर करने के लिए प्रबल ये क्षेत्र हमें वहाँ हवा से लेना देना नहीं है चुंबकीय क्षेत्र से लेना देना है और वो भी मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से लेना देना है तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से लेना देने के लिए हम इस प्रकार करते हैं तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी ऑप्शन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है प्लास्टिक रबर कागज या वार्निस्ट कैब्रिक तो आप कहोगे सर हमें मोटर की टेप किंग करने के लिए वार्निस्ट कैब्रिक उपयुक्त रहेगी ज्यादा क्योंकि जो वायरनिस्ड कैब्रिक है उसमें हमें किसी भी प्रकार का विद्युत झटका आने के चांसेस नहीं है यांत्रिक सुरक्षा भी मिलेगी और किसी भी प्रकार से इसमें लीकेज की भी संभावना नहीं होती है तो यांत्रिक सुरक्षा भी अच्छी है लीकेज की संभावना नहीं है तो इस दृष्टि से यह हमारे पास सबसे उपयुक्त सबसे अच्छी होती है क्लियर है भाई चलो अगले माते अगला तेईसवे नंबर क्वेश्चन अभी तो आप ही उत्तर दे रहे हो ना डीसी मोटर में ब्रुश में ज्यादा टेंशन आ जाए ज्यादा तनाव आ तो क्या होगा? तो ब्रुश है, है किसके ऊपर तो क्या हो जाए तो क्या होगा वही मामला है तो कम्यूटेटर गर्म हो जाएगा परते हैं घिस जाएगी।, है तो है। है तो जाएगी तो ये कंडीशन जरूर आएगी मशीन की गति कम नहीं होगी लेकिन आउटपुट है थोड़ा कम मिलने लग जाएगा लो वोल्टेज कम और बढ़ने के बारे में अभी हम विचार बाद में करेंगे यदि यह ऑप्शन नहीं देता तो मैं आउटपुट मिलना कम हो जाता है क्योंकि एपीसी कम हो जाती है लेकिन अभी कम्यूटेटर गर्म हो जाएगी और पढ़ते घिस जाएगी जब यह दिया हुआ तो सबसे पहली क्रिया यही होगी क्लियर है चौबीस नंबर क्वेश्चन डीसी मोटर की टर्मिनल पोलरिटी को डीसी मोटर की टर्मिनल पोलरिटी को किसके ब्रेकिंग के दौरान उल्टा कर दिया जाता है प्लगिंग रीजनरेटिव रियोस्टेटिक डायनेमिक एंड स्टैटिक आप मुझे बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा तो बताइए डीसी मोटर में टर्मिनल प्लॉल को किसकी ब्रेकिंग के दौरान उल्टा कर दिया जाता है प्लेगिंग की प्लेगिंग ब्रेकिंग के दौरान टर्मिनल की प्लॉलिटी को क्या कर दिया जाता है उल्टा कर दिया जाता है प्लेग को ब्रेक करते हैं तो प्लग को ब्रेक करते समय हमारे पास चुंबक क्षेत्र बनता वो है।, के चुंब है वो रिवर्स हो जाता है प्लग के ब्रेक के दौरान चुंबक क्षेत्र है वो रिवर्स हो जाता है चुंबक के क्षेत्र रिवर्स होने के कारण इस प्रकार की कंडीशन आती है मोटर की रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है यह भी बड़ा अच्छी बात है मोटर की रेटिंग आप क्या करते हो भाई एचपी व्यक्त आप कहते हो मोटर लाते हो कितना एचपी की आचपी दो एचपी की आप मोटर रेटिंग एचपी वैसे एक एचपी बराबर हमारे पास क्या होता है सात सौ छियालीस वाट होता है ब्रिटिश प्रणाली में कौन सी प्रणाली है भाई ब्रिटिश यदि मैं पूछूं आप बच्चों बताओ कि मीट्रिक प्रणाली में क्या होता है मेट्रिक प्रणाली में जल्दी से बता दीजिएगा मेट्रिक प्रणाली में क्या होगा तो आपके होगा सात सौ पैंतीस पॉइंट पांच केवीए में क्या होता है केवी में आपके सर एक तो ट्रांसफॉर्मर है उसकी रेटिंग हम केवीए में करेंगे एक अल्टरनेटर है इसकी भी रेटिंग हम भी में करेंगे ध्यान रहना चाहिए ना और बाकी हम किलो वाट में भी करते हैं किलो वाट होता ही है चलो हो गया अगला सवाल करते हैं यह लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन यदि डीसी मोटर का घुमावदार क्षेत्र उल्टा होता है तो मोटर क्या होगी डीसी मोटर का घुमावदार क्षेत्र है उसको उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा घुमादार क्षेत्र में उल्टा करोगे तो ये हमारे पास विपरीत दिशा में चलने लग जाएगी तो मोटर विपरीत दिशा में चलता है जब हमारे पास घुमावदार क्षेत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको उल्टा कर दिया जाता है तो मोटर विपरीत दिशा में चलेगी एक दिशा में नहीं चलती है मोटर की दिशा परिवर्तित हो जाती है डीसी मोटर की दिशा किसके द्वारा बदली जा सकती है डीसी मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है दिष्ट धारी मोटर के घूमने की दिशा का परिवर्तन कैसे किया जा सकता है यह बताइए भाई जल्दी से क्या हो लिया ना भाई सही तो कर लिया होगा तो सताइस चल रहा ठीक है भाई डीसी मोटर की दिशा को किसके द्वारा बदला जा सकता है डीसी मोटर की दिशा को कैसे बदलेंगे और यह आपके डीसी मोटर दिशा बदलने का नियम आ गया डीसी मोटर में हमारे पास क्या होता है कि देखो एक होती है सप्लाई ये सप्लाई आर्मेचर में भी जाती है और फील्ड में भी जाती है समझना मेरी बात को यदि मान लो आप केवल आपकी डायरेक्शन क्लोकवाइज केवल आर्मेचर को बदला तो आपकी दिशा क्या हो जाएगी एंटी क्लोक वाइज आर्मेचर के बाद में फील्ड को भी बदल दिया तो वापस क्या हो जाएगी क्लॉक यानी कि दोनों को बदला तो सेम डायरेक्शन दोनों बदला मतलब सप्लाई बदलेंगे तो दोनों बदल जाएंगे दोनों बदल जाएंगे तो सेम डायरेक्शन आएगी केवल एक को बदला या इसको या इसको यदि किसी एक को बदला या कर दूं मैं तो ये क्लॉक है तो यहां पर क्या हो जाएगी एंटी वाइज और इसको भी क्या हो जाएगी एंटीक्लॉज यहां तो फील्ड बदलो यहाँ आर्मेचर तो दोनों में से एक को बदलना होगा तो किसी एक को बदलना तो सी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती फील्ड में आर्मेचर में किसी एक में जुड़े संयोजन को ही बदलना है और यही आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा यह ध्यान रखना यही सबसे लिए आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा अगला सवाल अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो दिष्ट धारा मोटर कि घूर्णन दिशा को किस प्रकार वितक्रमित किया जा सकता है डीसी मोटर को किस प्रकार वितक्रमित किया जा सकता है यह बताइए आर्मेचर और क्षेत्र कुंडली दोनों के संयोजन को वितक्रमित करके आर्मेचर और क्षेत्र कुंडली में से किसी एक के संयोजन को वितक्रमित करके तो आप कहोगे कि किसी एक को दोनों को बदल दिया सेम डायरेक्शन यदि डायरेक्शन परिवर्तन करनी है तो दोनों में से किसी एक को यह ध्यान रखना भाई सबको तो यहां कौन सा ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा अगला है उनतीस नंबर सवाल ध्यान से देखना नंबर सवाल डीसी श्रेणी क्रम मोटर के गुणन की दिशा को टर्मिनलों को परस्पर बदलकर उल्ट किया जा सकता है डीसी संट मोटर के गुणन की दिशा को पारस्परिक परिवर्तन करके बदला जा सकता है कैसे कैसे पारस्परिक परिवर्तन करना यह पूछा गया है तो यह आपसे सवाल पूछा गया कि डीसी मोटर की दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है हमें मोटर की दिशा परिवर्तन क्या करने की आवश्यकता है तो आप कहोगे या तो आप आर मेचर की दिशा में परिवर्तन कर दो या फील्ड की तो ये ई ऑप्शन करेक्ट होगा तो इस प्रश्न का ऑप्शन होगा ई ऑप्शन होगा अगला हमारे पास तीसवा तीसवा देखो यदि एक डीसी सेंट मोटर का सप्लाई टर्मिनल अदल बदल कर दिया जाए मैंने कहा था सप्लाई बदल दोगे तो आर्मेचर भी बदल जाएगा और सप्लाई बदलने पर फील्ड भी बदल जाएगा आर्मेचर और फील्ड दोनों बदल जाएगा तो समान डायरेक्शन हो जाएगा समान डायरेक्शन हो जाएगा तो यह मोटर की दिशा उल्टी हो जाएगी नहीं मोटर बंद मोटर सामान्य गति से उसी दिशा में चलेगी और जिसमें चल रही थी बिल्कुल सही बात है कोई परिवर्तन होगी यहां तो केवल फील्ड बदले और यहां फिर केवल हमारे पास क्या बदले यहां तो केवल फील्ड केवल आरमेचर की दिशा दोनों में किसी एक को बदले थर्टी वन नंबर के, के फील्ड आमतौर पर किसके बने होते हैं देखो आपको क्या पूछा है फील्ड कोयल फील्ड कोयल का मतलब हो गया आपके पास एक तरीके से वाइंडिंग फील्ड कोयल क्या होती है एक तरीक से आपके पास क्या होती है वाइंडिंग आपको पूछा जाएगा वाइंडिंग किसकी बनानी चाहिए तो आप क्योंकि वाइंडिंग तो बनानी चाहिए कॉपर की यदि कॉपर न हो तो किसकी बनाओगे तो एलुमिनियम की ये होता है लेकिन जब तो कॉपर होगा तो हम क्या बनाएंगे कॉपर की क्यों बनाएंगे क्योंकि कॉपर की प्रतिरोधकता कम होती है जिसके कारण इसकी चालकता ज़्यादा होती है और इससे वाइंडिंग तार का गलनाक भी क्या होता है उच्च होता है और ये एल्युमिनियम से ज़्यादा तन्य भी होती है तन्य भी अधिक होती है और मजबूत भी अधिक होती है एल्युमिनियम से सारे गुण इसके अच्छे होते हैं काफ़ी सारे गुण इस कारण आप इसको क्या करते हैं काम लेते हैं लेकिन थोड़ी सी भारी जरूर होती है एल्यूमिनियम हल्का होता है कॉपर भारी होता है बट गलनाक ज्यादा होता है तन्य ज्यादा होता है मजबूत ज्यादा होता है और इसकी चालकता ज्यादा होती है प्रतिरोधकता कम होने के कारण ही हम तांबे को काम में लेते हैं तो वाइंडिंग रूप में किसको काम लेंगे तांबे को अगला सवाल करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है थर्टी टू नंबर ध्यान से देखना भाई थर्टी टू नंबर निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग पोल कोर को यांत्रिक आधार देता है पोल कोर होता है यानी पोल का जो भाग होता है उसको यांत्रिक आधार देता है और चुंबकीय के धारा के एक भाग के रूप में होता है बताइए वो कौन सा होता है तो आप बताओ बत्तीस नंबर सवाल का कि आप जानते हो ये होता है स्टेटर और यहां पर जो स्टेटर जो होता है इसमें यहां पर अपन क्या करते हैं ये हमारे पास पोल स्थापित होता है इस पोल के ऊपर हम क्या करते हैं वाइंडिंग करते हैं यहां पर हम स्क्रू को द्वारा इसको क्या करते हैं कसते हैं तो ये हमारे पास किसके साथ कसते हैं तो आप कहोगे सर योग के साथ तो कौन सा भाग पोल कोर को यांत्रिक आधार देता है इसको यांत्रिक आधार कौन देगा योग देगा तो योग आंतरिक आधार दिया पोल को जहां पोल जुड़ा हुआ आगे का आकृति होती है वो जूते की आकृति होती है जिसके कारण चुंबक के चुंब की में बराबर रूप से फैलता है लेकिन इसको आधार किसने दिया है जुड़े रहने के लिए यांत्रिक आधार किसने दिया मैकेनिकल बेस्ट किसने दिया है तो आप क्योंकि योग ने दिया है बॉडी ने दिया है क्योंकि पोल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है ठीक है अगला तीसरा तैतीस नंबर क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा लेमिनेटेड कोर या आर्मेचर में निम्न में से कौन सी हानि कम होती है ध्यान से समझना दोस्तों कि लेमिनेटेड कोर होती है या आर्मेचर होती है तो इसमें से कौन सी हानि सबसे कम होती है बता दीजिएगा जल्दी से कौन सी हानि कम होती है भंवर धारा हानि हानिटेज हानि या वोल्टेज हानि बड़ा सिंपल सा सवाल है कोई टिपिकल सवाल नहीं है लेमिनेशन करने से देखो हमारे पास लोहा हानि दो प्रकार की होती है और दो प्रकार के लो हानि में एक हमारे पास कौन सी प्रकार होता है करंट एक होता है करंट लोस को कैसे कम किया जाता है हम कहेंगे लेमिनेशन के द्वारा इस लोस को कम किया जाता है जबकि हिस्ट्रेसिस लोस को कैसे कम किया जाएगा तो आप कहोगे सर कोर में सिलिकन की मात्रा यदि मिला दोगे तो आपके पास कौन से हानि कम हो जाएगी इस तरह से सिलिकन की मात्रा कितनी मिलाई जाती है तीन पॉइंट आठ से चार पॉइंट छः परसेंट मिली जाती है फिर आप कहोगे सर ताम्र हानि को कम कर सकते हो क्या मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन ये निर्भर किसके ऊपर करेगी लोड पर ताम्र हानि लोड कम होगा ताम्र हानि कम हो जाएगी लेकिन लोड कम होगा तो कार्य हो भी तो कम होगा तो जितना ज़्यादा कार्य होगा ताम्र हानि बढ़ेगी क्योंकि ये लोड पर निर्भर करती है क्लियर है और आपके प्रश्न का उत्तर कौन सा है भाई तैंतीस में ए ऑप्शन आपका करेक्ट है क्लियर किसी को कोई डाउट नहीं है चलो ये हो गया हमारे पास तैतीस नंबर अगला सवाल आया हर सवाल को बड़े ध्यान से देखना नंबर क्वेश्चन आया अब देखो कि अब मैं कराता हूं आज का ये सवाल है चौतीस नंबर सवाल इसको सॉल्व कराता हूं दिष्ट धारा मोटर के कुशल संचालन के लिए आर्मेचर परिपथ में डाला गया अतिरिक्त प्रतिरोध क्या है दिष्ट धारा मोटर के कुशल संचालन के लिए आर्मेचर परिपथ में डाला गया आर अतिरिक्त प्रतिरोध क्या होता है आपने आर्मेचर परिपथ है उसमें आपने एक्स्ट्रा प्रतिरोध डाला था आर्मेचर परिपथ में तो उसका कुशल संचालन में डाला गया था उसको क्यों डालना चाहिए कारण क्या था ये बताइएगा आप सवाल आपसे ये है तो जल्दी से इस सवाल को आप उत्तर दीजिए परिवर्तन के बाद निकाल दिया जाना चाहिए था परिपथ में रखा जाना चाहिए था चरणों में कम किया जाना चाहिए था या चरणों में बढ़ाया जाना था यह आपके पास सवाल है दिष्ट धारा मोटर के कुशल संचालन के लिए आर्मेचर परिपथ में डाला गया अतिरिक्त प्रतिरोध जो एक्स्ट्रा प्रतिरोध है वो हमारे पास क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए कई बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं कई सी दे रहे हैं अतिरिक्त प्रतिरोध को कम करना चाहिए जिसे हमारे पास क्या हो भाई बेकी एमएफ अच्छे से प्राप्त हो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यानी अतिरिक्त प्रतिरोध को कम करोगे तो बे के एम एफ हमें अच्छा प्राप्त होगा तो इस बेमएफ की दृष्टि से इस अतिरिक्त प्रतिरोध को क्या करना चाहिए कम करना चाहिए क्लियर है कोई टेंशन नहीं अगला क्वेश्चन थर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन पैंतीस नंबर सवाल ध्यान रखो मैं इनमें से क्या डीसी मोटर के आउटपुट है बताइएगा इनमें से डीसी मोटर के आउटपुट कौन सा है धारा एवं बल आगुण आर्मेचर प्रतिरोध एवं शक्ति बल आगुण एवं गति वोल्टता एवं धारा ठीक है ध्यान से देख के क्या डीसी मोटर के आउटपुट हैं क्या डीसी मोटर के आउटपुट हैं धारा एवं बल आगुन डीसी मोटर का आउटपुट है क्या आप कहोगे नहीं सर धारा तो हम इनपुट के रूप में देंगे आप बल्लागुंड को तो हम आउटपुट मानेंगे लेकिन धारा तो मेरे पास क्या होगी इनपुट होगी तो ये तो दोनों नहीं होगा आर में सर प्रतिरोध और शक्ति अब शक्ति तो हमारे पास दोनों प्रकार की होती है वैद्युतिक शक्ति भी होती है यांत्रिक शक्ति भी होती है वैद्युतिक शक्ति इनपुट होती है यांत्रिक शक्ति आउटपुट होती है तो नॉट डिसाइडेड येट ठीक है नेक्स्ट है बल आगुण में गति बिल्कुल सही है बल आगुण गति दोनों क्या आउटपुट है और ये दोनों क्या हो गए इनपुट हो गए तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है सब विद्यार्थी सी आंसर दे रहे हैं बहुत ही शानदार है भाई बहुत अच्छे से मजा आ रहा है अगला क्वेश्चन अगला है छत्तीस नंबर सवाल निम्न में से कौन सा डीसी मोटर की यांत्रिक दक्षता का सही व्यंजक है डीसी मोटर की यांत्रिक दक्षता का सही व्यंजक कौन सा है यह पूछा है यांत्रिक दक्षता मोटर में आपके पास क्या होगी पहले यह देखिएगा तो यांत्रिक दक्षता आप क्योंकि के सर केवल यांत्रिक निकालना टोटल मुझे मोटर के अंदर दक्षता पूछ है टोटल अंद मुझे मोटर के अंदर दक्षता पूछ तो मैं कहूंगा इनपुट मैंने क्या दी विद्युत शक्ति कुल विद्युत शक्ति और आउटपुट आएगा कुल यांत्रिक शक्ति ये मुझे टोटल पूछे थे लेकिन मुझे टोटल मोटर की दक्षता नहीं है मुझे पुछी यांत्रिक दक्षता यांत्रिक दक्षता का मतलब है मेरे पास कितना यांत्रिक उत्पन्न हुआ कितना काम आया तो कुल विकसित कितना हुआ इनपुट बिल्कुल सही है और उपयोग कितना आया उपयोग हो गया वो आउटपुट हो गया और विकसित हुआ वो हमारे पास इनपुट हो गया तो यहां पर ए ऑप्शन ही करेक्ट आएगा। छत्तीस में एक विद्यार्थी ने सी ऑप्शन दिया है उपयोग विद्युत शक्ति यांत्रिक शक्ति बिल्कुल सही ए और सी तो सेम ही है नहीं गलत गलत उपयोग वैद्युतिक शक्ति वैद्युतिक शक्ति थोड़ी होगी मोटर में उपयोग तो यांत्रिक शक्ति हो रही है तो सी गलत हो गया भाई चेक कीजिए ए सही है सी गलत हो गया गलत है विद्युत शक्ति के साथ संबंध कैसे होगा आपको केवल यांत्रिक दक्षता पूछिए और यदि आपको कुल दक्षता पूछ भी लेता कि भाई कुल दक्षता कितनी होती है तो आप कहते हैं बी ऑप्शन करेक्ट होगा उपयोग यांत्रिक शक्ति बट्टा इनपुट क्या होगी विद्युत शक्ति तो बी ऑप्शन होगा कुल में और यह तो हमारे पास मोटर का किसी भी प्रकार से नहीं ये जनरेटर की हमारे पास कुल शक्ति हो जाती ये ध्यान रखो सी तो चलो हम मोटर पढ़ रहे हैं ध्यान रखें दोस्तों हम जनरेटर नहीं पढ़ रहे हैं कई विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं मोटर जनरेटर कंफ्यूज हो जाते हो अलग अलग चीजें हैं भाई एक में विद्युत शक्ति दे रहे हो एक से ले रहे हो ये थोड़ा सा अर्थ समझ लो चलो सर ए और बी एक ही तो है ये देख ये बच्चे ये देख और ये देख ए और बी अलग अलग है देख ठीक है चलो अगला सवाल सैंतीस नंबर क्वेश्चन अब है आपके स्क्रीन पर जल्दी से जवाब दीजिए और अपना ऑप्शन लो कराइएगा ठीक है दोस्तों चलो बी आ रहा किसी का ए आ रहा है ओके okay. किसी भी दिष्ट धारा मशीन की कार्य कुंडलियों का कार्य कुंडलियों का परिवेष्टन किया जाता है कार्य कुंडलियों होता है परिवेष्टन होता है या वाइंडिंग होता है वो कहां होता है तो किसी भी डीसी मशीन में सक्रियकारी कुंडलियों का परिवेष्टन या वाइंडिंग जो होती है वो हमारे पास पोल के चारों ओर होगी परिवेषन कहाँ होगी भाई पोल के चारों ओर वाइंडिंग कहां होगी पोल के चारों ओर तो बी ऑप्शन आपका उचित तो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर होगा तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा भाई बी ऑप्शन होगा सब विद्यार्थी ध्यान से देखना बहुत अच्छे से स्टेटर का पलटन क्यों आवश्यक है स्टेटर होता है उसका पलटन होता है क्यों आवश्यक है कारण क्या स्ट्रटर के पलटन का जल्दी से ये बताइएगा भाई जब मोटर दिष्ट धारा आपूर्ति से संचालित होती है तो फ्लक्स पर्यायकर्मिक होता है पहला बात तो यह कह रहा है जब मोटरदिष्ट धारा से आपूर्ति संचालित होती है तो फ्लक्स नियत रहता है जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति से संचालित होती है तो फ्लक्स पर्यायकर्मिक होता है जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा से आपूर्ति से संचालन देखो हमारे पास ये सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है क्योंकि यदि मान लो जब मोटर होती है मोटर में यदि हम ए प्रोवाइड करते हैं प्रत्यावर्ती धारा देते हैं तो फ्लक्स होता है वो हमारे पास परिवर्तित होता रहता है मतलब फ्लक्स में जो पर्यायकर्मी का गुण रहता है एक एक जो क्रम आता है वो क्रम उत्पन्न होता है ध्यान रखना नियत नहीं रहता है ठीक है ना तो वहां पर एक क्रम उत्पन्न होता है और इस क्रम को उत्पन्न होने के कारण ही हम इस का हम क्या करते हैं पलटन करते हैं ताकि इस को है ऊपर किसी भी प्रकार का के लोस ना हो पलटन के लिए यह जरूरी हो जाता है अगला सवाल आपके सामने अब आप देखो उनचालीस नंबर सवाल है दोस्तों उच्च वोल्टता वाली डीसी मोटर के आर्मेचर में किस तरह के खांचे का प्रयोग किया जाता है ध्यान से देखिएगा उच्च वोल्टता वाली डीसी मोटर के आर्मेचर में किस तरह के खांचे का प्रयोग किया जाता है समर्थ प्रकार का अर्ध समर्थ प्रकार का डेविड टेल के साथ खुले प्रकार का टेपरी खांचे के साथ खुले प्रकार का उच्च वोल्टता वाली डीसी मोटर डीसी मोटर जनरली हमारे पास निम्न वोल्टता वाली होती है लेकिन जो उच्च वोल्टता वाली होती है उसमें किस तरह के खांचे प्रयोग किया जाएंगे आपके हो गए अर्ध खुले भाग अर्ध समर्थ अर्ध समर्थ होते हैं इस प्रकार के ये तो इस प्रकार के खांचे प्रयुक्त होने चाहिए अर्ध समर्थ प्रकार के ताकि यदि वाइंडिंग कभी भी खराब हो जाए तो निकाल भी सकते हो और वाइंडिंग ऊपर से करने में बड़ी आसानी होती है पहले से फिक्स नहीं करनी होती है ऊपर से करनी आसानी होती है खुला जो होता है उसमें बड़ी आसानी से निकाला जाता है लेकिन वो उसकी दक्षता इतनी नहीं देता है इस कारण वो थोड़ा सा प्रीफर कम किया जाता है अर्ध समर प्रकार के को प्रीपर सबसे ज्यादा किया जाता है सबसे ज्यादा प्रीफर यही होता है सब जगह अगला गुणित डीसी मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का उद्देश्य क्या है गुणित डीसी मोटर यानी कि जिसमें भाग है वो घूम रहा है यदि किसी के अंदर भाग घूम रहा है तो घूर्णित डीसी मोटर हो गया ठीक है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का उद्देश्य क्या विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है एप्लाई वोल्टेज का विरोध करना या एप्लाई वोल्टेज का संयोग करना तो आप क्योंकि सर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो हमारे पास बे की e एमएफ होता है कौन सा होता है भाई बे किएमएफ बेक को हम क्या कहते हैं काउंटर काउंटर का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है विरोधी विरोधी अब ऑप्शन मिल गया होगा यानी एप्लाई वोल्टेज का क्या करना होगा विरोध करना होगा बे किएमएफ काउंटर ई एमएफ विरोधी ई एम एफ तो ये हमारे पास जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का विरोध करता है और यह हमारे पास प्रेरित से मोटर में उद्देश्य क्या होता है अप्लाई वोल्टेज का विरोध करना यह ध्यान रखना क्लियर है तो ये ए ऑप्शन हो गया अगला आपके पास आया इकतालीस नंबर सवाल ध्यान से देखना आपको भी सब सवाल को ध्यान से देखो अगला आपको कह रहा है कि लेंज के नियम का समीकरण क्या है बड़ा शानदार सवाल है अच्छा सवाल है मजेदार लेंज के नियम का समीकरण क्या है लेंज का नियम का पूरा समीकरण E बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी है यह आपके पास प्योर तरीके से लेंज के नियम का समीकरण है और यह जब तक आपके पास बराबर का निशान नहीं आया प्रोपोर्शनल है तो यह रहा क्योंकि ये हमारे पास क्या ई समानुपाति माइनस डी फाइव बाई डी टी माइनस का निशान होना जरूरी है माइनस का निशान कौन से नियम के आता था लेंस के नियम के कारण लेंस का नियम क्या कहता है उत्पन्न होने के कारण का विरोध करना ही लेंस का नियम होता है बाकी किसी में वैसे माइनस का साइन भी नहीं था और बाकी कोई आंसर भी नहीं था चलो हो गया अगला सवाल बयालीस नंबर क्वेश्चन फोर्टी टू ध्यान से देख तो चलो फोर्टी टू नंबर क्वेश्चन को दिष्ट धारा मशीन जनित्र के रूप में चले धारा मशीन जनित्र रूप में चले या मोटर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक ही दिशा बनाए रखती है कौन सी मात्रा एक ही दिशा बनाए रखती है दिष्ट धारा मशीन जनित्र के रूप में चले या मोटर के रूप में चले Osionfish. कौन सी मात्रा एक ही दिशा बने रखते वो अपनी दिशा में कभी भी परिवर्तित नहीं करती वो कौन सी प्रेरित विद्युत वाहक बल है कि आपूर्ति धारा है आर्मेचर धारा है या क्षेत्र धारा है जल्दी से बताइएगा भाई कौन सा है तो आप कहोगे okay, सर जो इंड्यूस्ड ई एम है प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसमें भी प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है इसमें भी होता है और उनकी दिशा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ये हैं दोनों जो एक ही दिशा बना के रखेंगे विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल की दिशा जो होती है विद्युत धारा की दिशा वो सब जगह विद्युत धारा की दिशा चेंज हो जाती है लेकिन हमारे पास ये प्रेरित जो है उसकी जो दिशा है वो सेम रहती है क्लियर अगला सवाल तितालीस नंबर क्वेश्चन जब आर्मेचर एक चुंबकीय के क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कंडक्टर बल की रेखाओं में कटौती करके उनमें एक EMAV को प्रेरित करता है जो लागू का विरोध करता है इसे किसके रूप में जाना जाता है जब आर में चर एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कंडक्टर बल की रेखाओं में कटौती करके उनमें एक ई एम एफ को प्रेरित करता है विद्युत वाहकबल प्रेरित जो लागू ई एम एफ का विरोध करता है इसे किसके रूप में जाना जाता है बेक साफ टॉर्क टॉर्क या प्रेरित विद्युत वाहक बल बताइए किसके रूप में तो आप देखो बाहर भाषा में सीधा कह दिया है जब चुंबकीय के चेतन गुना जा, घुमाया जाता है तो कंडक्टर बल की रेखों में कटौती करके एक विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है जो पहले से लागू ईएमएफ का क्या करता है विरोध करता है तो इससे हम कहेंगे विरोधी विद्युत वाहक बल जो पहले से विद्युत वाहक बल का विरोध करेगा उसको क्या कहोगे भाई विरोधी विद्युत वाहक बल अगला सवाल फोर्टी फोर नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा धारा मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल क्या होगा विरोधी विद्युत वाहक बल के बारे में आपको सीधा सवाल पूछा है अक्सर आपूर्ति बोलता से अधिक होता है गलत मैंने मान लो आपको इनपुट जो दिया है उससे ज्यादा कभी भी आउटपुट ज्यादा होगा क्या नहीं होगा आप मुझे कहोगे सर इनपुट ज्यादा होगा कुछ लॉस होगा आउटपुट हमेशा कम होगा तो आपूर्ति वोल्टता से अधिक विरोधी विद्युत हो सकता है क्या तो आप कहोगे नहीं हो सकता सर गलत चीज है ऊर्जा को रूपांतरण करने में मदद करता है क्या बिल्कुल करता है तभी हम क्या करते हैं आसानी से टॉर्क उत्पन्न कर लेते हैं ऊर्जा रूपांतरण में मदद कर रहा है आर्मेचर वोल्टता में सहायक होता है आर्मेचर के वोल्टेज में किसी प्रकार से सहायक नहीं है ऊर्जा रूपांतरण हमारे पास करेक्ट है प्रयुक्त वोता में सही प्रयुक्त वर्ता में कोई सही नहीं है ठीक है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई बी बी परम सत्य व परमोद अगला पैतालीस नंबर सवाल है ध्यान से देखना भाई इस किस नियम के अनुसार एक डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल अनुप्रयुक्त वोल्टता का विरोध करता है कौन सा नियम विद्युत वाहक बल की दिशा प्रदान करता है उस नियम के प्रतिपादक कौन है जिसके अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल करंट हमेशा इनका उत्पादन करने वाले कारण का विरोध करता है लेंज था वो तो मोटर में बे में बेकि विद्युत वाहक बल की अवधारणा किस पर आधारित है उत्पन्न होने के कारण के विरोध होने पर और उत्पन्न होने के कारण का विरोध करने वाला एक ही भाई साहब है जो है लेंज गया okay, अगला सवाल लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है लेंज का जो नियम है किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है आवेश परित धारा ऊर्जा का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है बताइए जल्दी से चलो लेंज के नियम के संरक्षण का कारण क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है लेंज का नियम कौन से संरक्षण का नियम होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कई विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन दिया है धारा संरक्षण का धारा संरक्षण क्या नियम होता है या तो आवेश संरक्षण होता है ऊर्जा संरक्षण होता है तो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है जो लेंस का नियम होता है अच्छा एक ना ऊर्जा और आवेश में एक जगह और डिफाइन कर दूं आवेश का जो केसीएल होता है ना वो आवेश संरक्षण का नियम होता है और केवीएल जो होता है ना वो ऊर्जा संरक्षण का होता है एक और याद रखना आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण में कभी इनको भी देख लेना कि ये आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण की कहानी देगी अगला देखो बेक ईएमएफ विरोध करता है बेक ईएमएफ किसका विरोध करता है धारा का आरोपित विद्युत वाहक बल का सिरों का वोल्टेज या टोर्क किसका विरोध करेगा तो आप कहोगे बेक ईएमएफ करेगा आरोपित वोल्टेज का विरोधी विद्युत विरोध वाहक बल है ना विरोधी विद्युत वाहक बल पहले वाले विद्युत वाहक बल का विरोध करेगा तो यह विद्युत विरोधी विद्युत वाहक बल पहले वाले विद्युत वाहक बल का क्या करेगा विरोध करेगा तो आरोपित ईएमएफ आएगा बेक किसका विरोध करेगा विद्युत वाहक बल का और यह किस में सहायक होगा टॉर्क उत्पन्न करने में सहायक हो जाएगा विरोधी विद्युत वाहक बल का दूसरा नाम क्या है काउंटर बेकमए का दूसरा नाम होता है काउंटर विद्युत वाहक बल ये देखो मोटर जो होती है वो फ्लेमिंग के कौन से नियम पर चलती है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर चलती है बाएं हाथ के नियम पर वाम हस्त का नियम बाएं हाथ का नियम पर चलता है लेकिन यह काउंटर विद्युत वाहक बल के दाएं हाथ के नियम पर है। दाएं हाथ के नियम पर आधारित है यह दाएं हाथ के नियम पर चलती है काउंटर विद्युत वाहक बल फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित होता है क्लियर है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा विरोधी विद्युत वाहक बल का दूसरा नाम काउंटर है विपरीत करना अच्छी बात नहीं काउंटर यानी अपोजिट डायरेक्शन वाला ये हो गया आपके पास लेफ्ट रूल लेफ्ट रूल किसके लिए हुआ मोटर के लिए जबकि ये मोटर का पार्ट है परंतु विद्युत वाहक बल कहीं भी जनरेट होता है तो दाएं हाथ का नियम ये ध्यान रखना चलो अगला करें सवाल बहुत बढ़िया भाई अगले देखते चलो आप तो बस विरोधी विद्युत वाहक बल का क्या सूत्र होता है जो विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है वही विद्युत विरोधी विद्युत वाहक बल का होता है बस ई की जगह ई भी लिख दो बाकी सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना है सूत्र में परिवर्तन नहीं करने से एक टेंशन खत्म हो गई नहीं तो एक एक्स्ट्रा याद करना पड़ता ना फाइव जेड एन बटा साठ इन पी बटा ए कहाँ है ये राइजेड एन बटा साठ गुणा पी बटा ए जहां पर भाई क्या है चुंबकीय फ्लक्स प्रति पोल है जेड चालकों की कुल संख्या एन घूर्णन गति आर पी एम ए पी पोलों की संख्या और ए समांतर पतों की संख्या है क्लियर है दोस्तों अगला सवाल करें और देखो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी कमेंट करके उत्तर दिया करो भाई मैं हमें क्या है भाई आप हम पढ़ाते हैं थोड़ा मजा आना चाहिए हमें पढ़ाने में आनंद आ जाता है तो हम भी तो आनंदित होकर अच्छे से पढ़ा देंगे आनंद ज़्यादा आ जाएगा तो इसलिए कमेंट्स कर दीजिए आंसर जल्दी जल्दी ऐसे लाइन चलनी चाहिए स्पीड से मजा आ जाएगा दिष्ट धारा मोटर एंड डीसी मोटर में यदि आर्मेचर की गति अधिक है तो विरोधी विद्युत वाहक बल यानी ईबी निम्न में से क्या है बताओ भाई डीसी मोटर में यदि आपको कह दिया कि आर्मेचर की गति ज्यादा तो विरोधी विद्युत वाहक बल की गति क्या होगी आप देखोगे यदि हमारे पास गति ज्यादा होगी तो विरोधी विद्युत वाहक बल भी क्या बनेगा ज्यादा बनेगा गति कम होगी तो विरोधी विद्युत वाहक बल क्या होगा कम होगा कम क्योंकि ना यानी कि नियम पर का दाएं हाथ कहता है जब गति ज्यादा है तो विद्युत वाहक बल ज्यादा उत्पन्न होगा तो गति ज्यादा होगी तो विद्युत वाहक बल ज्यादा उत्पन्न होगा तो आपको यह ज्यादा चाहिए विरोध विद्युत इन में से निम्न क्या होगा गति अधिक तो विद्युत वाहक बल अधिक चलो हो गया जी अगला है फिफ्टी वन नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दिष्ट धारा मोटर में प्रति पोल कम होता फ्लक्स दिष्ट धारा मोटर में प्रति पोल कम होता फ्लक्स क्या होगा तो आप कहोगे प्रति पोल यदि फ्लक्स कम होगा तो हमारे पास मोटर की गति में भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन का कारण नहीं है नहीं नहीं परिवर्तन होगा ना भाई जब फ्लक्स कम होगा तो गति में हमारे पास परिवर्तन होगा देखो ई e. बी समानुपाती फाइव एन कर दो जेड तो होता ही लेकिन जेड तो फिक्स होता है फाइव एन होता है हमें गति पूछा है या प्रतिपोल कम होता तो गति के बारे में कह रहा है एन एन समानुपाती हो जाएगा ई e. बी बटा फाइव ध्यान से देख लो यदि फाइव बढ़ेगा तो एन घट जाएगा प्रतिपोल कम होता फ्लक्स ओके सॉरी यह कह दिया है कि फ्लक्स यदि कम हो रहा है फ्लक्स यदि कम हो रहा है तो गति ये क्या करेगी बढ़ जाएगी फ्लक्स कम है तो गति बढ़ेगी मोटर की गति को बढ़ाता है बी ऑप्शन आएगा तो यह क्या करेगा भाई मोटर की गति को बढ़ाएगा फ्लक्स यदि कम होगा तो मोटर की गति बढ़ेगी ये ध्यान रखना क्लियर है कोई टेंशन नहीं ये हो गया सवाल डीसी मोटर का बे के एम किस पर निर्भर करता है या डीसी मोटर का बे के एम पर किस पर निर्भर करता है वापस वही सवाल है अलग -लग अलग परीक्षा में मतलब उसी परीक्षा अलग अलग डेट में एग्जाम आया अलग अलग पर डीसी मोटर का बे के एम किस पहलू पर निर्भर करता है देखो डीसी मोटर का जो सिद्धांत होता है या किस चीजों पर निर्भर करता है ध्यान से देख लो मैंने तो आपको सूत्र लिख के दे देना है निर्धारण आप ही कर लो कई बार तो सारा मेरे भरोसे मत छोड़ो सब दिख रहा होगा उत्तर देने में किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए और हो रही है दिक्कत इसमें उत्तर देने में तो ये बड़ी चिंताजनक विषय हो जाएगा भाई बहुत ज्यादा बड़ा चिंताजनक विषय हो जाएगा चलो बहुत सब ई सभी 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 चलो ये सब पर निर्भर करता की पर कर है की संख्या पर करा फ्लक्स प्रति पोल पर भी निर्भर कर, कर, कर रहा है आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या जेड पर भी निर्भर कर रहा है आर्मेचर वाइंडिंग समांतर पत्तों की संख्या ए पर भी निर्भर कर रहा है यानी कि हमारे पास सभी पर निर्भर कर रहा है तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कौन सा ऑप्शन ई ऑप्शन सब पर निर्भर कर रहा है बहुत बढ़िया भाई चलो अगला सवाल अगर किसी डीसी मोटर का बेक किएमएफ अचानक खत्म हो जाता है तो क्या होगा अगर किसी डीसी मोटर का बेक किएमएफ अचानक खत्म हो जाता है तो क्या होगा यह पूछा है मोटर हीटिंग करने लगेगा मोटर अचानक रुक जाएगा मोटर की रफ्तार बढ़ जाएगी शोर्ट सर्किट करंट आर्मेचर में होकर प्रवाहित होगा या ए और बी दोनों अगर किसी डीसी मोटर का बेक एप अचानक खत्म हो जाए देखो प्रारंभ में जब डीसी मोटर स्टार्ट करते हैं ना तो उसका बेक एमएफ होता ही नहीं है तो बेक एफ जब नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि हम रियोस्टेट लगाते हैं ज्यादा प्रतिरोध लगाते हैं क्योंकि नहीं तो मोटर क्या गति है वो भयंकर कर, कर देगी या गति करेगी नहीं इस प्रकार कंडीशन आ जाएगी तो यदि मान लो किसी डीसी मोटर का बेक एप अचानक खत्म हो जाए तो क्या, क्या करोगे तो आप कहोगे सर मोटर हीटिंग करने लगेगा नहीं हीटिंग का प्रभाव तो आने की चांसेस कम है रुक जाएगी मोटर अब तरह बढ़ जाएगी शॉर्ट सर्किट करंट आर में होकर प्रवाहित होगा बिल्कुल ये जरूर हो जाएगा अगर मोटर डीसी मोटर है उसका बेग एम एव खत्म हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट करंट है वो आर में से फ्लो करेगा और नहीं तो हमारे पास क्या होगा कि प्रतिरोध का गुण इसके साथ में रहेगा और विद्युत धारा भी बढ़ जाएगी ना शॉर्ट सर्किट होगा तो विद्युत धारा बढ़ जाएगी ये भी ऑप्शन है तो कई विद्यार्थी ई ऑप्शन दे रहे थे लेकिन डी ऑप्शन है ई ऑप्शन कह रहा मोटर रुक जाएगी मोटर रुकेगी नहीं शॉर्ट सर्किट करंट आर मीटर में होकर प्रवाहित होगा जिससे हमारे पास धारा बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा डी करेक्ट होगा चलो अगला यदि डीसी मोटर का पास विद्युत वाहक बल अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा या निम्न में से किसी डीसी मोटर का बे किए अचानक शून्य हो जाए विरोधी विद्युत वाहक बल अचानक से शून्य हो जाए तो क्या होगा तो मोटर बंद हो जाएगी बंद नहीं है आ, मोटर जल सकती है आर्मेचर जल सकता है मोटर आवाज शुरू कर देगी तो इन ऑप्शन में आ, आर्मेचर जल सकता है देखो क्यों जल सकता है वापस आओ पहले वाले सवाल पे सेम सवाल है शॉर्ट सर्किट करंट से आर में मच्छर धारा प्रवाहित होगी शॉर्ट सर्किट से करंट प्रवाहित होगी तो करंट का मान क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा और करंट का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आर मचर के जलने की संभावना आएगी तो जो पहले वाला त्रेपन और चौपन सेम ही सवाल है बस ध्यान रखना मोटर बंद का कारण नहीं है मोटर के जलने का कारण हो सकता है ठीक है जी अगला सवाल अगला सवाल है पिचपन नंबर क्वेश्चन फिफ्टी फाइव ध्यान से, से देखिएगा फर्स्ट ईएमएफ यानी कि हमारे पास जो बेक e है उसका व्यवहारिक महत्व तो किसका नियंत्रण करना है विरोधी विद्युत वाहक बल का महत्व तो किसको नियंत्रण करते हो तो डीसी मोटर की गति वोल्टेज विद्युत धारा का पर्व और चुंबकीय फ्लक्स तो आप क्योंकि आर में में विद्युत धारा के पर्वा को यह नियंत्रण करता है विरोधी विद्युत वाहक बल होता है वो आर्मेचर विद्युत धारा के परवा का नियंत्रण करता है और किसी का नियंत्रण नहीं करता है तो इस कारण हम एम को वहां पर इंड्यूस करवाते हैं या कार्य में काम लेते हैं फुल करंट फ्लो ओवर क्या हो कोई सवाल चलोगे छोड़ो अगला चीज डीसी मोटर में उपयोगी काम करने के लिए उपलब्ध टोर्क को क्या कहा जाता है डीसी मोटर में जो उपयोगी काम करने के लिए जो टोर्क उपलब्ध होगा उस टोर्क को क्या कहेंगे सिंपल है देखो उपयोगी टोर्क हमारे पास कहां पर होगा साफ्ट के ऊपर होगा क्यों होगा क्योंकि साफ्ट घूमेगी उसी के साथ में जो आपके पास यांत्रिक कार्य होगा संपन्न होगा यांत्रिक कार्य कभी भी संपन्न जो पूरा होगा वो साफ्ट के गुणन के कारण होगा तो यहां पर भी आपका क्या होगा साफ्ट का टॉर्क होगा वो डीसी मोटर का उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध टॉर्क होगा वो कौन सा होगा साफ्ट का टॉर्क होगा सी ऑप्शन आर्मेचर टॉर्क भी होता है लेकिन वो हमारे पास कार्य जो पूरा संपन्न करेगा वो साफ्ट करेगा। अगला अगर किसी डीसी मोटर के बेक और रफ्तार को दुगुना कर दिया जाए तो मोटर में उत्पन्न होने वाला टॉर्क क्या होगा अगर डीसी मोटर के बेक ई एमएफ और रफ्तार को यानी स्पीड को दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो हमारे पास इन्होंने पूछा है कि टॉर्क क्या होगा टॉर्क जो होता है वो एक सूत्र होता है ई बी इन टू आई अपॉन टू पाई एन एस यहां पर जो वैल्यू होती है टू पाई का जो भाग देते हो तब तो आ जाता है नौ पॉइंट पांच पांच जब दो पाई यहां पड़ा रहता है तो यहां पर आएगा साठ साठ में दो पॉइंट दो पाइट का भाग देते हो, तो कितना चाहता है नौ पॉइंट पांच पांच दोनों में कोई सा भी लिखा जाता है तो चलो अब आपको क्या पूछा है रफ्तार रफ्तार को आ, बेक ए, बेक और को मोटर बताइए और दुगुना कर दिया जाएक है इसको भी बढ़ा दिया रफ्तार है इसको भी बढ़ा दिए बढ़ा दिया रफ्तार बढ़ा दी मोटर में उत्पन्न होने वाला टॉर्क क्या होगा तो आप इसको दुगुना क्या यहां दो है यार ऊपर वाले को दुगुना क्या यहाँ दो है आपस में हो गया कैंसिल कैंसल हो गया तो आपको सर कुछ नहीं हुआ सब बराबर हो गया है सब समान रह जाएगा एक समान रहेगा क्योंकि ऊपर दुगुना नीचे दुगुना टॉर्क हो गया बराबर ठीक है भाई तो ये आपका आ गया ए ऑप्शन करेक्ट हो गया अरे जितने भी विद्यार्थी हो वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो यार मैं काफी दिन से कह नहीं रहा हूं तो आपने तो करना ही बंद कर दिया ऐसा थोड़ी होता है आपको कर लो आपका खुद का है भाई मामला आपका खुद का चैनल है मेरा चैनल थोड़ी रहा ये सब आपका है आपका हमारा मैं आके पढूंगा आप यहाँ पढ़ेंगे सब अपना चैनल है अपना मान के काम करते हैं मजा आएगा ना पढ़ने में मज़ा आएगा अपना संस्थान है सब अपना काम है ठीक है भाई चलो चलो यदि डीसी मोटर के का फील्ड का एक्साइटेशन स्थिर है तो मोटर में उत्पन्न टोर निम्नलिखित में निम्नलिखित के किसके समानुपाती होता है 58 में ये पूछा है बताइए भाई डीसी मोटर में एक्साइटेशन है वो स्थिर फिक्स है तो टोर्क है किसके समानुपाती होगा आर में करंट के फील्ड करंट के गति के चुंबक के फ्लक्स के तो आप जानते हो कि टोर्क होता है वो हमारे पास फाइव इंटू आई हो जाएगा अब यहां पर आपका फील्ड एक्साइटेशन स्थिर है तो टोर्क किसके समानुपाती है भाई आर करंट फील्ड करंट गति या चुंबकीय फ्लक्स के हैं तो आपके पास यहाँ पर आर करंट होती है तो आर करंट के समानुपाती रहेगा भाई चुंबकीय फ्लक्स अच्छा आप कहोगे सर चुंबकीय फ्लक्स के भी तो समानुपाती रहेगा लेकिन चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती इस प्रकार नहीं रहेगा यहाँ पर यह जो हमारे पास फील्ड में उत्पन्न फ्लक्स होगा तो आर्मेचर करंट के समानुपाती सबसे ज़्यादा रहेगा और एक जगह जो टॉर्क होता है वो टो समानुपाती आई ए स्क्वाइर आ जाता है और ए क्या था? आई ए तो यहाँ एक्साइटेशन है ये आर्मेचर करंट के समानुपाती है और इसी के साथ में फ्लक्स है और ये समीकरण का मेन गुण आएगा भाई ओके okay. अगला डीसी मोटर के बल आगुण फ्लक्स और धारा के मान के गुणन फल के समानुपाती है देखो बल आगुण फ्लक्स तथा धारा के कौन से मान के गुणनफल के समानुपाती होता है फिफ्टी नाइन नंबर सवाल को बताइए ध्यान ध्यान से 59 नंबर से भाई। नंबर बताइए? केवल धारा के ऋणात्मक डीसी मोटर के बल आगुण फ्लक्स तथा धारा के यांत्रिक संतृप्ति बिंदु के गुणनफल के समानुपाती होता है बल आगुण जो होता है हमारे पास ही होगा EB into IA into 60, ये होता है ना भाई अपॉन पाई तो ये किसके होगा ये हमारे पास यांत्रिक संतृप्ति होगा चुंबकीय के संतृप्ति होगा तो ये हमारे पास बल फ्लक्स और धारा के फ्लक्स मतलब फ्लक्स विद्युत आएगा और धारा के चुंबकीय के संतृप्ति बिंदु के समानुपाती होगा चुंब के इन हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा बिल्कुल देश धारा मोटर का साफ्ट बल आगुण उसके आर बल आगुण से ए, कौन सी हानि के कारण कम होता है साफ्ट का बल आगुण होता है वो आर के बल आगुण से कम होता है कौन से के कारण क्योंकि आर बल आगुण में गुणन गति नहीं होती है साफ्ट में गुणन गति होती है तो ये गुणन हानि के कारण होगा भाई साफ्ट में क्या होगा गुणन होगा आर आर्मेचर वाले में गुणन नहीं होगा तो साफ्ट में गुणन होगा तो गुणन हानि के कारण होगा तो यहां पर जो होगा वो ये होगा यह है सिक्सटी वन नंबर क्वेश्चन डीसी मोटर का टोर्क किसके सीधे समानुपाती होता है तो आप जानते यहाँ सीरीज और शंट तो नाम नहीं दिया है लेकिन यदि मैं डी सीरीज मोटर के बारे में जानता हूँ तो उसमें यह होता है कि प्रारंभ में टॉर्क तो इस प्रकार होता है बाद में एक लीनियर रेकम होता है और संट में देखा जाए तो ये सीधा हमारे पास लीन रेखा में ही होता है ये देखा है तो टॉर्क हमारे पास आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है यदि मैं केवल संट की बात करूं सीरीज में इसके आगे तो आर्मेचर करंट के समानुपाती है इससे पहले आर्मेचर करंट के स्क्वायर के समानुपाती था तो कुल मिला के बात है टोर्क किसके समानुपाती होगा आर्मेचर करंट के आर में सर करंट के होगा तो अब आपको देखना पड़ेगा बी ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा चलो ठीक है अब बी और सी में एक में आपको एप्लाइड वोल्टेज के समानुपाती होगा फ्लक्स के समानुपाती होगा देखो ध्यान से जब कल हम टॉर्क देख रहे थे तो आप क्या लिखे थे भाई ई बी इन आई ए इन टू साठ में कल वाला फॉर्मूला ही आपको याद दिला रहा हूं टू पाई एन फिर आपने ये भी बताया था ना भाई देखा था साठ में दो पाएगा भाग दो नौ पॉइंट पाँच पाँच आएगा तो ये जो टॉर्क है ये स्पीड के तो वित है लेकिन स्पीड खुद है फ्लक्स के वित इसका मतलब स्पीड इस यहाँ पर है तो फ्लक्स यहाँ आएगा तो फ्लक्स के भी क्या हो जाएगा समानुपाती तो टॉर्क फील्ड फ्लक्स के क्या होगा समानुपाती फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट दोनों के समानुपाती होता है इसका मतलब आप सीधा टॉर्क के बारे में क्या जानते हो टो समानुपाती फाई इंटू आई तो समानुपाती क्या होता है phi इंटू आई ए चलो तो यह मामला ध्यान से देख लो टू तो समानुपाती फाइव इंटू आई ए। ओके हो गया सबका सवाल सबका करेक्ट आंसर आना चाहिए बहुत मजा आ जाएगा नहीं तो इतना आनंद कैसे आएगा सबका करेक्ट नहीं होगा तो अगला सवाल 62 नंबर क्वेश्चन सिक्सटी टू नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा एक डीसी मोटर की सॉफ्ट टॉर्क होती है एक जो डीसी मोटर होती है सॉफ्ट टॉर्क क्या होती है इसकी आर्मेचर करंट के समान होती है मोटर के आकार और बनावट के आधार पर आर्मेचर टॉर्क से कम या अधिक होती है आर्मेचर टॉर्क से ज्यादा होती है यानी कि सॉफ्ट टॉर्क का आर्मेचर टॉर्क के साथ क्या संबंध है तो ये आपको जल्दी से बताना है सॉफ्ट टॉर्क का आर्मेचर टोर्क के साथ क्या संबंध है जल्दी से बता दीजिएगा भाई जल्दी मीटिंग नहीं हुई ओके। चलो जल्दी से बता दीजिएगा भाई तो आप देखोगे सब टोर्क है यानी कि साफ्ट जब घूमेगी तो हमारे पास रोटर है वो गति करेगा कौन गति करेगा रोटर गति करेगा तो ये जो घूमेगी तो इसमें घर्षण भी होगा क्या होगा भाई इसमें इसमें घर्षण होगा आर्मेचर टॉर्क होता है ये हमारे पास एक तो तरीके से कॉन्सेप्ट थ्योरिटिकल होता है तो आर्मेचर टॉर्क हमेशा क्या होगा अधिक होगा साफ्ट टॉर्क क्या होगा कम होगा डीसी मोटर के साफ्ट टॉर्क होती है आर्मेचर टॉर्क से कम होती है सदैव क्या आएगा भाई डी ऑप्शन आ रहा सबका सभी देख लो भाई ध्यान से हीरे की जांच करनी है तो अंधेरा का इंतजार करो क्योंकि रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं देवी नहाल बंदेरी बहुत बढ़िया बहुत शानदार चलो ठीक है अगला सवाल तिरसठ नंबर क्वेश्चन डीसी मोटर का साफ्ट टॉर्क इसके आर्मेचर टॉर्क से कम है जिसका कारण क्या है अभी आपने देख लिया था भाई सॉफ्ट टॉर्क होता है वो आर्मेचर के टॉर्क से तो कम है तो बताओ सॉफ्ट टॉर्क आर्मेचर टॉर्क से कम है इसका कारण क्या है तो आप देखोगे इसका कारण होता है घूमने के कारण होने वाली हानियाँ घर्षण होता है तो यहाँ आयरन कॉपर भंवर धारा और चक्रिय सत्या में आप क्या कहोगे भाई चक्रिय सत्या घर्षण हानि यांत्रिक हानि मैकेनिक लॉस के कारण होगा गुरजी कल के टेस्ट में काफी क्वेश्चन आउट ऑफ टेस्ट थे जो कि कभी डाउट बने हुए थे पूरा सोल्यूशन नहीं हो पाया तुम कल आए नहीं थे आई थिंक तुम थे नहीं कल हमने करवाया था तक तुमने बाद में वीडियो देखा होगा चलो ठीक है भी? ओके अगला सवाल करते हैं नेक्स्ट में इससे जुड़े स्वयं में फ्लक्स में परिवर्तन कारण पर विद्युत को क्या कहा जाता है अब देखो सवाल है सिंपल सा सीधा सा कह रहा है स्वयं के फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल को क्या कहा जाता है आप क्या कहते हो भाई समानुपात क्या होता है स्वयं के फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो विद्युत वाहक बल है तो स्वयं तो में फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल को क्या कहोगे परस्पर नहीं ये तो परस्पर तो दूसरे के कारण होता तब होता है गतिशील डायनेमिक यदि चालक गति करता है तो डायनेमिक करता है विद्युत द्वारा प्रेरित तो आप देखो कि स्वयं के अंदर है स्वयं के अंदर है तो स्वयं प्रेरित करोगे और यदि किसी अन्य पर इस मतलब इफेक्ट आता किसी दूसरे का प्रभाव आता तो आप क्या करते हैं तो आप कहते हैं भाई यहां पर पारस्परिक प्रेरित विद्युत बल है। खुद का खुद में जो गुण आएगा वो स्वयं का गुण आएगा ना तो इंडक्टेंस का गुण क्या आएगा स्वयं का गुण आएगा जैसे यहां पर आपके पास ये एक है एलवन और यह है L2। टू यहां पर मैंने डॉट लगा दिया दोनों में जहां धारा एंट्र हो वहां यह है म्यूचुअल इंडक्टेंस। यदि मैं आपको के हिसाब से पूछूं कि भाई टोटल कितना होगा तो आप क्या कहोगे L1 और L2? लेकिन यदि मैं आपको यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के हिसाब से पूछूं कितना होगा तो आप कहोगे एल वन तो भी एक एम का प्रभाव आएगा एल टू तो एल टू में भी एम का प्रभाव एल वन में धारा प्रभाव पर प्रभाव है एल टू में धारा प्रभाव समय एल वन पर प्रभाव है और दोनों का जुड़ गए तो कितना हो गया भाई टू एम तो ये म्यूचुअल का गुण है और लेकिन खुद का खुद के अंदर गुण रहना क्या कहलाएगा भाई सेल्फ इंडक्शन कहलाएगा और यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाह बल में यही कहा कि स्वयं में फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो स्वयं प्रेरित विद्युत वहा बल आपको कहलाएगा कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं आराम से देखते चलो ठीक है अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास पैंसठ नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा हमारे पास नंबर क्वेश्चन, डीसी मोटर की गति किसके सीधे अनुपात में है यह सवाल पूछा है डीसी मोटर की गति किसके सीधे अनुपात में या डीसी मोटर की रफ्तार का सीधा अनुपात क्या होता है ये सवाल पूछा है कि जो डीसी मोटर है डीसी मोटर की गति किसके सीधे अनुपात में है ये बता दीजिएगा चलो डीसी मोटर की गति किसके सीधे अनुपात में या डीसी मोटर की रफ्तार का सीधा अनुपात क्या होता है अब आपको यह सिंपल सवाल पूछा है गति के बारे में आप जानते हो बेक ईएमएफ का सूत्र बेक ईएमएफ का सूत्र क्या होता है भाई ईबी बराबर क्या होता है फाइ जेड एन बटा साठ इंटू पी बटा ए होता है आपको किसके बारे में पूछा है भाई आपको पूछा गति रफ्तार गति के बारे में। तो आप क्या, क्या कहोगे ई बी इंटू साठ बट्टा फाइ जेड इंटू ए ऊपर आ गया पी नीचे आ गया अब देखो ध्यान से डीसी मोटर के रफ्तार किसका सिद्ध अनुपात होता है डीसी मोटर की गति किसके सिद्ध अनुपात में है अच्छा ये तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है ये तो ऊपर वाले से उत्तर हो जाता है डीसी मोटर की गति सीधे हमारे पास विद्युत वाहक बल के अनुपात में पहली बात तो सही है डीसी मोटर की गति चुंबे के फ्लक्स के सिद्ध अनुपात में है नहीं है तो ये गलत है वोल्टेज ड्रॉप के अनुपात में है क्या वोल्टेज ड्रॉप के अनुपात में कहा यह तो ईबी के अनुपात में टोर के अनुपात में होती है टोर्स से भी विक्रम होती है तो आपका ऑप्शन क्या आएगा भाई केवल ए ही आएगा यहां पर केवल ए ऑप्शन आएगा संदीप ई दे रहा है गड़बड़ है भाई आप आंसर ए आएगा ठीक है चलो तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा अगला सवाल आप देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है बड़े ध्यान से देखिएगा डीसी मोटर की गति इनमें से किसके वित होती है देखो अगर डीसी मोटर की गति का पूछा गति किसके वित्रम होती है चालकों की संख्या विद्युत वाहक बल या फ्लक्स आपने जब गति देखा तो ये अभी आपका आया आया था, था बट्टा फाइव जेड आ गया था इंटू ए बट्टा पी दे, हो गया था वही विरोध विद्युत वाहक बल का सूत्र था गति किसके वित्रम चालकों की संख्या के विक्रम अनुपाति होती है क्या आप क्योंकि बाहर सही है चालकों की संख्या है तो विक्रम दूरुओं की संख्या के पोलों की संख्या के भी विक्रम है पश्च विद्युत वाहक बल के वितक्रमानुपाती होती है क्या तो आप कहोगे इसके विक्रम पार्थि नहीं होती है फ्लक्स के वितक्रमानुपाती होती है क्या बिल्कुल इनके भी वितक्रमाप्रति है जब इन तीन की वितक्रमानुपाति है तब आप आंसर क्या करोगे उस समय हमें ध्यान रखना है कि हम जानते हैं कि जब डीसी मोटर की गति का नियंत्रण करते हैं तो फाइव फिक्स हो जाता है और सॉरी फाइव फिक्स नहीं होता है जेड फिक्स हो जाता है फाइव जेड होता है ना जेड फिक्स हो जाता है ए फिक्स हो जाता है साठ फिक्स हो जाता है, है केवल इतना ही देखा जाता है समानुपाती बटा इतनी ही बारे में चर्चा की जाती है जब आपका इस कंडीशन में क्या होता है जब आपका पास ई बी का मान बढ़ेगा तो गति भी बढ़ेगी जब फ्लक्स का मान घटेगा तो गति बढ़ेगी उस समय डीसी मोटर की गति नियंत्रण के समय हमें केवल तीन चीजों को देखना होता है जब तीन चीजों को देखेंगे तो हम कहेंगे भाई यहां पर आंसर है जो फ्लक्स आएगा क्योंकि फ्लक्स के वित करमानुपाती होता है और विरोधी विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है तो यह ध्यान रखना चलो ये ध्यान रखना ठीक है भाई सिक्सटी सिक्स नंबर सवाल हो गया ध्यान से देख लो आराम से फ्लक्स फ्लक्स बिल्कुल सही है अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन इसको आराम से देखो भाई 67 नंबर फील्ड फ्लक्स कम हो जाने पर मोटर की चाल क्या होगी अभी अभी हमने देखा भाई मोटर की जो चाल है ये ई बी बट्टा फाइव है यदि फील्ड का फ्लक्स कम है तो चाल आपके पास बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ चाल फ्लक्स के वितकर्मानुपाती होती है जब चाल फ्लक्स के वितकुपाती है तो हमारे पास यह गति बढ़ जाएगी तो फील्ड फ्लक्स कम होने पर मोटर की चाल क्या हो जाएगी तो फील्ड फ्लक्स कम होने पर मोटर की चाल बढ़ जाएगी तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा भाई बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, बढ़ जाएगी इंक्रीज हो जाएगी बिल्कुल अगला सवाल नेक्स्ट सिक्सटी एट नंबर क्वेश्चन अर्थ नंबर सवाल ध्यान से देखें संचय रूप से संयुक्त डीसी मोटर में जब भार बढ़ता है तो गति बढ़ जाती है गति कम हो जाती है टॉर्क कम हो जाता है टॉर्क बढ़ जाता है ए और सी दोनों हो जाता है यह आपसे सवाल पूछा गया है संचयी रूप से संयुक्त डीसी मोटर में जब भार बढ़ता है तो क्या हो जाता है पहले यह बताइएगा जब देखो संचयी रूप से संयुक्त है संचयी तो क्या होता है यानी कंपाउंड 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 का मतलब क्या हो गया भाई सीरीज प्लस संट सीरीज प्लस संट देखो इसमें जो संट होती है इसमें गति लगभग समान होती है गति लगभग समान और थोड़ा परिवर्तन होता है जब लोड बढ़ता है तो हल्की सी घटती है और यह क्या होगा भाई लोड बढ़ने पर इसमें गति क्या होगी सीधी कम हो जाएगी लोड बढ़ने पर गति क्या हो जाएगी कम हो जाएगी सीरीज में इन दोनों का जब मिश्रण किया तो हमारे पास किसका निर्माण हुआ कंपाउंड का निर्माण हुआ तो इस कंपाउंड में जब लोड बढ़ता है तो क्या होगा यह कहेगा भाई लगभग तो समान रखो लेकिन थोड़ी घटती इसमें भी है और यहां पर भी घटती है तो कुल मिला के बात है कि हम आप कहोगे भाई गति बढ़ेगी या गति घटेगी तो गति तो घटी रही है तो गति हमारे पास क्या हो जाएगी कम हो जाएगी बी ऑप्शन है गति कम हो जाएगी तो संचय रूप से संयुक्त डीसी मोटर में जब भार बढ़ जाएगा तो गति इसकी कम हो जाएगी यह क्लियरली ध्यान रख लेना कोई टेंशन नहीं है अब देखते हैं हम अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 69 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन को इलेक्ट्रिक मोटर के फ्यूज का उद्देश्य किसकी सुरक्षा प्रदान करता है ध्यान रखे भाई इलेक्ट्रिक मोटर के फ्यूज का उद्देश्य किसकी सुरक्षा प्रदान करता है ओवरलोड अंडरलोड उस वोल्टेज ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट ये बताइए आप ध्यान से डीसी मोटर फ्यूज का उद्देश्य क्या होगा तो आप इलेक्ट्रिक मोटर में फ्यूज इसलिए लगाते हो कि जब आपके पास लोड बढ़ जाता है तो ओवरलोड की स्थिति में यानी कि ओ ओवरलोड कंडीशन ओवरलोड कोइल होती है ना जो ओवरलोड की स्थिति में हमें सुरक्षा प्रदान करेगी वो ओ कहलाती है तो ये ओवरलोड की कंडीशन के समय हमें सुरक्षा प्रदान करती है तो ये हमारे पास रहेगा ऑप्शन में ओवरलोड का ध्यान रखना ठीक है ई या किसी का शॉर्ट सर्किट में नहीं 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 नहीं, नहीं। शॉर्ट सर्किट में हमारे पास फ्यूज का उद्देश्य मोटर के अंदर नहीं है फ्यूज का उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना है शॉर्ट सर्किट में लेकिन ये तब होता है जब मुझे पूछा जाता है घर में परिपथ लगे परिपथ में क्या है तो मैं शॉर्ट सर्किट कहता है लेकिन जब मुझे मोटर में पूछा है तो मोटर में ओवरलोड की कंडीशन आएगी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन किस प्रकार चलेगी आप देखो ध्यान से क्लियर है भाई चलो ए ऑप्शन आ रहा है सबका बहुत बढ़िया अगला सवाल अगला सत्तर नंबर सवाल है सभी विद्यार्थी बड़े ध्यान से आंसर देना इसका कहीं जल्दबाजी नहीं है किसी भी विद्युत मोटर के आउटपुट पावर को किस पर लिया जाता है ध्यान से बताइए भाई किसी भी विद्युत मोटर के आउटपुट पावर को किसके ऊपर लिया जाता है आर्मेचर कोइल के ऊपर लिया जाएगा कपलिंग सॉफ्ट पर माउंट करके कंडक्टर पर लिया जाएगा दूर पर लिया जाएगा या वाइंडिंग पर लिया जाएगा तो जल्दी से बताइए किसके ऊपर लिया जाएगा आउटपुट पावर को पूछा भाई आउटपुट पावर पूछा है अब देखो विद्युत मोटर का आउटपुट पावर को किसके ऊपर लिया जाता लिया हम करते हैं साफ्ट के ऊपर हमारे पास आउटपुट कहाँ पर आता है साफ्ट पर आता है साफ्ट पर कैसे आता है यहां से देखो हमने दी क्या है विद्युत ऊर्जा दी है विद्युत ऊर्जा से मुझे मिलेगी क्या यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में आप बताओ होगा क्या तो आप क्योंकि सर यांत्रिक ऊर्जा में आपके पास साफ्ट घूमेगी साफ्ट घूमने के कारण यांत्रिक कार्य संपन्न होंगे जब यांत्रिक कार्य संपन्न करवाने तो आउटपुट पावर यांत्रिक ऊर्जा के रूप में ले रहे हो तो आप साफ्ट ले रहे हो तो आप क्योंकि कपलिंग साफ्ट पर माउंट करके यानी कि साफ्ट के ऊपर मैं स्थापित कर दूंगा जैसे मान लो मुझे पानी खींचने वाली है तो वह पानी के लिए जो वायु का घे बनाना है वो मैं सॉफ्ट के ऊपर स्थापित कर दूंगा यदि मुझे पंखा घुमाना है तो वो मैं सॉफ्ट के ऊपर स्थापित कर दूंगा ये सॉफ्ट के ऊपर स्थापित करना होता है जिसके कारण हमारे यांत्रिक कार्य संपन्न हो जाते हैं तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा अगला सौ क्वेश्चन है हमारे पास सेवनटी नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा सेवनटी वन नंबर क्वेश्चन सेवनटी वन नंबर क्वेश्चन है इसको देखिएगा ध्यान से दिष्ट धारा मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति किसके बराबर होती है दिष्ट धारा मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति किसके बराबर होती है अब आपको पूछा है मैकेनिकल लॉसेज है जो आर्मेचर द्वारा विकसित मैकेनिकल लॉस है वो किसके बराबर है अब आप बताइए ये, ये जल्दी से मैकेनिकल लॉस किसके बराबर होगा आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति किसके समानुपाती है जल्दी से बताओ शक्ति आउटपुट गुणा दक्षता होगा शक्ति आउटपुट प्लस लो हानि एक आर्मेचर धारा इंटू पश्च विद्युत वाहक बल है तो आप क्या यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा सी कहीं नहीं है डी ऑप्शन करेक्ट होगा आर्मेचर धारा और पश्च विद्युत वाहक बल होता ना इबी इंटू आई ए ये मेरे पास होता है एक तरीके का आउटपुट पावर है और ये हमारे पास टॉर्क प्रदान करने के लिए सहायक होता है ई बी समानुपाति आइए और ई बी समानुपाति आइए क्या होता है तो आप कहोगे यांत्रिक कार्य पूरा होता है एक चक्कर लगाओगे तो कितना होगा भाई टू पाई जो हमारे पास आर होता है और एफ इंटू आर को क्या कर देते हैं टोर्क कर देते हैं और एन चक्कर लगाएगा तो एन इंटू टो है और इसको आप मिनट आरपीएम में करना है, तो साठ का भाग भी दिया तो ये इस प्रकार बना भाई तो आर्मेचर द्वारा विकसित जो यांत्रिक शक्ति है जो हमारे पास आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति ने आर्मेचर चर टॉर्क हो गया आर्मेचर में टॉर्क आप मुझे बताओ किसके समानुपाती है आया तो आप कहोगे सर इसमें आर्मेचर टोर्क जो है वो विरोधी विद्युत तो आगे आर्मेचर धारा के मल्टीप्लाई के समानुपाती है इट मीन सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है डी ऑप्शन आपका क्या हो रहा है करेक्ट हो रहा है क्लियर है अगला सवाल सेवेंटी टू नंबर क्वेश्चन बिना भार पर डीसी श्रेणी मोटर का प्रारंभ नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए देखो इसके बारे में ध्यान रखना ये होता है लोड ये होती है गति जब लोड हमारे पास नहीं है तो गति बहुत ज्यादा है जब लोड बढ़ रहा है तो गति घट रही है यह डीसी श्रेणी मोटर का ग्राफ है इस ग्राफ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा ध्यान से देखना यदि मान लो मैं बिना लोड के इसको चलाऊंगा तो इसकी गति बहुत ज्यादा होगी बहुत ज्यादा के कारण इसकी गति भयानक रूप से बढ़ जाएगी जब गति भयानक रूप से बढ़ जाती है तो क्या होगा ये है ना जब गति भयानक रूप से बढ़ जाती है कभी भी इसकी जब गति भयानक रूप से बढ़ जाएगी तो वायर नहीं उखड़ सकती और वायर नहीं उखड़ने के कारण मोटर खराब हो जाएगी तो यह कार्य यूनिवर्सल मोटर के अंतर्गत इस प्रकार का नहीं होता यूनिवर्सल मोटर में क्या होता है एक सीमित स्टेप होता है कि इससे ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ेगी जैसे आपके घर में मिक्स सिम बढ़ता है तो वह क्या होता है कि आर्मेचर रिएक्शन जैसे दुष्प्रभावों को दूर करके उस प्रकार से यूनिवर्सल मोटर का निर्माण किया जाता है वो थोड़ा सा अलग होती है थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करते हैं तब जाके यूनिवर्सल बनती है तो आप देखो प्रारंभिक बलागुण विकसित नहीं होगा ये मामला था क्या नहीं प्रारंभिक बलागुण विकसित करने के लिए हम प्रारंभ में क्या करते हैं रियोस्टेट लगाते हैं स्टार्टर लगाते हैं बिना भार के प्रारंभ होने में असफल होगी हो जाएगी बहुत तेज गति होगी गलत है खतरनाक उच्च गति पर संचालित होगी बात तो ठीक है खतरनाक उच्च गति पर लेकिन संचालित होगी ही नहीं होगी वाहन उखड़ भी सकती है पर्याप्त बल आगुण उत्पन्न किए बिना ही अधिक विद्युत धारा को खींचेगी ये पर्याप्त विद्युत धारा को खींचेगी ज्यादा नहीं ऐसा तो नहीं है स्टार्टर गुमाव को जला देगी नहीं खतरनाक उच्च गति पर संचालित होगी और दिए गए ऑप्शन में और इसके कारण वाइंडिंग उखड़ सकती है यह सवाल समझ में आना चाहिए भाई एक एक सवाल को थोड़ा मोटर को आराम से करेंगे जल्दबाजी बना ही नहीं डीसी मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति अधिकतम होती है जब डीसी मोटर में यांत्रिक शक्ति अधिकतम होती है जब क्या होगा भाई एक डीसी मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक पावर सबसे अधिक होगा जब एक क्या होगा डीसी मोटर द्वारा विकसित यांत्रिक पावर तब अधिकतम होगा जब क्या होगा भाई ये आपको सवाल है ये सवाल है एक बड़ा बड़ा डेरिवेशन होता है अधिकतम तब होता है जब विरोधी विद्युत वाहक बल जो होता है ना ए बी ए v टू ध्यान से रखना ना जो सप्लाई वोल्टेज के आधा वोल्टेज के बराबर जब विरोधी विद्युत वाहक बल आता है तो यहां पर क्या होता है अधिकतम होता है हमारे पास पावर तो पावर अधिकतम कब होगा जब विरोधी विद्युत वाहक बल बेके में सप्लाई वोल्टेज का हाफ होगा तो बे के में प्रयुक्त वोल्टेज के आधा होता है तो बी ऑप्शन करेक्ट आएगा और ये डेरिवेशन होता है डिप्लोमा वगैरह में तो है लेकिन आईटी के लेवल पर इस प्रकार का कभी डेरिवेशन है नहीं तो आप ध्यान रखना केवल वी वी बाई टू होता है इतना बड़ा डेरिवेशन से क्या करना ना चलो ठीक है अगला सवाल डीसी मोटर समीकरण में ई बी बटा वी क्या प्रदर्शित करता है डीसी मोटर समीकरण में ईबी बटा वी क्या प्रदर्शित करता है ये विरोधी विद्युत वाहक बल ये वोल्टेज अब उन्होंने कहा ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं जल्दी से बता दीजिएगा क्या ये रेगुलेशन प्रदर्शित कर रहे हैं कि रनिंग बल आगुन करें विरोधी विद्युत वाहक बल करें या एफिशिएंसी कर रहे हैं है है? तो आप कहोगे साहब एफिशिएंसी कर सकते हैं रेगुलेशन तो होता नहीं है वो तो वोल्टेज पर होगा नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इनटू फुल्रेड रनिंग वाला गुण टोर्क तो ये कर नहीं रहा बे गए होता है केवल ये के भी होता है तो इससे हम क्या है आउटपुट बटा इनपुट ले सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या आता है भाई आउटपुट के रूप में आता है और ये हमारे पास इनपुट के रूप में मिलता है आउटपुट बटा इनपुट हमारे पास दक्षता होती है तो इस कारण इसको एफिशंसी कह दो यही एक गुण हो सकता है सी आ रहा है सेवेंटी फोर में आ सी कैसे कर रहे हो इतना क्या जल्दी हो गई तुम्हारे गोपी राम सी करने लगे विरोधी विद्युत कैसे होगा ई बी बटा वी विरोधी विद्युत थोड़ी होगा केवल ई बी पूछता तो आप कहते विरोधी विद्युत बल है सर लेकिन अभी तो आप कैसे कह सकते हो थोड़ा सा ध्यान से देखो ऐसे कैसे आप गलतियां करो और आप ऐसे गलतियां करोगे कैसे काम चलेगा भाई अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना दिष्ट धारा श्रेणी मोटर कब अतिचालित होती है दिष्ट धारा श्रेणी मोटर कब अतिचालित यानी बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती है बहुत ज़्यादा स्पीड से तब चलेगी ना जब इसके ऊपर लोड नहीं होगा तो बाहर हटने पर यानी कि लोड हटने पर यदि नो लोड तो स्पीड फुल रहे और जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे इसकी स्पीड इस क्या हो जाती है डाउन हो जाती है यानी कि गति घटने लग जाती है तो ये ध्यान रखना तो बाहर हटने पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी और इस कारण अति चालक की कंडीशन इसके अंतर्गत आ जाती है ठीक है जी अगला सवाल अगला सवाल ये वापस आ गया सवाल आपका विरोध विद्युत तो आग बोलो वी के संबंध में ई डी मोटर का बेक एम एफ है वी टर्मिनल वोल्टेज अधिकतम शक्ति कब होगी अधिकतम शक्ति ई बराबर वी बाय टू अधिकतम शक्ति क्या होगी भाई ई बराबर वी बाय टू इसका मतलब क्या हो गया भाई ई बटा वी बराबर क्या हो जाएगा हाफ ये भी एक विद्यार्थी अभी लिख रहा था E बटा वी बराबर क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा चलो ठीक है तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। चलो नेक्स्ट करें। अगला सवाल अगला सवाल एक डीसी मोटर अधिकतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करेगा जब ईएमएफ प्रयुक्त का अनुपात होगा वापस जीरो पॉइंट पांच बेक और प्रयुक्त वीवो का अनुपात क्या होगा तो आपको जीरो पॉइंट पांच होगा यानी कि वही मामला हो गया ए -बी बराबर वी टू है। किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा नहीं नहीं कमेंट तुम्हारा शो हो रहा है मैंने पढ़ा भी है पढ़ना क्या उसमें अगला सवाल बिना लोड के डीसी सीरीज वाले मोटर को नहीं चलाना चाहिए क्योंकि बिल्कुल ये तो हमने बात पहले भी कर ली थी कि बिना लोड चलाओगे तो यहाँ गति बहुत श्रेणी मोटर को बिना किसी लोड पर उपयोग नहीं लेना चाहिए सामने ऑप्शन आप ऑप्शन देखने बाद टाइम नहीं लगाएंगे आर्मेचर करंट तेज हो जाएगा कम हो जाएगा वो ये सब सब साइड की चीजें उसको छोड़ो और अब हम देखते हैं हाँ इसकी गति क्या होगी खतरनाक रूप से बढ़ जाएगी और जिसके कारण वाइंडिंग उखड़ने का खतरा हो जाएगा और वाइंडिंग उखड़ सकती है और ये मोटर खराब हो जाएगी तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा सेवेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन डीसी श्रेणी मोटर में वी ई बी और आई ए के मध्य का संबंध क्या है ई वी ई बी और आई ए के मध्य का संबंध पूछा था बताइए संबंध क्या होगा तो आप बताइए इसमें संबंध क्या होना चाहिए तो विरोधी विद्युत साथ किस प्रकार का केस है जल्दी से बता दीजिएगा बताइए जल्दी से यदि मान लो जैनित्र होता तो आपने ये देखा था जैनित्र के समय हम ये लिखते हैं E बराबर V प्लस आई ए आर लेकिन मोटर में गतियां हो जाती परिवर्तन यदि मोटर का केस होता है तो हम सीधा क्या लिखते हैं ई e बी बराबर वी माइनस आई ए आर है। ये तो आपको ध्यान ही रखना हमेशा तो जहां पर आपके ये आ र है माइनस है तो पहले जहां माइनस नहीं है तो सारे कैंसिल हो गए पीछे बचे दो जब आपके आर्मेचर लगा था वहीं पर तो सीरीज में लगा था ये सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस आर्मेचर के तो श्रेणी क्रम में था तो जिस प्रकार का वोल्टेज ड्रॉप यहां पर होगा वही वोल्टेज ड्रॉप यहां पर भी आएगा तो दोनों भी माइनस जाएगा एक प्लस नहीं आएगा तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा क्लियर है भाई जल्दी से देख लीजिएगा क्या रहा आपका भाई करेक्ट ऑप्शन देख लीजिएगा और सभी विद्यार्थी जितने भी वीडियो देख रहे हैं जल्दी से लाइक कीजिएगा आप देख तो रहे हैं हजार ग्यारह सौ और लाइक है पांच सौ का ऐसा नहीं होना चाहिए जल्दी से लाइक कीजिएगा एक मिनट का आपके पास समय है सवाल भी निकाल कर रखता हूँ नहीं तो एक मिनट के समय के लिए रुकना पड़ेगा Okay. विद्युत कर्षण में निम्न से किस डीसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है यह सवाल है ठीक है ट्रैक्शन कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है कर्षण का मतलब ट्रैक्शन नहीं होता है ट्रैक्शन कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग आप किया जाएगा कर्षण उद्देश्य के लिए प्रयोग के दिष्ट धारा मोटर का प्रयोग किया जाता है जिस कर्षण प्रणाली में उच्च बलागुण आवश्यक होता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं यह बताइएगा यह सब कुछ सवाल का अंतर्गत है संट मोटर श्रेणी मोटर संचय योगिक मोटर बिन योगिक मोटर और स्ट्रेहास क्या होगा यह पूछा गया आपको तो आप क्योंकि ट्रैक्शन कार्य का कार्य होगा सीरीज मोटर में संट मोटर में तो होगा हमारे पास जो नियत गति से चलते हैं नियत गति से चलते हैं तो नियत गति से चलने में इसका संट मोटर का प्रयोग होगा जहां पर जैसे ग्राइंडर भी हो गया या सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल पंप भी हो गया तो वहां पर हम किसका करेंगे संट मोटर का प्रयोग करेंगे और संचय यौगिक मोटर का प्रयोग करते हैं मेनली हम करते हैं एलिवेटर में यानी कि एलिवेटर क्या हो गया लिफ्ट होगी स्वचालित स्वचालित सीडिया में यानी कि लोड भी बढ़ जाए तो भी बराबर रूप से काम करें बिन योगिक मोटर का जनरली प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसका आ, वो ओवरलोड पर या लोड ज्यादा बढ़ने पर इसकी अलग सी व्यवस्था हो जाती है या इसकी अस्थिर व्यवस्था के कारण इसको प्रयोग में नहीं किया जाता है तो हमारे पास आंसर होगा वो श्रेणी मोटर होगा <laughs> चलो अगला सवाल 81 नंबर क्वेश्चन एक विद्युत संकर्षण दिष्ट धारा श्रेणी मोटर को इसके कारण नियोजित करता है कम लागत के कारण कम बिजली खपत कारण उच्च परिवर्तन बल लागू कारण उच्च गति कम भार के कारण बताइए किसके कारण करता है तो आपको सवाल पूछा एक विद्युत संकर्षण दिष्ट धारा श्रेणी मोटर इसके कारण इसके कौन से कारण नियोजित करता है डीसी सीरीज मोटर के बारे में बताइए तो आप कहोगे हाई स्टार्टिंग टॉर्क इंग्लिश में लिख लेना क्योंकि आप जानते हो कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क श्रेणी मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है हाई होता है ना नॉर्मल रनिंग टॉर्क का पांच से छह गुना होता है तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है उच्च होता है चलो अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है उच्च और रनिंग टॉर्क क्या होता है नियत रनिंग का पूछता है तो रनिंग में कहता रनिंग टॉर्क होता है जो हमारे पास निम्न तो नहीं होता है, एक नियत होता है कांस्टेंट होता है जो चलता रहता है वो नियत हो जाता है लेकिन प्रारंभिक टोर्क हमारे पास क्या होता है उच्च होता है ठीक है भाई अगला सवाल ग्राफ भी आप जानते होंगे ना इसका तो एक मैंने बनाया भी था थोड़ी देर पहले तो ये। तो प्रारंभिक टोर्क इस बिंदु तक जैसे ओ, पी का दो यहां तक आपका पास प्रारंभिक टोर्क क्या है हाई है तो ये प्रारंभिक टॉर्क उच्च वाला मामला डीसी मोटर के निम्न गतियों पर उच्च टॉर्क होता है। डीसी मोटर में कौन सी गतियों पर उच्च टॉर्क होगा डीसी मोटर में निम्न गतियों पर उच्च टॉर्क होगा कंपाउंड मोटर संट मोटर सीरीज मोटर या यूनिवर्सल मोटर तो बताइए डीसी मोटर में निम्न गतियों पर उच्च टॉर्क होगा कौन सी गतियों के ऊपर उच्च टॉर्क होगा अच्छा निम्न गतियों पर उच्च टॉर्क होगा किस डीसी मोटर में निम्न गतियों पर उच्च टॉर्क होगा बताइए भाई जल्दी से तो आपके सर सीरीज मोटर में निम्न गति पर टॉर्क क्या होगा ज्यादा होगा डीसी सीरीज मोटर में सीरीज मोटर का कैसे मोटर की गति बेक के साथ अनुपातिक होती है ठीक है और क्या होती है देखो गति होती है बेकिएमएफ के साथ सीधे अनुपातिक होती है तथा फ्लक्स के वित होती है तो फ्लक्स के साथ वित और क्या होगी और फ्लक्स के साथ कर्मानुपाति होती है ठीक है चलो अगला सवाल अगला देखिएगा निम्नलिखित कौन सी अनुप्रयोग में डीसी जरूरी है कौन सा अनुप्रयोग होगा जिसमें हमें डीसी जरूरी है डीसी आवश्यक है विद्युत कर्षण मोटर विद्युत घरेलू उपकरण मशीन शॉप मोटर या प्रदीप्ति बताइएगा क्या होगा निम्नलिखित में से कौन सी अनुप्रयोग में डीसी जरूरी है जल्दी से बताइए भाई ऑप्शन डीसी जरूरी जरूरी किसमें घरेलू उपकरण में डीसी जरूरी है क्या नहीं है प्रदीप्ति में डीसी जरूरी है डीसी सेंट मोटर भी बनाते हैं अच्छा ए आ रहा है सबका बिल्कुल यानी कि ट्रैक्शन कार्य करने के लिए हमें डीसी सीरीज मोटर की जरूरी होता है तो डीसी जरूरी जरूरी किसमें होगा भाई ट्रैक्शन कार्य के लिए विद्युतकर्षण मोटर होगा बाकी ये जो चीजें हैं एसी और डीसी दोनों से संचालित हो जाती है क्लियर है चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला अगला क्वेश्चन देखिएगा संकर्षण कार्य के लिए किस प्रकार का मोटर उपयोग होता है संकर्षण कार्य के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग होता है मोटर डीसी सीरीज मोटर तो ये तो हो गया ट्रैक्शन कार्य -सी सीरीज मोटर हो भाई डीसी श्रेणी मोटर के सामान्य परिचालन के दौरान यदि फील्ड वाइंडिंग अचानक खुले परिपथ की हो जाती है तो मोटर क्या होगी अब देखो ये बड़ा शानदार सवाल है डीसी श्रेणी मोटर के सामान्य पर लगातार चल रही है ठीक है और अचानक यदि फील्ड फील्ड वाइंडिंग वाइंडिंग खुले परिपथ की हो जाती है या जो वो खुल जाएगी तो फील्ड वाइंडिंग खुल जाएगी तो मोटर क्या होगी तो आप क्या होगा यदि सर फील्ड वाइंडिंग खुल जाएगी तो चुम्बई के फ्लक्स का निर्माण नहीं होगा और चुम्बई के फ्लक्स का निर्माण नहीं होगा तो टॉर्क नहीं होगा और टॉर्क नहीं होने पर हमारे पास मोटर नहीं चलेगी तो अचानक फील्ड वाइनिंग खुले परिपथ में हो जाने पर यह हमारे पास मोटर नहीं चलेगी क्यों नहीं चलेगी क्योंकि फ्लक्स का निर्माण नहीं होगा चुंबक तो ये समाप्त हो जाएगा चुंबक तो ये समाप्त नहीं होने के कारण इस प्रकार कंडीशन आ जाएगी ठीक है बी ऑप्शन आ गया अगला सवाल श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर की स्पीड क्या होगी श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर संट फील्ड रेगुलेटर द्वारा नियंत्रित की जा सकती है सीरीज वाइंडिंग डीसी मोटर है उसकी स्पीड को संट फील्ड रेगुलेटर के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं क्या यह संट फील्ड के द्वारा रेगुलेटर नियंत्रित नहीं की जा सकती फ्लक्स के घटाने के साथ बढ़ती है और आर्मेचर परिपथ के प्रतिरोध में वृद्धि के साथ बढ़ती है बताइए भाई क्या होगा सीरीज वाइंडिंग डीसी मोटर की स्पीड तो देखो कि कई विद्यार्थियों वो लगना तो ये भी चाहिए घटाने के, के साथ बढ़ती तो है लेकिन ये संट में संस है ये संट में होता है क्योंकि सीरीज मोटर में हमारे पास नियंत्रण जो होता है वो सीरीज में नियंत्रण किस प्रकार करोगे डाइवर्टर विधि के द्वारा और डाइवर्टर विधि में आप डाइवर्ट कर दोगे डाइवर्ट कर दोगे तो धारा क्या होगी दूसरे पथ में चली जाएगी तो यहां पर आप क्या करोगे कि ये डाइवर्ट हो गया या एक रेगुलेटर हो गया जिसके द्वारा नियंत्रित करके इस प्रकार की क्रिया कर सकते हो तो आपके ए आ रहा है कि सी आ रहा है चलो ये काट देता हूं कंफ्यूज नहीं हो सी ऑप्शन हो सकता है अभी देखो फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है क्या तो स्पीड तो हमारे पास ये होती है एन समानुपाति बी बटाफाई तो फ्लक्स घटेगा तो ये बढ़ेगी होता सब नहीं है अब आप देखो सीरीज में फ्लक्स घटने का मामला किस प्रकार होता है या नहीं होता है ऊपर द्वारा सन्ट फील्ड रेगुलेटर द्वारा नियंत्रित की जाती है तो यहां पर देखो फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है लेकिन यह नियंत्रण तो इसके द्वारा हो रहा है तो इसलिए ऑप्शन होगा सी बात तो ठीक है सी बात तो ठीक है लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा ए ऑप्शन होगा क्योंकि संड फील्ड रेगुलेटर के द्वारा नियंत्रण करोगे नियंत्रण करोगे तो फ्लक्स घटेगा फ्लक्स घटेगा तो गति बढ़ जाएगी और फ्लक्स यदि बढ़ाओगे तो गति को घटा सकते हो तो ये आप संड फील्ड रेगुलेटर के द्वारा आप कार्य करते हैं तो ये कार्य किसके द्वारा होगा भाई संड फील्ड रेगुलेटर द्वारा और उसके कारण सी एक्शन आता है और आप सीधा सी पढ़ते हो तो इस कारण सी करते हो सर मैं ड्रीम में क्लास करता हूँ सपने, सपने में सपने में ड्रीम में क्लास करता हूँ ना कौन से डीसी मोटर को आमतौर पर क्रेन और होस्ट के लिए प्राथमिकता दी जाती है कौन से डीसी मोटर को आमतौर पर क्रेन और होस्ट के लिए डीसी श्रेणी मोटर है क्योंकि ट्रैक्शन कार्य हो आ, होस्ट हो इसके लिए आप क्या करोगे डीसी श्रेणी मोटर को ही प्राथमिकता दी जाएगी तो डीसी श्रेणी मोटर ही हमारे पास करेक्ट आंसर होगा अगला सवाल दिष्ट धारा श्रेणी मोटर का टीए अपॉन आई ए ग्राफ दिष्ट धारा श्रेणी मोटर का टीए अपॉन आईए ग्राफ यानी कि टॉर्क और आर्मेचर करंट का ग्राफ जो है वो किस प्रकार का होता है पूर्णतः परवलय होता है या पूर्णतः सीधी रेखा में होता है या फिर आप तो पूर्णतः भार तक परोले और अधिक भार पर सीधी रेखा होती है बिल्कुल सही बात है हमने कई बार बना भी लिया पूर्णतः पूर्ण यहां तक तो परोले है और उसके बाद में क्या होगा सीधे पूर्ण भार तक परोले अधि भार पर सीधी रेकम है उसके बाद में हमारे पास कौन सी रेकम चला जाता है सिद्ध रेकम चला जाता है तो ये बार ध्यान रखना तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 91 नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक डीसी सीरीज मोटर है उसकी स्पीड आर्मेचर करंट की विशेषताएं क्या है? तो स्पीड और आर्मेचर करंट की विशेषता के बारे में पूछा है तो आप कई ज्यादातर विद्यार्थी इसका आंसर ए भी दे सकते हैं सी भी दे सकते हैं डी भी देते हैं यहां पर ए सी डी में इतना टेंशन रहता है सर सिटी रिजल्ट देर क्यों हो रही वो हो जाए वो बात की बात करेंगे अभी पढ़ाई की बात करेंगे बीच में मैं किसी भी प्रकार के कोई दूसरे कमेंट नहीं पढ़ूंगा केवल पढ़ाई से रिलेटेड जो इस चैप्टर से रिलेटेड ही कमेंट पढ़ूंगा इसके अलावा मैं कोई कमेंट नहीं पढ़ूंगा ठीक है स्पीड आर्मेचर करंट की विशेषताएं क्या है ये बताइए भाई जल्दी से तो सी आ रहा किसी का डी आ रहा अरे भाई डी तो तब आंसर होता ना जब मैं आपसे यह पूछता कि मुझे आर्मेसर करंट या मुझे लोड करंट तथा टॉर्क के बारे में बताओ तो आप कहते सर टॉर्क के बारे में ये रहा पहले तो आपके पास होगा पैरा बोला सा उसके बाद आएगा लीनियर तो संक्षिप्त तक परवले और उसके पश्चात कि ये कब होता ये तब होता जब यहाँ पर मैं टॉर्क के बारे में पूछता लेकिन क्या पूछा है पूछा है क्या नहीं आप तो ऐसे बिना दे के उत्तर देने लग जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा अब देखो स्पीड स्पीड का मामला बड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको यह पता है कि स्पीड का ग्राफ तो मैंने कल ही बना दिया था कि यह हमारे पास आर्मेचर का करंट रहा यह रहा स्पीड तो जो स्पीड है इस प्रकार डाउन होगी आप बताओ जब स्पीड इस प्रकार इस डाउन हो रही है यह परवलय होता है कि अति परवलय होता है आप यह बताओ यह परवलय होता है या अति परवलय होता है पैराबोला होता है कि हाइपरबोला होता है ध्यान से केवल इतना सा देखना है तो देखना कि ये हमारे पास हाइपरबोला होता है अति बोला किसे कहते हैं हाइपरबोला को तो ये हमारे पास हाइपरबोला सी आकृति है तो ए ऑप्शन होगा तो कई विद्यार्थियों को सर परले का आकृति कैसी होती है जब हमारे पास इस प्रकार से बढ़ता है ना परवेले है इस प्रकार से भी जाता है तो हमारे पास परेले है यहां पर आपके पास यहाँ पर इस प्रकार से चला जाता है ये हमारे पास क्या है प्रलय है लेकिन ऊपर से जो नीचे की तरफ आ रहा है दोनों तरफ आ रहा है ये हमारे पास किस में आता है हाइपर यानी अति प्रलय है और अति प्रलय है तो अति प्रलय हमारे पास ये रहा और इस कारण हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए ऑप्शन होगा अति प्रलय ठीक है इतना देर से सी सी देर थे अब मैंने ये बताया तो ये लग गया ना चलो ठीक है सर आयताकार हाइपरबोला दिया है आयताकार हाइपरबोला तो का मतलब है तो हाइपरबोला आयताकार हाइपर का मतलब ये हो गया भाई डोटेड से खंड बनेगा ना वो आयताकार बनता है इस कंडीशन से हाइपर हाइपरबोला का एक तो है आगे चला जाता है एक होता है कि उसके बाद में सेचुरेशन आ जाता था आयताकार की स्थिति आ जाती है बस यही कारण है वो इलिप्स था तुम कन्फ्यूज हो गए हो इलिप्स ये होता है कभी भी लिप्स आधा खुला नहीं होता है पूरा बंद होता है चलो ठीक है नेक्स्ट अगला 92 टू नंबर क्वेश्चन बड़ा आराम से देखना भाई संट फील्ड को आर्मेचर के साथ किस में जोड़ा जाना चाहिए संट फील्ड को हम आर्मेचर के साथ तो जोड़ते हैं तो श्रेणी समांतर में जोड़ेंगे श्रेणी में जोड़ेंगे एक समांतर में जोड़ेंगे संट फील्ड को आर के साथ कैसे जोड़ेंगे बताइए संट फील्ड को आर के साथ कैसे जोड़ेंगे 92 टू में सीआर है ठीक है भाई यानी कि संट फील्ड होगा तो इसको हम साथ है ना समांतर में जोड़ेंगे और सीरीज फील्ड को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं संट फील्ड को आर्मी साथ कैसे जोड़ेंगे समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा संट फील्ड को साथ कौन से क्रम में जोड़ा जाएगा समांतर क्रम में जोड़ेंगे ठीक है जी चलो अगला सवाल श्रेणी मोटर में बल आगुण किस प्रकार परिवर्तित होता है श्रेणी मोटर में बल आगुण यानी कि टॉर्क कैसे परिवर्तित होता है टॉर्क के बारे में पूछा है तो आर्मेचर की धारा का अनुकर्मा होता है क्या आपके ऊपर टोर टोर्क है प्रारंभ में तो आर्मेचर की धारा के वर्ग के समानुपाती होता है उसके बाद आर्मेचर की धारा के समानुपाती है तो टोर्क किस प्रकार परिवर्तन होता है आर्मेचर धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है धारा के अनुक्रमानुपाती है वित्त कर्मानुपाति वाले दोनों गलत है लेकिन जब यदि मुझे इस प्रकार का सवाल पूछा गया है तो सबसे पहले मेरे हिसाब से मुझे आंसर देना चाहिए प्रारंभ में कैसा होगा क्योंकि ये जो आएगा ये तो फुल लोड के बाद आएगा फुल लोड के बाद में यदि पूछे तो आप कहोगे भाई ये आपके पास धारा से समानुपाती है लेकिन प्रारंभिक से फुल लोड तक जाओगे तभी तो गति मेन गति होगी तो आर्मेचर की धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा तो ये क्या होगा भाई आर्मेचर की धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा चलो ध्यान से देख लीजिएगा भाई बी ऑप्शन ए ऑप्शन मत दिया करो यार आप देखो ना ध्यान से मैंने समझा दिया फुल लोड के बाद में यदि पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे धारा, धारा के आर, आर्मेचर धारा के अनुक्रमानुपाती यदि मान मुझे संड का पूछता तो मैं कौन सा ऑप्शन करता ए ऑप्शन करता सीरीज का तो मैं कौन सा ऑप्शन करूंगा बी ऑप्शन करूंगा और मुझे ग्राफ बार बार क्या बनाना ग्राफ तो मैंने अच्छे से बना के आपको दिखा भी दिया बता भी दिया ना इसलिए बार बार ग्राफ क्या बनाए चलो ठीक है अगला सवाल सीरीज मोटरों का उपयोग निम्नलिखित में से किस किस में किया जाता है सीरीज मोटरों का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है या डीसी सीरीज मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त है यह पूछा है डीसी सीरीज मोटर हमारे पास ट्रैक्शन कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त है यानी ऐसा कार्य जहां पर आपको प्रारंभिक टोर के ज़्यादा की आवश्यकता पड़ती है जैसे रेलवे इंजन चलता है जब स्टार्ट होता है आप देखते हैं बहुत धुआं देता है बहुत इंजन जोर करता है तो ट्रैक्शन कार्य ज्यादा की आवश्यकता पड़ती है तो रेलवे इंजन है तो वहां ट्रैक्शन कार्य शुरुआत में ज़्यादा की आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पर आपको जरूरत होगी होस्ट होता है क्रेन होती है यहां पर प्रारंभिक में जब स्टार्ट करते हैं तो यहां पर ट्रैक्शन कार्य ट्रैक्शन कार्य होता है तो प्रारंभिक टॉर्क ज्यादा चाहिए प्रारंभिक टॉर्क ज्यादा चाहिए तो वहां काम आटा लोग में पंप में बारो तोलन में क्रेन में तो क्रेन में हम काम लें। किस में लेंगे में भाई क्रेन में। चलो क्लियर है भाई नेक्स्ट अगला अगला सवाल हमारे पास नाइनटी फाइव नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना आराम से सवाल एक एक आपके सामने है निम्नलिखित में से किस मोटर की शून्य भार की चाल उच्चतम होगी यानी कि नो लोड फुल स्पीड शून्य भार ये तो सीरीज होती है भाई शून्य भार पर यदि चाल उच्चतम होगी तो यह आती है हमारे पास सीरीज में क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे हमारे पास लोड बढ़ेगा तो ये चाल क्या होने लग जाएगी कम होने लग जाएगी चाल घटने स्पीड घटने लग जाएगी कौन सी मोटर शुरुआती उच्च बल आगुण के लिए उपयुक्त है ये भी सीरीज मोटर है उच्च प्रारंभ टोर्क के लिए निम्नलिखित में से डीसी मोटर उचित है श्रेणी मोटर है तो ये हमारे पास सभी सवालों का आंसर है डीसी श्रेणी मोटर यानी कि श्रेणी मोटर के साथ में प्रारंभ में हमारे पास स्पीड भी ज्यादा होगी प्रारंभ में हमारे पास टॉर्क भी अधिक होता है टॉर्क भी क्या होता है उच्च होता है अगला सवाल है नंबर ध्यान से देखिएगा निम्नलिखित में से किस मोटर में अधिकतम नो लोड स्पीड हो सकती है किस मोटर में अधिकतम नो लोड स्पीड हो सकती है यानी कि अधिकतम नो लोड स्पीड होने, नो लोड स्पीड है बिना लोड की स्पीड होगी और स्पीड अधिकतम होगी वो होगी? तो सीरीज मोटर में होगी अभी देखा था सीरीज मोटर में लोड नहीं होगा तो स्पीड क्या होगी ज्यादा होगी तो नो लोड स्पीड सबसे ज्यादा में होगी सीरीज मोटर में होगी अगला सवाल डीसी श्रेणी मोटर को ऐसी आपूर्ति में जोड़े जाने पर डीसी श्रेणी मोटर को एसी आपूर्ति में जोड़े जाने पर क्या होगा ये आपसे सवाल पूछा गया डीसी श्रेणी मोटर को एसी आपूर्ति से जोड़ दिया यदि डीसी मोटर को एसी से जोड़ दिया तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा चले चल भी जाएगी लेकिन एसी मशीन होता है उसको डीसी से जोड़ दिया जाए ऐसी मशीन को यदि आप डी से जोड़ देते तो वो नहीं चलती है लेकिन डीसी को डीसी मोटर में यदि आप एसी अप्लाई कर देते हो डीसी की जगह एसी देते दे हो दे तो चल जाएगी लेकिन इसकी दक्षता घट जाएगी कारण है स्पार्किंग बढ़ जाएगी कम्यूटेशन का प्रभाव ज्यादा हो गया तो ब्रशो पर स्पार्क क्या होगा ज्यादा होगा बट उल्टा ध्यान रखना एसी मशीन में डीसी सप्लाई दी, दी जाए तो मशीन नहीं चलेगी लेकिन डीसी में एसी दी जाए तो मशीन चल जाएगी लेकिन यहां ब्रशों पर स्पार्किंग हमारे पास ज्यादा होगी इस कारण दक्षता कम होगी क्लियर चलो अगला सवाल अगला क्वेश्चन आपके सामने नंबर, श्रेणी मोटर के संबंध में कौन सा कतन सही है देखो सीरीज मोटर के कितनी सी है, लेकिन क्या क्या पूछ ले उसी को घुमा फिरा के बहुत ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है ना भाई डीसी श्रेणी मोटर के संबंध में कौन सा कथन सही है यह बिना भार के सहजता से चल सकती है बिना भार के सहजता से चलती है क्या आपके बात उचित तो नहीं है क्योंकि बिना लोड के तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है से से नहीं चलेगी इसका बल आगुन खराब होता है गलत इसका प्रारंभिक टोर्क ज़्यादा होता है और फुल लोड तक टोर्क परोलकार होता है उसके बाद लीनियर होता है इसके चाल लगभग नियत रहती है गलत चाल लगभग नियत होती है वो सन्ट मोटर की रहती है सीरीज मोटर की चाल लोड के साथ परिवर्तित होती है जैसे जैसे लोड बढ़ेगा चाल घटती जाएगी इसकी क्षेत्र वर्णी में कम संख्या के मोटे तार होते हैं क्या यह लग रहा है यानी कि वाइंडिंग हमारे पास क्या होता है श्रेणी मोटर है तो सीरीज में हम क्या करते हैं कि है? मोटा तार काम लेते हैं कौन सा तार काम लोगे मोटा तार मोटा तार काम लोगे तो लपेटे भी क्या आएंगे भाई लपेटे भी हमारे पास यहां देखोगे तो आप क्योंकि लपेटे भी कम होंगे लपेटे कम है तार ही मोटा है तो आप बताओ तो प्रतिरोध क्या होगा कम होगा और ये टोर्क कहां काम लेंगे उच्च प्रारंभिक टोर्क के, के लिए काम में लिया जाएगा ये सीरीज मोटर की पूरी खासियत है ठीक है मतलब सीरीज वाइंडिंग की तो यह सीरीज वाइंडिंग कर रहे। तो मोटा तार कम लपेटे तो क्षेत्र वाइंडिंग में कम संख्या के मोटा तार काम लिया जाता है यह पोल के ऊपर स्थापित होती है भाई ओके नेक्स्ट अगला देखना ध्यान से अगला अगला हमारे पास है इलेक्ट्रिक ट्रेन पहाड़ी से नीचे उतरते समय डीसी मोटर किस रूप में कार्य करती है इलेक्ट्रिक ट्रेन है और इस ट्रेन में क्या होता है पहाड़ी से मोटर है जो नीचे उतर रही है तो पहाड़ी से नीचे उतरते समय किस प्रकार कार्य करेगी तो देखो कि यहाँ कोई मशीन चेंज थोड़ी हो जाएगी जो ट्रेन है पहाड़ी से नीचे नाम देखे तो आपको कन्फ्यूज कर दिया ट्रेन है तो यहाँ पर क्या कार्य होगा ट्रैक्शन कार्य होगा और ट्रैक्शन कार्य जहाँ पर भी होता है वहां पर हमारे पास डीसी सीरीज मोटर का ही सॉरी डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं और उतर नीचे उतरेगा तो ये जनरेटर की भांति कार्य करेगा बिल्कुल ये एक बात ध्यान रखनी है मोटर जनरेटर दोनों दे देना दे ट्रैक्शन कार्य करते हैं लेकिन नीचे उतरता है तो ये ई एम एफ इंड्यूस कर देगी ऊपर चढ़ेगी तब मोटर मोटर के हिसाब से काम कर देगी नीचे उतरेगी तो जनरेटर के हिसाब से काम कर देगी ये ध्यान रखना तो ये हमारे पास जब ये नीचे की तरफ उतरती है तो जनरेटर हिसाब से काम कर देते ऊपर की तरफ चढ़ेगी तो मोटर के हिसाब से काम कर देगी चलो ठीक है सर्दी आने लगी शर्ट पहन ले जल्दी शुरू कर देंगे शर्ट जैकेट के साथ शुरू कर देंगे ठीक है भी? चलो, अगला सवाल अगला है सो नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा इस सवाल को ध्यान से देखिएगा सो नंबर क्वेश्चन को भी कौन सी डीसी मोटर की गति आर मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है कौन सी डीसी मोटर की गति है जो आर मेचर की धारा पर निर्भर नहीं करती कंपाउंड मोटर श्रेणी मोटर संहित मोटर बताइए कौन सी है तो आप कहोगे आर धारा पर निर्भर नहीं करती है यानी कि जिसकी गति लगभग नियत होती है आर्मेचर धारा में परिवर्तन होने पर इसकी गति में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है लगभग नियत रहता है वो संट मोटर होती है श्रेणी मोटर में तो आप जानते हो कि जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे तो हमारे पास गति क्या हो भी कम होगी यानी कि आर्मेचर धारा बढ़ेगी तो गति क्या हो जाएगी कम हो जाएगी लेकिन संट मोटर में गति लगभग नियत रहती है ड्रिल मशीन में काम में ले ली जाती है इसको जहां पर भी नियत गति से आपको कार्य करना होता है वहां सब जगह इसका प्रयोग में ले लिया जाता है ठीक है अगला सवाल लोकोमोटिव को प्रचालित करने के लिए किस प्रकार की मोटर की अनुशंसा की जाती है लोकोमोटिव है लोकोमोटिव का मतलब क्या ट्रेन ट्रेन का मतलब ट्रैक्शन कार्य और ट्रैक्शन कार्य के लिए आपने पहले ही बता दिया था कि ट्रैक्शन कार्य के लिए हमारे लिए सबसे उपयुक्त जो रहेगा वो डीसी सीरीज मोटर हमारे पास सबसे उपयुक्त रहेगा अगला सवाल बिना लोड पर डीसी सीरीज मोटर की चाल क्या होगी बिना लोड पर डीसी सीरीज मोटर की चाल अधिकतम होगी यानी कि चाल बहुत ज़्यादा होगी तो वहां वैल्यू से डिसाइड नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या है अनंत दिया हुआ है तो इसका अनंत करता है अनंत ऑप्शन में नहीं होता तो मैं दिए गए ऑप्शन में चार हज़ार कर देता क्योंकि कोई आंकड़ा तो है नहीं इसका जब लोड लोड नहीं है तो लोड नहीं है तो इसकी चाल क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है तो अत्यधिक ज़्यादा होगी तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा अनंत हो जाएगा अत्यधिक ज़्यादा हो जाएगा ठीक है एक सौ दो में बिल्कुल बिल्कुल सबका आ रहा आंसर करेक्ट ध्यान से देखते चलो भाई आंसर को आराम से अगला सवाल है यदि एक यदि एक दो सौ तीस वोल्ट डीसी श्रेणी मोटर को दो सौ तीस वोल्ट एसी पर्दाय से जोड़ दिया जाए तो यह आपको सवाल पूछा गया है यदि एक 230 वोल्ट डीसी श्रेणी मोटर को 230 वोल्ट एसी सी पर्दा से जोड़ दिया जाए सीरीज मोटर 230 को इसमें एसी जोड़ दिया जाए मोटर रुक जाएगी क्या नहीं होगी निम्न दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगी अभी यह सवाल आ ही गया था यदि डीसी मोटर में एसी जोड़ोगे तो चल जाएगी चलेगी क्यों नहीं लेकिन दक्षता कम होगी स्पार्किंग ज्यादा होगी कम्यूटेशन का दोष ज्यादा होगा इस हिसाब से कार्य करेगी क्लियर दोस्तों अगला सवाल देखते हैं डीसी श्रेणी मोटर का उपयोग करने के लिए कौन सा अनुप्रयोग सर्वाधिक है आप <आग> बताओ भैया आपके सामने है डीसी श्रेणी मोटर का उपयोग करने के लिए कौन सा अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त है यह बता दीजिएगा आप पहला उच्च भार पर निम्न गति की आवश्यकता हो लेंगे निम्न भार निम्न गति के लिए उच्च भार पर उच्च गति की आवश्यकता होती है निम्न भार पर उच्च गति की आवश्यकता होती है तो बताइए डीसी श्रेणी मोटर का उपयोग कहां पर आप करोगे तो सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा चलो यहां एक करेक्शन करते हैं सब उत्तर देने में लगे उच्च बाहर नहीं आएगा उच्च टॉर्क आएगा यह अनुशंसा होती है हमेशा कहां पर मोटर का क्या होगा जो अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त है सर्वाधिक अनुपयुक्त है जहां उच्च टॉर्क हो, हो और उच्च गति की आवश्यकता हो जहाँ टॉर्क भी ज़्यादा हो और गति भी ज़्यादा की आवश्यकता हो वहाँ पर काम है लोगे तब जाके होगा ये नहीं तो हमारे पास आंसर क्या इसकी अनुशंसा होगी नहीं इसके अनुशंसा हम उच्च गति की आवश्यकता हो तो उच्च गति की आवश्यकता भी हमें उच्च गति भी मिल जाएगी और हाई टॉर्क मिलेगा तो उच्च टॉर्क और उच्च स्पीड होगा तब हमारे पास सबसे उपयुक्त होगा और सबसे अच्छे से होगा यहाँ पर गति से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है टॉर्क गति से भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट यदि यहाँ पर कोई है तो वो हमारे पास होता है भाई टॉर्क टॉर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्लियर है ये ध्यान रखना अब देखो यहाँ पर हम करेंगे सी चलो कोई दिक्कत तो नहीं मैं आज थोड़ा सा बैठ के पढ़ा देता हूँ ताकि मिनिमम दो पोल होता है मैक्सिमम स्पीड तीन हजार आर तुम तो हम भावना गए। रहा वो नहीं है, ए, मतलब ये था कि जहाँ स्पीड सबसे ज्यादा होगी तो वही होगा जो स्पीड सबसे ज्यादा बताई जाएगी तो वही इसका करेक्ट आंसर होगा ये ध्यान रखना क्लियर है चलो एक सौ नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा इसको आप आराम से देखना एक सौ नंबर सवाल को कि डीसी संट मोटर में उत्पादित उत्पादित टॉर्क अनुपातिक होता है डीसी संट मोटर में जो टॉर्क है किसके अनुपातिक होगा डीसी संट मोटर में जो टॉर्क होता है वो आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है टॉर्क किसके समानुपाती होता है भाई आर्मेचर टो आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है लेकिन यदि सीरीज होता तो इसका स्क्वायर आ जाता तो यहां पर हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगला देखो एक सौ क्वेश्चन ऐसे अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की डीसी मोटर की आवश्यकता होती है जिनके लिए उच्च परिवर्तन आगुण की आवश्यकता होती है हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है वो श्रेणी मोटर है ऐसा मोटर बतानी है डीसी मोटर की आवश्यकता होती है जिससे हाई स्टार्टिंग टॉर्क है हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमारे पास किस में होता है भाई श्रेणी मोटर में क्लियर है चलो अगला सवाल करते हैं नेक्स्ट एक सौ सात नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा एसी सीरीज मोटर में प्रतिकारी किस लिए लगाई जाती है जो एसी सीरीज मोटर होती है वहां पर प्रतिकारी वाइंडिंग होती है वो क्यों लगाते हैं टॉर्क में वृद्धि करने के लिए करते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करता है ब्रश में स्पार्किंग को कम करता है या बी सी दोनों या ए व बी दोनों प्रतिकारी जो वाइंडिंग है वो क्यों लगाई जाती है प्रतिकारी वाइंडिंग का मतलब आप समझे नहीं कौन सा है? कंपनसेटेड वाइंडिंग आप क्या कहोगे भाई ये हमारे पास इंग्लिश में नाम इसका क्या होगा कंपनसेटेड वाइंडिंग कंपनसेटेड वाइंडिंग का मतलब है कुछ हमारे पास लॉस हो गए तो उस लॉस को दूर करने लिए हम कंपनसेटेड वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं और कंपनसेटेड वाइंडिंग आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को क्या करता है कम करता है कंपनसेटेड वाइंडिंग जो होती है आर्मेचर के शरणी क्रम में लगाई जाती है लेकिन विपरीत पॉलरिटी के साथ लगाई जाती है आर्मेचर के सरणी क्रम में लगाई जाती है विपरीत पॉलरिटी के साथ लगाई जाती है यह भी ध्यान रखना लगाई कहां पर जाती है पोल के ऊपर लगाई कहां पर जाती है पोल के ऊपर लगाई जाती है यह इस प्रकार होता है ना यहां होता देखो यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यह हमारे पास क्या होता है फील्ड पोल होता है एक बात ध्यान रखना अब जो हमारे पास होगी, आर में चढ़ के तो श्रेणी क्रम होगी आर में के श्रेणी क्रम होगी होगी पोल पर स्थापित और पोल में भी यहां स्थापित होती है यहां होते ना यहाँ खंड बना स्थापित ता, होती है तो यह बात ध्यान रखना कई बच्चों को पता नहीं होता है ऐसी सीरीज मोटर में तो एसी सीरीज मोटर में भी तो आर्मेचर रिएक्शन आप यूनिवर्सल मोटर को ले लो ना यूनिवर्सल मोटर भी तो सीरीज मोटर के यूनिवर्सल मोटर के सीरीज मोटर एसी सीरीज मोटर की भांति कार्य कर रहा है तो वहां पर भी तो आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करना होता है यूनिवर्सल मोटर पढ़ लो दो तो ध्यान से मामला हो जाएगा ठीक है चलो भाई हम वापस बातें करने लग जाएंगे नहीं तो डीसी डीसीट मोटर भी कहलाती है डीसी सी मोटर क्या कहलाती है नियतांक फ्लक्स मोटर कहलाती है नियतांक वोल्ट मोटर परिवर्तनीय वोल्ट मोटर नियतांक धारा मोटर नियतांक शक्ति गुणा बताइए क्या कहलाती है हमारे पास डीसी संट मोटर क्या कहलाती है तो डीसी संट मोटर देखो एन समानुपाती बी बटा फाइव तो यहाँ पर ध्यान रखना कि फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं है तो हमारे पास गति में कोई परिवर्तन नहीं है तो गति फ्लक्स के साथ रहेगी सीधा संबंध है वितक्रमण बताइए फ्लक्स घटेगा तो गति बढ़ेगी तो ये नियत नियता फ्लक्स मोटर भी होगी डी सीसेंट मोटर हमारे पास क्या कहलाएगी जिसमें फ्लक्स का मान भी क्या रहेगा नियत रहेगा यदि फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स के मान में कब परिवर्तन होगा जब आर मेचर के मान में बदलेगा तो आर मेचर मान बदलेगा तो बदले फ्लक्स बदलेगा फ्लक्स बदलेगा तो गति बदलेगी जबकि यहां पर गति हमारे पास नियत रखनी होती है और नियत रखनी है तो फ्लक्स का मान क्या रखना पड़ेगा एक फिक्स रखना पड़ेगा नियत रखना पड़ेगा तो ये स्थिर मोटर की भांति कार्य करेगी स्थिर गति मोटर की भांति कार्य करेगी ठीक है क्या इस मोटर को लोड पर स्टार्ट किया जाता है नहीं इसको हम बिना लोड के स्टार्ट करते हैं लोड पर स्टार्ट किया जाता है तो आप कहो डीसी सीरीज मोटर को हम लोड के ऊपर स्टार्ट करते हैं क्लियर 109 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो एक डीसी डीसीट मोटर की टॉर्क और आर्मेचर करंट की विशेषता क्या है एक डीसी डीसीट मोटर की टॉर्क और आर्मेचर करंट की विशेषता आपको पूछिए विशेषता किसकी पूछिए टॉर्क की और आर्मेचर करंट की देखो टॉर्क और आर्मेचर करंट की जो विशेषता है वहां पर एक सीधी रेखा बनेगी क्यों बनेगी क्योंकि एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले आता था। टॉर्क आर्मेचर करंट के सीधा समानुपाती है लीनियर है तो इसको आप क्या कहोगे रेखी कहोगे क्योंकि संट मोटर है सीरीज मोटर होता है तो वहां पर रेखी का कैस नहीं होता था पर होता है लेकिन संट मोटर है तो यहां पर कैस हमारे पास का आएगा आएगा क्लियर है यहां तक कोई चिंता नहीं है अगला सवाल करते हैं नेक्स्ट एक सौ दस नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा उपमार्ग परिवेष्टन बड़ा ध्यान रखना भाई उपमार्ग परिवेशन किसको बोलते हैं संट वाइंडिंग को उपमार्ग परिवेशन यानी कि सन्ट वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है सरंगला परिवेशन प्रतिरोध से अधिक होता है इसका प्रतिरोध क्या होता संट्वाँणिंग है संट वाइंडिंग का संट वाइंडिंग का प्रतिरोध हमारे पास उच्च होता है क्योंकि यहाँ पर पतला तार काम लिए जाता है जिसकी लपेटें ज्यादा होती है प्रतिरोध हमारे पास क्या होगा उच्च होगा पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है तो श्रृंखला और श्रंखला से ज्यादा होगा बिल्कुल ठीक है आर मेचर से अधिक आर मच्छर से अधिक तो सब ही होता है आर मचर का प्रतिरोध तो सबसे न्यून प्रतिरोध होता है सबसे कम होता है यानी कि यह होता है लगभग एक ओम से भी कम होता है इस प्रकार आर मचर का प्रतिरोध होता है ठीक है तो यह ध्यान रखना भाई क्लियर है कोई टेंशन नहीं तो यह हमारे पास क्या रहेगा उच्च रह जाएगा श्रृंगला आर प्रतिशोध से अधिक हो जाएगा 111 नंबर क्वेश्चन डीसी संट मोटर में नो लोड से फुल लोड तक हालांकि शुरुआत में आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप और परित विद्युत धारा के कारण गति में थोड़ी कमी आती है अंत में गति क्या हो जाती है यह आपसे पूछा गया सवाल बताइए भाई जल्दी से इस सवाल का उत्तर डीसी संट मोटर में नो लोड से फुल लोड तक हालांकि शुरुआत में आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप और प्रेरित विद्युत धारा के कारण गति में थोड़ी कमी आती है अंत में गति क्या हो जाती है बताओ जल्दी से भाई अंत में गति क्या हो जाती है नो no लोड से फुल लोड तक हालांकि शुरुआत में तो वोल्टेज और विद्युत धारा गति थोड़ी कमी आती है अंत में गति क्या रहती है स्थिर रहती है लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी सी कमी आ जाती है लेकिन बाद में इसकी गति हमेशा क्या रहती है स्थिर गति रहती है तो स्थिर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है डीसी सी मोटर की गति हमारे पास क्या होती है स्थिर गति होती है तो ये हमारे पास स्थिर आंसर करेक्ट होगा बार बढ़ने पर दिष्ट धारा संट मोटर की गति क्या होगी लोड बढ़ाओगे तो डीसी संट मोटर की गति तो स्थिर रहेगी लेकिन थोड़ी सी कम हो जाती है थोड़ी सी कम हो जाती है लगभग स्थिर रहती है लेकिन थोड़ी सी क्या हो जाती है कम हो जाती है मोटर के सवाल बहुत ज्यादा तरह एक ही सवाल के ऊपर संट मोटर में चाल क्या है क्या है चाल आप बता सकते हो डीसी मोटर में चाल के आर्मेचर धारा पर अनाश्रित है कि आर्मेचर धारा के, के समानुपाती है या आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती है यह आर्मेचर धारा के उत्क्रमानुपाती है तो डी सी मोटर में चाल क्या होगी तो दिए गए ऑप्शन के मुताबिक तो आपको ये करना पड़ेगा बी ऑप्शन बाकी ये सवाल उपयुक्त अच्छा नहीं रहेगा डीसी मोटर की चाल पूछी है टॉर्क पूछता है तो आर्मेचर करंट के सीधा समानुपाति आता सीधा समानुपाति क्या आता भाई टॉर्क आ जाता है क्योंकि चाल होती तो है समानुपाति लेकिन लगभग लगभग चाल तो स्थिर थी रहती है यहाँ चाल में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है तो ये हमारे पास टोर्क है, टॉर्क के है, बारे में पूछता तो सबसे अच्छा होता था ठीक है भाई अगला सवाल कोई डीसी मोटर हल्के लोड पर चल रही है फील्ड वाइंडिंग यदि खुल जाए तब क्या होगा लोड बहुत कम है फील्ड वाइंडिंग खुल जाए यदि परिचालन के दौरान डीसी मोटर का फील्ड खुला हो तो गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा फील्ड खुल गया ये देखो बिना लोड चालू तो हो सकती है आप जानते हो बिना लोड क्या हो जाएगी भाई चालू तो हो जाएगी डीसीट मोटर के क्षेत्र कुंडलन यानी फील्ड वाइंडिंग को शून्य भार पर खुला जोड़ा जाता है मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा मोटर जल जाएगी मोटर शोर करेगी मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी दिए गए ऑप्शन के मुताबिक मुझे मोटर की स्पीड को बढ़ाना होगा बाकी ये मेन गुण होता है मोटर की वाइंडिंग उखड़ जाएगी तो ये होता है सीरीज़ में लेकिन हाई स्पीड हो जाएगी डीसी सी मोटर है और जब शून्य लोड हो जाता है तो वैसे तो इसका लोड लगभग स्थिर रहता है लोड परिवर्तन होने पर ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है लेकिन लोड बिल्कुल भी जीरो और शून्य हो तो इसकी स्पीड है जो बढ़ जाएगी बहुत अधिक तो नहीं हो जाएगी थोड़ी अधिक हो जाएगी बहुत अधिक वाला मामला नहीं रहता है डीसी संट मोटर के साथ बहुत अधिक वाला मामला नहीं रहता शून्य लोड के ऊपर लेकिन जल जल जाने का शोर करे ये दोनों कारण नहीं है इस कारण मुझे बी ऑप्शन करना पड़ेगा बी ऑप्शन मैंने दिए गए ऑप्शन के, के मुताबिक किया बाकी मेरी इच्छा से नहीं है ठीक है भाई ये देखना आप इसको, इसको इसके हिसाब से थ्योरी मत बना लेना ये ध्यान रखना कई बार इसके हिसाब से थ्योरी नहीं बना सकते क्योंकि क्वेश्चन आता है ऑप्शन दिए गए उनके अकॉर्डिंग क्युं आपको सेट करना पड़ेगा सर थोड़ा सा जूम करो किसको करें भाई थोड़ा सा जूम किसको करें पूरा जूम है पूरा बोर्ड में आपको सवाल ही तो दिख रहा है अब जोम करेगा तो बोर्ड से बाहर निकल जाएगा अगला सवाल डीसी सेंट मोटर में फील्ड धारा कम होने पर मोटर की चाल क्या होती है डीसी मोटर में फील्ड धारा कम होने पर मोटर की चाल क्या होगी बताइए भाई ये सवाल सिंपल है डीसी मोटर है उसमें धारा कम हो जाती है तो मोटर की चाल क्या हो जाएगी तो ये बढ़ जाएगी या घट जाएगी ये बताइए जल्दी से बढ़ जाएगी घट जाएगी डीसी मोटर में फील्ड धारा कम होने पर मोटर की चाल क्या होगी तो मोटर की चाल देखो एन है, एन समानुपाती फील्ड धारा कम करोगे बराबर हमारे पास हो गए वी माइनस आई ए आर है, और हमारे पास आर में चर करंट का मान कम होगा आर में चर करंट का मान कम होगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी फील्ड धारा कम होगी ये ये कम हो जाएगी ये कम हो जाएगी तो ई बी का मान हमारे पास बढ़ जाएगा ई बी बढ़ेगा तो एन भी हमारे पास बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा भाई फील्ड धारा कम होगी फील्ड धारा आर बजर धारा के साथ से संबंध रखती है तो फील्ड धारा कम होगी तो हमारे पास ये भी कम हो जाएगा फील्ड धारा कम होगी तो ई बी बढ़ जाएगी ई बी बढ़ जाएगा तो चाल चाल भी बढ़ जाएगी तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा बढ़ जाएगी बिल्कुल भाई सब कह रहा करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया नेक्स्ट अगला सवाल जब फ्लक्स बढ़ाया जाता तो डीसी संड मोटर की गति पर क्या असर होता है जब फ्लक्स बढ़ाया जाता फाइव फ्लक्स बढ़ाता तो डीसी तो संड मोटर की गति का मैंने एक सिंपल आपको अभी तो एक बताया था एन समानुपाती ई बटा फाइव जब फ्लक्स बढ़ेगा तो गति हमारे पास घट जाएगी तो घटती है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा भाई डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्लक्स बढ़ाओगे तो गति हमारे पास घटेगी वित कर्मानुपाती होती है डीसी मोटर में फ्लक्स स्थिर रहता है इसलिए बल आगुण क्या होता है सवाल में क्या बताए भाई डीसी मोटर में फ्लक्स है जो स्थिर है तो इसलिए बल आगुण क्या होगा आर में चर धारा के वित कर्मानुपाती समानुपाति होगा अनुपातिक होगा क्या होगा डीसी मोटर में फ्लक्स स्थिर है इसलिए बल आगुण क्या होता है तो बल आगुण जो होता है बल लागू नहीं टोर्क टोर्क होता है आर्मेचर करंट के समानुपाती आर मेचर धारा के अनुपातिक होता है वित्ती कर्मानुपाति नहीं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट ये हमारे पास टोर्क आर्मेचर करंट के समानुपाती हो जाएगा लेकिन सीरीज में ऐसा केस नहीं होता आपने देख लिया तो इसमें ज्यादा देखना किया है तो सवाल हमने पहले ही कर लिया डी सी सेंट मोटर की रफ्तार की रफ्तार बढ़ाई जाती है तो बे एक ई एम एफ बेक ई एम एफ है भैया डीसी डीसीट मोटर की रफ्तार की रफ्तार बढ़ाई जाती है डीसी सी मोटर की रफ्तार बढ़ाई जाती है तो बे एक में क्या होता है यदि डीसी मोटर की रफ्तार बढ़ाएंगे तो बे एक में भी बढ़ेगा क्योंकि एन समानुपातिक ईबी फाइव है और यदि मान लो एन बढ़ेगा तो ई बी भी बढ़ेगा दोनों परपोशनल है एक दूसरे के समानुपातिक है तो बढ़ेगा तो हमारे पास कौन सा आंसर आएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगला किसके अनुप्रयोग में संट मोटर का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक ट्रोम या रेल में इलेक्ट्रिक होस्ट या क्रेन में उच्च स्टार्टिंग टोर के साथ चालन करने मशीन औजार या ड्राइव्स में आपको सवाल सिंपल पूछा है किसके अनुप्रयोग में संट मोटर का उपयोग किया जाएगा सन्ट मोटर यानी कि जिसकी गति क्या रहती है नियत रहती है नियत गति रहती है तो ट्रोम होस्ट और स्टार्टिंग टोर की ज़्यादा मत कर नहीं सकते ये तो सब ट्रैक्शन कार्य वाले हो गए मशीन के औजार ठीक है जहाँ ड्रिल मशीन करनी हो ग्राइंडिंग करनी हो या आपको लकड़ी का जो होता है ना वो ई करने वाला उसको घुमाना हो तो वहाँ सब क्या होता है एक नियत गति की आवश्यकता होती है तो बर्मा हो गया वहाँ घुमाने के लिए आपको एक नियत गति की आवश्यकता होती है तो वहाँ मशीन औजार में संट मोटर का प्रयोग किया जाता है क्लियर है भाई सर एस एस जई का फॉर्म तो नहीं भरा लेकिन मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रहा वहाँ पर पढ़ाई कम है इसलिए मैं कोर्स लेना चाहता हूँ अच्छा किस प्रकार की मोटर में भारी लोड के लिए फ्लाई व्हील का उपयोग किया जाता है चलो ये बताओ किस प्रकार की मोटर में भारी लोड के लिए फ्लाई व्हील का उपयोग किया जाता है एसी मोटर डीसी सेंट मोटर डीसी सीरीज मोटर एसी सीरीज मोटर फ्लाई व्हील का उपयोग किस में किया जाता है भारी लोड के लिए आपको फ्लाई व्हील का उपयोग करना पड़े कौन सी मोटर है तो आपके हो गया मोटर होती है सेंट मोटर में हम क्या करेंगे भारी लोड के लिए फ्लाई व्हील का प्रयोग करेंगे जिससे ये ज़्यादा लोड को भी उठाने में सक्षम हो जाए फ्लाई व्हील क्या करेगा ज़्यादा लोड को उठाने में सक्षम हो जाएगा बाकी श्रेणी मोटर के लिए तो प्रयोग करने की जरूरत नहीं है श्रेणी मोटर तो खुद होती है जो कि फ्लाई भारी लोड को आराम से उठा सकती है लेकिन फ्लाई व्हील का उपयोग कहाँ किया जाएगा जब इसमें हम डीसीट मोटर में इसका उपयोग करें तो इसका उपयोग किया जाएगा सीरीज मोटर तो खुद उपयोग अब उठा सकते हैं ना भाई इसलिए सीरीज मोटर का तो केस रहेगा नहीं ना संट मोटर के साथ में इस प्रकार के फ्लाई व्हील का उपयोग किया जाएगा जब लोड ज्यादा होगा सीरीज में लोड ज्यादा हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन संट में यदि लोड ज्यादा हो तो फ्लाई व्हील का उपयोग करके आप इस लोड को उठा सकते हो चलो अगला सवाल कौन सी डीसी मोटर सेंट्रिक फ्यूगल पंप में प्रयोग की जाती है सेंट्रिक फ्यूगल पंप यानी कि जहां पर हमारे पास नियत गति से चलते हैं अब केंद्रीय पंप होता है अब केंद्रीय पंप में हमारे पास डीसी संट मोटर हमारे पास कार्य करती है अब केंद्रीय पंपों में सीरीज मोटर किसी भी प्रकार के पंपों में कार्य नहीं करती है कम्युनिटी कंपाउंड मोटर होती है जो कि हमारे पास वहाँ कार्य करती है जैसे एलिवेटर में शौचालय सीड लिफ्ट उनमें काम करती है और डिफरेंशियल होती है जो अपने ज़्यादा लोड पर अस्थिर व्यवहार के कारण इसको काम नहीं लिया जाता फिर भी इसको काम में लेते तो बैटरी चार्जिंग के हिसाब से इसको काम में ले लिया जाता है तो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास ए ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा भार एक संट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होता है संट मोटर द्वारा एक तो पंप पंप का मतलब भी क्या भाई स्विच हो गया सॉरी सेंट्री फ्यूगल पंप हो गया कौन सा भार एक संय पंप होगा विद्युत रेल का इंजन नहीं होगा प्रत्यागामी पंप होगा यह भी इसी प्रकार का पंप होता है प्रत्यागामी पंप भी सेंट्री फ्यूगल पंप के प्रकार का होगा और पंखा होगा निम्न लेकिन कौन सा बाहर एक संट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होगा तो दोनों बेहतर ही संचालित हो रहा है चाहे प्रत्यागामी हो और चाहे आपका अब केंद्रीय पंप हो दोनों के अंदर ही तो इसी का प्रयोग करते हैं रेलवे इंजन में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं और पंखा जो होता है उसमें हम परमानेंट कैपेसिटर का प्रयोग कर लेते हैं तो वहाँ प्रयोग नहीं करते लेकिन अब केंद्रीय पम्प और प्रत्यागापी पंप इसमें ए व सी दोनों करेक्ट है ए व सी दोनों करेक्ट है ध्यान से देख लो ए और सी दोनों करेक्ट है केवल सी नहीं है केवल ए नहीं है प्रत्येकामी पंप में भी इसी का प्रयोग किया जाता है पंप में भी इसी का उपयोग किया जाता है दोनों करेक्ट है अगला डीसी सी मोटर का उपयोग आमतौर पर कहा किया जाता है क्रेन में करते हैं नहीं ट्रैक्शन कार्यों में नहीं एलिवेटर में एलिवेटर कंपाउंड करते हैं खराद मशीन में और वायु संपूर्ण में ये आपका पास दो ऑप्शन है तो हमारे पास जो खराद मशीन होती है वो लगभग सारी तक लकड़ी को घिसने के लिए वहाँ काम में ली जाती है तो वो खराद मशीन होती है उसकी गति क्या रहती है नियत रहती है जो नियत गति से जो चलती है मशीन वहाँ पर इसको काम में लेते हैं तो नियत गति से चलने वाली मशीन में काम लिया जाता है तो यहाँ पर लकड़ी में प्रयोग ली जाती है तो ये खराद मशीन ही उपयुक्त होगी वायु संपीडित बाकी तो ये हमारे पास डीसी सीरीज मोटर के उदाहरण और कंपाउंड के उदाहरण हो गए तो डी ऑप्शन उपयुक्त होगा अच्छा खराद लेथ मशीन हो गई लेद मशीन आमतौर पर क्या होता है खराद अच्छा लेत को कहते हैं तो लेथ मशीन का उपयोग तो दोनों में किया जाता है और लेथ का मशीन का उपयोग होता तो है चूड़ियाँ ये जो चूड़ी निकालते हैं ना जो आपके नट में या बोल्ट में जो चूड़ियाँ निकालनी होती है कोई जॉब का कार्य करवाना होता तो है ये खराद है तो लेथ मशीन है आई एम सॉरी वहाँ खराद कर तो मैं अलग समझ गया था खरा लेत मशीन है लेथ मशीन बहुत बड़ी मशीन होती है जहाँ पर सारे फिटर के कार्य संपन्न हो जाते हैं जिसमें देखो कि आपको किसी भी लोहे के औजार के साथ किसी भी प्रकार की क्रिया करनी हो तो सारा लेथ मशीन के ऊपर काम हो जाता है तो वो लेथ मशीन होती है तो लेथ मशीन हमारे पास कहाँ पर काम करेगी किस प्रकार कार्य करेगी तो लेथ मशीन हमारे पास कंपाउंड मोटर के काम में ली जाती है भाई कौन सी काम में ली जाती है भाई संचय यौगिक हमारे पास अच्छी रहती है और डीसी सेंट और संचय दोनों आता है तो हमारे पास संचय रहेगा तो उपयुक्त रहेगा डीसी संट और संचय में दोनों में आएगा तो संचय उपयुक्त रहेगा संट के मुकाबले में संचय तो यहाँ संट उपयुक्त रहेगा दोनों दोनों ही होते हैं भाई तो संट उपयुक्त रहेगा संचय उपयुक्त रहेगा सॉरी इसमें क्या होगा कि आपके पास जब संट रहेगा तो संट ऑप्शन करेक्ट होगा संट नहीं होगा तो संचय करना होगा तो यदि नियत गति से चलना है तो पहले सन्ट आंसर करोगे सन्ट नहीं होगा तो ये सेकंड प्रायोरिटी पर कंपाउंड करोगे कंपाउंड को सेकंड प्रायोरिटी पर रखना भाई एक सौ इसमें ए होना चाहिए बिल्कुल ए ही होगा डी यानी कि कंपाउंड तब होगा जब हमारे पास डी सी नहीं होगा तो कंपाउंड होगा मैंने उल्टा कर दिया था डी यदि हमारे पास सन्ट नहीं होगा तो कंपाउंड होगा ये ध्यान रखना ए और डी दोनों नहीं है लेकिन सेंट और कंपाउंड दोनों होता है सन्ट होगा और सन्ट नहीं है तो कंपाउंड होगा संट नहीं है तो क्या होगा कंपाउंड होगा ये ध्यान रखना संट नहीं होगा तो कंपाउंड होगा नहीं संट होगा तो संट होगा क्या विद्युत उपमार्ग यानी कि संट मोटर का अनुप्रयोगों का उदाहरण नहीं है बताइए क्या है जो विद्युत उपमार्ग का अनुप्रयोग उदाहरण नहीं है विद्युत उपमार्ग यानी संट मोटर का उदाहरण कौन सा नहीं है मशीन उपकरण है ब्लोर पंप है अब केंद्रीय पंप है एलिवेटर है एलिवेटर तो होता है कंपाउंड का एलिवेटर किस का उपयोग होता है कंपाउंड का उपयोग होता है लिफ्ट होता है वो कंपाउंड का उपयोग होता है तो ये हमारे पास संड का उपयोग यहाँ पर तो नहीं किया जाता है बाकी इन तीनों में कर लिया जाता है तो कहाँ पर डी सी संड मोटर उपयोग नहीं किया जाएगा एलिवेटर उद्वाहक उद्वाहक यानी एलिवेटर में इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है आपके सामने प्रश्न है इसका जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा वन ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन आ चुका है सवाल है डिस मोटर का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है तो देखो कि डिस मोटर का उपयोग किसमें किया जाता है तो आप कहोगे जो डिस मोटर है उसका उपयोग वहां करोगे जहां गति नियत होती है जहां गति नियत होती है वहां किसका करोगे डीसी डिस मोटर का करोगे और जिसमें गति में परिवर्तन होता है वहां पर हम क्या करेंगे गति में परिवर्तन होता है तो प्रारंभिक टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है तो सीरीज का स्टार्ट इस्तेमाल करोगे मशीन टूल यहां पर आप क्या करोगे भाई डीसी डिस मोटर काश कार्य मशीन वुड वर्किंग मशीन में भी इसका करोगे लेथ मशीन में भी इसी का करोगे बिल्कुल सही है इलेक्ट्रिक ट्रेन है तो यहां पर ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन है तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क हो गया इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क तो स्टार्टिंग टॉर्क यदि इसका हाई हो गया तो ये हमारे पास सीरीज मोटर में काम करेगी तो इन्होंने पूछा कौन सी नहीं है तो ये जो सीरीज मोटर है ये हमारे पास इसका उत्तर नहीं तो करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भाई बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा चलो सबका स्वागत है भाई एक बार फिर से आ, बिल्कुल जी बिल्कुल आंसर तो सबका बी आ रहा है बराबर कोई टेंशन है ही नहीं किसी के सबके बराबर ही चल रहा है बहुत बढ़िया अगला सवाल नेक्स्ट है 127 नंबर क्वेश्चन मशीनी औजारों के लिए निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है मशीनी औजारों के लिए निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है डीसी श्रेणी मोटर डीसी कंपाउंड मोटर डीसी मोटर या डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बताइए किस मोटर को प्राथमिकता दी जाती है मशीनी औजारों के लिए मशीनी औजारों के लिए हम क्या करते हैं कि जहां पर नियत गति से चलता है उन्हीं को हम काम में लेते हैं जो नियत गति से चलता है वहां काम में लिया जाता है नियत गति से हमारे पास कौन सा चल रहा है भाई तो आप क्योंकि सर नियत गति से चलने वाली अभी अभी हमने देखी थी संट मोटर होती है तो डीसी संट मोटर का उपयोग हम करेंगे थोड़ा सा सवाल इनको जल्दी कर देते हैं ज्यादा सवाल कर लें क्योंकि रिपीटेड सवाल हो गई निम्नलिखित किसका उपयोग लकड़ी के रंधे वर्ताकार आरी और एमजी सेट में किया जाता है यहां पर जहां पर भी किया जाता है ना चाहे एमजी से मोटर जनरेटर सेट में में नियत नियत गति गति चलनी चाहिए चाहिए वर्ताकार आरी में नियत होनी चाहिए, और लकड़ी के रंधे में भी यानी वुड प्लेनर में भी क्या होना चाहिए नियत गति होनी चाहिए और नियत गति वाला मोटर हमारे पास कौन सा होता है तो आप जानते हो सर नियत गति वाला मोटर हमारे पास डीसी सेंट मोटर होता है नेक्स्ट अगला सवाल अगला क्वेश्चन देखिएगा वन ट्वेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन किसी स्थिर संचालन क्षेत्र के लिए किस डीसी मोटर के गुण दोष किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के समान होते हैं बताइए कौन सी डी मोटर है जिसके गुण और दोष हैं वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के समान होते हैं बताइए जल्दी से कौन सी मोटर होते हैं जिसकी थ्री फेज इंडक्शन के समान होंगे डिसज होगा सीरीज होगा हो डिफ्रेंशल होगा कौन सा होगा तो आप क्योंकि लोड परिवर्तन होने पर उसकी गति में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है उनकी गति लगभग लगभग क्या रहती है नियत रहती है और वोल्टेज नियत होते हैं गति इसमें नियत होती है और इस प्रकार की कंडीशन भी किस में आती है भाई डीसी मोटर में आती है तो यहां पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना डीसी संट मोटर की गति जो लगभग लगभग किसके समान होती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के समान होती है स्थिर संचालन क्षेत्र में वोल्टेज में और नियत इसका उपयोग कहां किया जाता है भाई तो आपके नियत वोल्टेज होता है वहां पर किया जाता है तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्लियर अगला सवाल अगला डीसी संट मोटर के गुणन की दिशा बदलने के लिए डीसी सेंट मोटर के गुणन की दिशा बदलने निम्न से कौन सा कदम उठाना उठाया जाता है संट मोटर के गुणन की दिशा बदलनी है गुणन की दिशा को परिवर्तन करना यानी विपरीत दिशा में गुणन करना है तो विपरीत दिशा में यदि आपको गुणन करना है तो कौन सा नियम लागू करोगे किस प्रकार इसकी दिशा को आप विपरीत कर सकते हो जल्दी से बताइए भाई आपूर्ति आप में या आर्मेचर में या फील्ड में या सप्लाई में किस में परिवर्तन करना पड़ेगा क्या परिवर्तन करना पड़ेगा बताइए जल्दी से आपके सामने ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है आपूर्ति वोल्टेज का दुर्विकरण बदला जाता है या आर्मेचर टर्मिनलों को उल्टा किया जाता है या फील्ड वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम प्रतिरोध जोड़ा जाता है सप्लाई वोल्टेज को कम किया जाता है यह सवाल एक दिन हम आगे भी हमने किया था साहित्य जयनित पढ़ रहे थे पता नहीं क्या पढ़ रहे थे वहां पर आ गया था आर्मेचर टर्मिनल है उनको उल्टा करने पर इसकी गति क्या हो जाएगी विपरीत दिशा हो जाएगी और आपूर्ति वोल्टेज को परिवर्तन करोगे तो इसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला और केवल आर्मेचर को बदलोगे तो इसकी गति में परिवर्तन हो जाएगा यहां आर्मेचर होता है यहां फील्ड वाइंडिंग होता है फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर में कोई दोनों में से एक को बदलना होता है यदि दोनों में से एक को बदलना आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप कहना पहले आर बदलेंगे वो आसान होता है उसके बाद नहीं तो फील्ड वाइंडिंग बदल सकते हैं तो इनमें से कोई से हम बदल सकते हैं क्लियर अगला सवाल अगला क्वेश्चन याद लीजिए डीसी संट मोटर की फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन परिवर्तित हो जाने पर मोटर क्या होगी डीसीट मोटर है और उसकी फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन परिवर्तन हुआ मैंने कहा तो या तो फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन परिवर्तन हो या आरमच रखो दोनों में से कोई एक परिवर्तन होता है तो आप यह ध्यान रखना कि आपके पास उसकी दिशा परिवर्तन हो जाती है लेकिन यदि दोनों परिवर्तन होता है तो दिशा में परिवर्तन नहीं होता तो आप बताओ संट मोटर की फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन परिवर्तन हो जाने पर मोटर क्या होगी रुक जाएगी कि उल्टी दिशा में घूमेगी बी उल्टी दिशा में चलने लगेगी बिल्कुल करेक्ट आंसर है मोटर क्या होगी भाई मोटर हमारे पास फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन परिवर्तन करने पर मोटर उल्टी दिशा में घूमने लग जाएगी विपरीत दिशा में घूमेगी बिल्कुल विवेक बिल्कुल करेक्ट आंसर है तो विपरीत दिशा में या तो आर एच क्या हमने यही देखा ना या तो आर्म एच फील्ड इन दोनों में किसी एक को बदलने पर इसकी दिशा विपरीत हो जाती है और दोनों को बदल दिया तो दिशा वापस समान हो जाती है यह ध्यान रखना होता है क्लियर नेक्स्ट अगला सवाल डीसी संट मोटर की पोलरिटी विपरीत की जाने पर मोटर क्या होगी डीसी संट मोटर की पोलरिटी विपरीत करते हो यानी कि सप्लाई को विपरीत करते हो तो दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है अगला यह कह रहा है किसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को उल्टा कर दिया जाता है मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा समान दिशा में चलेगी यदि सप्लाई टर्मिनल को बदला तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा ध्यान रखना एक बात इंपॉर्टेंट रूप से सप्लाई टर्मिनल को बदलने पर आर्मेचर भी बदल जाएगा फील्ड भी बदल जाएगा आर्म यदि मान लो आपके मोटर ये इस प्रकार चल रही है क्लॉक डायरेक्शन में आर्मेचर बदलने पर एंटी क्लॉग फील्ड बदलने पर वापस क्लॉकवाइज कुल मिला के क्या हो गया भाई दोनों बदला तो वापस सेम मामला आ गया तो इस कारण सप्लाई वोल्टेज बदलने पर वापस मोटर समान दिशा में ही चलने लग जाएगी उसकी दिशा विपरीत नहीं होगी उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा इस बात का ध्यान रखना क्लियर अगला सवाल सेम तरह का सवाल आ रहे हैं तो मैं तेजी से करूंगा थोड़े ज्यादा सवाल सॉल्व करूंगा ठीक है एक डीसी डिस मोटर में क्षेत्र फ्लक्स और लोड नियत रखे जाते हैं और आर्मेचर आपूर्ति वोल्टेज में पंद्रह परसेंट की वृद्धि की जाती है मोटर की गति अब क्या होगा देखो सिंपल सवाल को आप ध्यान से समझो सवाल आपको क्या कह रहा है सवाल कह रहा है कि डीसी सी सेंट मोटर में क्षेत्र फ्लक्स और लोड नियत रखे जाते हैं आर्मेचर आपूर्ति वोल्टेज में पंद्रह प्रतिशत की वृद्धि की जाती है आर तो मोटर की गति क्या होगी देखो आर्मेचर आपूर्ति वोल्टेज में गति करते हैं तो यहां पर विद्युत वाहक बल है विरोधी विद्युत वाहक बल वो भी बढ़ेगा विरोधी विद्युत वाहक बल है वो गति के मतलब विरोधी विद्युत वाहक बल है वो गति के समानुपाती है और विरोधी विद्युत वाहक बल गति के समानुपाती है इस कारण हमारे पास क्या होगा यहां पर भी वोल्टेज बढ़ मतलब ये गति बढ़ेगी और मोटर गति कितना परसेंट बढ़ेगी यहां पर पंद्रह परसेंट वर्दी हो रही है पर भी पंद्रह परसेंट ही करोगे ध्यान देखना के फ्लक्स को नियत रख दिया फ्लक्स के वित होते फ्लक्स को रख दिया नियत अब आर में आरमेचर आपूर्ति में पंद्रह परसेंट की वृद्धि करोगे तो मोटर की गति में होगा पंद्रह परसेंट होगा क्योंकि एन समानुपाती विरोधी विद्युत और विरोधी विद्युत आरमेचर के साथ संबंध रखेगा तो हमारे पास पंद्रह परसेंट इनक्रीज आएगा वो सबसे परफेक्ट होगा क्लियर चलो अगला सवाल है नेक्स्ट वन थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन किसी डीसीट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाता है और टॉर्क समान बना रहता है टर्मिनल वोल्टेज को क्या कर दिया भाई आधा कर दिया बिल्कुल ठीक है और टॉर्क क्या रखा समान टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया टॉर्क रख दिया समान अब आपको पूछा गया है बना रहता है तो क्या होगा गति और आर्मेचर करंट दोनों समान रहेंगे या गति आधी हो जाएगी आर्मेचर करंट समान बना रहेगा गति और दोनों आधे हो जाएंगे या एक आधा हो जाएगा दूसरा दुगुना हो जाएगा यह पूछा है कि क्या होगा भाई सबसे पहली बात आपको ये बताइए कि यहाँ टॉर्क क्या रहना है समान रहना है डीसी मोटर में टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया वी है वी को वी बटा दो कर दिया यदि हमारे पास वी बटा दो हो गया यदि विरोधी विद्युत वाहक बल का मान वी बटा दो आता तो हमारे पास दक्षता भी अधिकतम बढ़ जाती ये आपने एक कंडीशन पड़ी थी लेकिन टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया टर्मिनल वोल्टेज को आधा करेंगे तो हमारे पास गति जो सॉरी मोटर की गति के ऊपर क्या असर पड़ेगी ये देखो टर्मिनल वोल्टेज के हमने अभी अभी देखा था टर्मिनल वोल्टेज के समानुपाती है टर्मिनल वोल्टेज के समानुपाती है तो एन समानुपाती ई बी लिखा था उसी प्रकार ई बी वी के समानुपाती है तो एन समानुपाती ई बी है और ई बी से हमारे पास ई बी वी के समानुपाती है ई बी प्रपोशल टू वी तो कुल मिला की बात है कि हमारे पास गति जो है विरोधी विद्युत वाहक बल के समानुपाती हो गई यदि हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज आधा हुआ तो विरोधी विद्युत वाहक बल आधा हो जाएगा और इसके कारण गति भी आधी हो जाएगी तो गति आदि हो जाएगी तो हमारे पास या तो ए ऑप्शन आएगा या डी ऑप्शन आएगा सॉरी बी आएगा या डी आएगा ए और सी तो कैंसिल हो गया तो यहां इसमें भी गति आदि इसमें भी गति इसमें कह रहा है आर्मेचर करंट समान रहेगा कह रहा है आर्मेचर करंट दुगुना हो जाएगा अब आपको देखना है कि आर्मेचर करंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा यदि आपने इस प्रकार कर दिया तो आर्मेचर करंट के ऊपर क्या पड़ेगा बताइए भाई सी तो वाले गड़बड़ हो गए ना भाई यहाँ तो बी है या डी है अब देखो मोटर में हमारे पास फील्ड वाइंडिंग किस क्रम में लगी होती है तो जैसे हमारे पास संट मोटर है तो डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग हमारे पास समांतर क्रम में लगी है समांतर क्रम में लगने के कारण क्या होगी यदि मान लो हमारे पास फील्ड वाइंडिंग में चक्रों की संख्या अधिक होती है तो धारा कम होगी और यदि मान लो चक्रों तो लेकिन होता है तो उधर में जाती है। लेकिन जब हम टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाता है ना तो यहां पर बराबर का मामला आ जाता है इस कारण आर्मेचर का करंट क्या हो जाता है घट जाता है सॉरी बढ़ जाता है और आर्मेचर करंट का बढ़कर कितना हो जाएगा दुगुना हो जाएगा डी ऑप्शन आएगा आर्मेचर का करंट कितना हो जाएगा भाई दुगुना हो जाएगा तो ऑप्शन हमारे पास आएगा डी गति स्पीड क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी लेकिन आर्मेचर का करंट क्या हो जाएगा दुगुण हो जाएगा जब हमारे पास टॉर्क समान बना रहेगा लेकिन टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाए जब टर्मिनल वोल्टेज को आधा करेंगे तो हमारे पास आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज आर्मेचर करंट है वो दुगुण हो जाएगा अब कई विद्यार्थियों को ऐसा पता नहीं चलेगा मैं छोटा सा आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ गति आदित पता है आर्मेचर करंट को देख लो छोड़ो तुम बाकी सारी चीज़ें बस इतनी सी बात को ध्यान रखना है यहाँ आर्मेचर करंट आर्मेचर रेजिस्टेंस रजिस्टेंस होता है ठीक है यहाँ फील्ड रजिस्टेंस होता है ये भी ठीक है यहाँ टर्मिनल वोल्टेज होता है ये भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ये इतना सामानला बात है अब देखो इस टर्मिनल वोल्टेज को आप आधा करोगे तो टर्मिनल वोल्टेज को आप घटा रहे हो टर्मिनल वोल्टेज को घटा घटाओगे तो हमारे पास यहां तो पर क्या होगा क्या होगा भाई धारा आएगी यहां पर धारा है वो घट जाएगी तो बाकी धारा दुगुण किधर जाएगी इसमें चली जाएगी ये कंडीशन आएगी इसमें धारा आदि जाएगी तो बाकी धारा इसमें चली जाएगी ये कंडीशन आएगी टॉर्क बराबर फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट बिल्कुल ठीक है भाई अच्छा टॉर्क बराबर फ्लक्स इनटू आर्मे ये टॉर्क है आर्मेचर करंट और इसके समानुपाती होता है टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट होता है लेकिन अपने पास जब टॉर्क करते हैं संट के लिए ये होता है सीरीज के लिए होता है आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है डीसी कंपाउंड मोटर में क्षेत्र रेगुलेटर फील्ड रेगुलेटर को किसके लिए प्रदान किया जाता है फील्ड रेगुलेटर को किसके लिए प्रदान करेंगे फील्ड फ्लक्स के नियंत्रण के लिए बिल्कुल सही बात है पहला ही करेक्ट है फील्ड रेगुलेटर को होगा फील्ड फ्लक्स को नियंत्रण करेगा फील्ड फ्लक्स को यदि हम कम ज्यादा कर सकते हैं तो जिसके कारण हम फील्ड रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं क्लियर है अगला जिस मोटर में घुमाव का एक हिस्सा सरगला में जुड़ा है दूसरा भाग आर्मेचर पार यानी पार्टी जुड़ा होता है उसे किस रूप में जाना जाता है जिस मोटर में घुमाव का या वाइंडिंग होगा एक हिस्सा सीरीज में जुड़ा है दूसरा भाग आर के एक्रोश एक जुड़ा है उससे हम क्या कहते हैं देखो आपको कनेक्शन किस प्रकार का दिया है वो देखिएगा ध्यान से आपको दिया है कि एक भाग आपके पास सीरीज में जुड़ा हुआ है ठीक है दूसरा भाग है जो आर्मेचर के साथ एक पार जुड़ा हुआ है तो ये समांतर में तो आर एस एस है यही हो गया तो इसे किस रूप में जाना जाता है तो यहां पर देखो कि सीरीज भी आई संट भी है सीरीज भी है संट और सीरीज होता है तो ये होता है कंपाउंड और कंपाउंड हमारे पास ये रहा ऑप्शन पहली बार दूसरा है कि इससे इसको जो मैंने डायग्राम बनाया इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं शॉर्ट सन्ट शॉर्ट सेंट कंपाउंड का भाग होता है कंपाउंड दो प्रकार का होता है एक शॉर्ट सेंट होता है एक लॉन्ग सेंट होता है तो हमने जो बनाया वो हमारे पास क्या है शॉर्ट सेंट है भाई तो ये हो गया हमारे पास कंपाउंड तो ये है कंपाउंड मोटर क्लियर ध्यान से देख लेना सब आंसर आ रहा बहुत है बहुत बढ़िया भाई अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन यदि सीरीज फ्लक्स उसी दिशा में है जिसमें संट फ्लक्स है तो मोटर को किस प्रकार का कहा जाता है यदि सीरीज फ्लक्स उसी दिशा में है जिसमें संट फ्लक्स है सीरीज फ्लक्स की दिशा और संट फ्लक्स की दिशा सेम होगी तो दोनों जुड़ जाएंगे तो मोटर क्या होगी तो मोटर होगी कम्युलेटिव ये क्या होगी कम्युलेटिव होगी डिफरेंशियल क्या होती है जब हमारे पास संट और सीरीज का चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत होता है तो होता है डिफरेंशियल और जब दोनों एक दिशा में होता है तो उसे हम कहते हैं कम्युलेटिव तो हमारे पास एक दिशा में होने पर चुंबकीय फ्लक्स का मान जुड़ जाता है कुल चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा आता है उससे हम संचयी कंपाउंड कहते हैं तो संचयी कंपाउंड कहलाता है और यह है विभेदक क्लियर है ओके okay. चलो अगला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर मोटर की गति वैवाहारिक रूप से स्थिर है मोटर की गति वैवाहारिक रूप में स्थिर है संट मोटर में श्रृंखला मोटर में या संचित संयुक्त में या विभेद संयुक्त में मोटर की गति व्यवहारिक रूप से स्थिर है जब बताओ तो, मोटर है मोटर की गति स्थिर हमारे पास वैवाहिक रूप से किस में रहती है लगभग लगभग स्थिर किस में रहती है तो आप लोग संट मोटर में रहती है सीरीज मोटर में क्या होता है परिवर्तन होता है कंपाउंड में क्या होता है सीरीज और संट के बीच का केस होता है वो कंपाउंड होगा 139 नंबर एक डीसी संट मोटर एक डीसी मोटर जिसमें सीरीज और संट मोटर दोनों की रफ्तार और भार के लक्षण है सीरीज का भी लक्षण है संट का भी लक्षण है कंपाउंड के दो भाई लेकिन अब कंपाउंड में देखो एक संचय कंपाउंड दे दिया शोर्ट सेंट मोटर दिया नहीं संचय कंपाउंड इंटरपोल वाला सेंट इंटरपोल वाला संट, अलग तरह का कंपाउंड अलग तरह का कंपाउंड अब देखो एक बात हमें देखनी पड़ेगी कि इन्होंने पूरा क्लियर नहीं किया है सीरीज और सेंट मोटर दोनों की रफ्तार और भार के लक्षण है यह कहा है लेकिन यह नहीं कहा कि फ्लक्स जुड़ रहा है टूट रहा है यदि जुड़ता है तो कम्युलेटिव कंपाउंड होता है फ्लक्स में अंतर होता है तो डिफरेंशियल कंपाउंड होता है इन्होंने ये कहा नहीं है तो संचय कंपाउंड में कर रहा हूं, अलग तरह का कंपाउंड अलग तरह का कंपाउंड कुछ होता नहीं है बाकी होता कंपाउंड ये इसलिए मुझे ऑप्शन करना पड़ रहा है जरूरी नहीं इसका उत्तर कंपाउंड ये संचय कंपाउंड है इसका उत्तर जो पर्सन दिया वो उत्तर है कंपाउंड जो पर्सन दिया उसका उत्तर क्या है कंपाउंड मोटर इतना ही है एक नंबर क्वेश्चन वह मोटर जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग संट फील्ड वाइंडिंग के कारण उत्पन्न हुई फील्ड की सहायता के लिए जुड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है क्या कहा भाई वह मोटर जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग संट फील्ड वाइंडिंग के कारण उत्पन्न हुई फील्ड की सहायता के लिए जुड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है सीरीज मोटर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कम्युलेटिव कंपाउंड या संट मोटर बताइए क्या कहा जाता है जल्दी से बताइए सीरीज़ फील्ड फील्ड में उत्पन्न हुई फील्ड की सहायता के लिए सहायता के लिए जुड़ने का मतलब प्लस होना और प्लस होने का मतलब प्लस होने का मतलब प्लस होने का मतलब हो गया कम्युलेटिव तो हमारे पास ये क्या कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर हो गया है ना चलो ठीक है अगला नेक्स्ट एक सौ इकतालीस नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से निम्नलिखित में से कौन सा संचयी यौगिक दिष्ट धारा मोटर यानी कि कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर के व्यवहारिक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है इन्होंने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा संचयी यौगिक दिष्ट धारा मोटर यानी कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर के व्यवहारिक अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करता है मशीन टूल धातु मुद्राकर मशीन मेटल स्टैंपिंग मशीन होस्ट या इलेक्ट्रिक ट्रेन बताइए जल्दी से कौन सा होगा जो संचय के अनुप्रयोग होगा मशीन टूल संट के लिए होता है और ट्रेन सीरीज के लिए होता है धातु मुद्राकर मेटल स्टैंपिंग मशीन जो होती है वो हमारे पास कम्युलेटिव कंपाउंड का उदाहरण होगी इसी के साथ कम्युलेटिव कंपाउंड का और उदाहरण कौन सी होती है जैसे मैंने आपको बार बार ये बताता हूँ सवाल वैसे ज्यादातर हुआ था एलिवेटर में या एलिवेशन वगैरह ये होता है जहां पर लोड डालने पर भी उसकी गति में ज्यादा प्रभावित न हो तो वो होता है हमारे पास करेक्ट आंसर क्लियर है चलो अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 ध्यान से देखिएगा 142 नंबर क्वेश्चन को निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी आवश्यक है ये पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी आवश्यक है प्रदीपन के लिए मशीन शॉप मोटर के लिए विद्युत कर्षण मोटर के लिए विद्युत घरेलू उपकरण के लिए इनमें से कोई नहीं किसके लिए रहेगा ये एसी और डीसी में चल जाएंगे ये एसी में चल जाते हैं मशीन शॉप मोटर और विद्युत कर्षण मोटर मशीन शॉप मोटर होती है ये एसी पर संचालित होती है लेकिन जो विद्युत मोटर होती है ये डीसी पर संचालित इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी आएगा ट्रैक्शन कार्य बिल्कुल सही कहा है। है, ट्रैक्शन कार्य वो जाएगा सी ऑप्शन की जाती है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर संट मोटर कम्युलेटिव कंपाउंड का मैंने कहा कम्युलेटिव कंपाउंड का डिफरेंशियल कंपाउंड का कहां करते हो बैटरी चार्जिंग में क्यों करते हो क्योंकि आप जानते हो कि ओवरलोड में अस्थिर व्यवहार के कारण ओवरलोड में अस्थिर व्यवहार के कारण है ओनली इलेक्शन सीरीज मिलेगी क्या मिल गई भाई आप चेक तो करो एक बार कोर्स के अंदर जाओ चेक करो मिल गई वहां ठीक है चलो अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से ए, कौन सी डीसी मोटर में निम्नलिखित कौन सी डीसी मोटर में कम आरंभिक टॉर्क और स्थिर गति होती है सन्ट वाउंड मोटर डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर सीरीज वाउंड मोटर डीसी मोटर अब आपको पूछा कौन से डीसी मोटर है? कम है और है? है. मेनली सबसे इस्तिर होती है, संट में. ठीक है लेकिन आरंभिक टॉर्क कम होना है तो वो डिफरेंशियल कंपाउंड होगा डिफरेंशियल कंपाउंड में आरंभिक टॉर्क क्या होता है भाई कम होता है और जैसे ही बाद में लोड बढ़ेगा तो इसकी अस्थिर व्यवहार हो जाता है और ये इसके कारण होता है डिफरेंशियल का उपयोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं वो डिफरेंशियल जनित्र हो गया ना भाई आर्क वेल्डिंग करते हैं वो जनित्र हो गया ना चलो डीसी मोटर में भी होती है डीसी मोटर में भी होती है बिल्कुल सही संट मोटर में भी होती है मामला ठीक है लेकिन यहां पर डिफरेंशियल सबसे उपयुक्त रहेगा आरंभिक टोर कम के लिए तो हमारे पास यह थोड़ा उपयुक्त रहेगा डिफरेंशियल कम आरंभिक टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो डिफरेंशियल मोटर होता है उसकी आरंभिक टॉर्क कम होता है चलो ठीक है अगला सवाल भाई निम्नलिखित मोटर किसमें ऋणात्मक गति विनियमन होता है ऋणात्मक गति विनियमन डिफरेंशियल बी सी ए बी बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऋणात्मक विनियमन होता है इसका मतलब होता है कि जब आप मान लो लोड बढ़ा रहे हो तो गति जैसे होती है वो घटती है लेकिन यदि किसी में परिवर्तन हो रहा है लोड बढ़ाने पर गति बढ़ जाए अचानक से तो वो जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा ऋणात्मक गति है डिफरेंशियल में होगा ये काम डिफरेंशियल में है क्लियर है अगला क्वेश्चन है थ्री पॉइंट स्टार्टर निम्बन लिखित में से किसके लिए उपयुक्त होते हैं यह तीन बिंदु स्टार्टर का उपयोग किया जाता है यह एक तीन पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किसे स्टार्ट करने के लिए होता है संट एवं कंपाउंड मोटर को संट एवं श्रेणी मोटर को कंपाउंड एवं श्रेणी मोटर को या संट मोटर को आप मुझे जल्दी से बताइए तीन बिंदु स्टार्टर का उपयोग कहाँ करेंगे तो आप क्योंकि सर एक तो होता है हमारे पास टू पॉइंट स्टार्टर टू पॉइंट का हम करते हैं सीरीज में कहां करते हो सीरीज में और थ्री पॉइंट का आए पर्सन यहां फोर पॉइंट का है आपको दोनों में ही कोई घबराने वाला मामला ही नहीं है यह संट एंड कंपाउंड के लिए काम में लिया जाता है संट एंड कंपाउंड संट एंड कंपाउंड संट एंड कंपाउंड मोटर के लिए काम में लिया जाता है तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भाई ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा संट एंड कंपाउंड मोटर हो जाएगा जो थ्री पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करने के लिए काम में लिया जाएगा तो कौन सा ऑप्शन उपयुक्त हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्लियर है नेक्स्ट अगला सवाल अगला सवाल क्या होगा वह मोटर जिसमें फील्ड सीरीज वाइंडिंग द्वारा फील्ड वाइंडिंग का विरोध होता है क्या कहलाता है वह मोटर जिसमें फील्ड सीरीज वाइंडिंग द्वारा फील्ड संट वाइंडिंग आना चाहिए फील्ड संट वाइंडिंग का विरोध होता है उसे हम डिफरेंशियल कहते हैं फील्ड सीरीज वाइंडिंग का फील्ड संट वाइंडिंग के साथ जो विरोध होता है उसे डिफरेंशियल कहेंगे क्लियर के ध्यान रखना वे मोटर जिसमें फील्ड सीरीज वाइंडिंग का फील्ड सेंट के साथ पांच दिन का ऊपर है स्थापना दिवस पांच दिन का ऊपर है ठीक है डिफरेंशियल मोटर करेक्ट ये आ जाएगा आपका अगला सवाल अगला सवाल है सीरीज मोटर की प्राइमरी वाइंडिंग कहां होती है सीरीज मोटर की प्राइमरी वाइंडिंग होती कहां पर इसमें होती है रोटर के निचले हिस्से में होती है या रोटर के ऊपरी हिस्से में होती है कुछ हद तक स्टेटर में या कुछ रोटर के ऊपरी हिस्से में यह आपको ऑप्शन दिया गया बताइए कहां होता है प्राइमरी वाइंडिंग कहां होती है सीरीज मोटर में श्रेणी मोटर में प्रारंभ प्राइमरी वाइंडिंग सी ऑप्शन है रोटर के ऊपरी हिस्से में होती है रोटर के निचले हिस्से में होती होगी स्टेटर रोटर का निचला हिस्सा रोटर का ऊपरी हिस्सा कुछ हद तक स्टेटर में कुछ रोटर के ऊपरी हिस्से में कुछ हद तक स्टेटर में कुछ रोटर के निचले हिस्से में ऐसे होगा मामला क्या होगा है ना तो श्रेणी मोटर की प्राइमरी वाइंडिंग कहाँ होती है यह पूछा है तो यह क्या होगा रोटर के निचले हिस्से में होती है कहाँ होती है भाई रोटर का निचला हिस्से में होती है ए एप्शन बी ऑप्शन है रोटर के निचले हिस्से में रहेगी जो वाइंडिंग होती है रोटर वाली वाइंडिंग रोटर के प्राइमरी हिस्से में रहेगी और ये सीरीज मोटर होगी तो सीरीज मोटर में हमारे पास रोटर के निचले हिस्से में ही रहेगी प्राइमरी वाइंडिंग देखो पहली बात तो ये सवाल आपको तो इसलिए डीसी से संबंध करके कर रखते हो डीसी से हो जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ रोटर का नाम दिया है तो रोटर हमारे पास ऐसे में होता है और वहाँ पर विशेष रूप से इस प्रकार की ही वाइंडिंग की जाती है तो इस कारण आप डीसी डीसी डी सी कारण कन्फ्यूज हो गए स्रेज मोटर है अगला लिफ्ट में किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है बहुत बार बता दिया कम्युलेटिव कंपाउंड इंडेक्स इंडक्शन कंपाउंड ए कर दे ए करेक्ट है देख लीजिएगा किस प्रकार के मोटर का उपयोग लिफ्ट में किया जाता है लिफ्ट में कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है भाई और कंपाउंड के साथ साथ हम एक और मोटर का भी प्रयोग करते हैं जब ए लगाते हैं तो ए में हमारे पास कौन सा होगा इंडक्शन होगा तो ये बी और डी नहीं होना चाहिए ये होना ए और डी चाहिए सी में जाएंगे तो इंडक्शन मोटर का भी प्रयोग करते हैं और इसका भी करते हैं तो दोनों का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास ई ऑप्शन तब आएगा तो यहां क्या करना पड़ेगा ए करना पड़ेगा नहीं तो मैं केवल ए ऑप्शन करूंगा इसको नहीं करूंगा यहाँ ए व डी आएगा बाकी करते दोनों का है ए देते हैं तो इंडक्शन मोटर होती है वहां पर और डीसी प्रोवाइड होती है तो कंपाउंड मोटर होती है डियर सर पहले मैग्नेटिक फील्ड बनती है या करंट देखो कि पहले हम धारा जैसे वो प्रभाव पड़ता है जनरेटर है या मोटर है जैसे मान लो मोटर है तो आपने धारा प्रदान की धारा जो करंट है वो वाइंडिंग में फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड बन गया ठीक है जनरेटर के रूप में देखा जाए तो जो हमने एक्साइटेशन के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बना था उस मैग्नेटिक फील्ड को काटोगे तो आपके धारा का पर्वा होगा लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो एक तो अवशिष्ट चुंबकत्व तो के कारण बनती है और अवशिष्ट चुंबकत्व तो नहीं होता है, तो केवल धारा के कारण बनती है मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ता है वो या तो अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण हो जाएगी या फिर बी और डी ही होगा ए और डी होगा भाई बी और डी नहीं होगा बी और डी कैसे होगा उसमें ए और डी रहेगा ना। सीरीज मोटर का उपयोग नहीं करते ना हम एलिवेटर में कंपाउंड दिया तो कंपाउंड क्या कर करेंगे नियत गति से चलती है कि नहीं चलती है लिफ्ट लेकिन जब बाहर ज्यादा आ जाते उसको भी तो उठाने का काम होता है तो दोनों काम करती है यह भी तो देखो एलिवेटरी होती है लिफ्ट क्या बात करते हो लिफ्ट एलिवेटर तो होती है अरे लिफ्ट में टॉर्क हाई है लेकिन लिफ्ट देखो जब लोड बढ़ जाएगा तो उसकी गति धीरे 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 जाएगी अच्छी थोड़ी रहेगी लिफ्ट हो चाहे स्वचालित सीढ़ियां हो यदि कोई उसके ऊपर स्वचालित सीढ़ियों पर खड़ा नहीं है तब भी वही स्पीड होनी चाहिए और दस आदमी उसके ऊपर चढ़ के जा रहे हैं तो भी वही स्पीड होनी चाहिए तो लोड के साथ में भी स्पीड सेम रहनी चाहिए और ज्यादा लोड को ग्रेन भी कर लें समझो मेरी वापस बात क्या होता है एक बात से सुनो जब ज्यादा लोड को ग्रहण भी करें तो भी स्पीड में परिवर्तन नहीं होना चाहिए संट मोटर क्या कहां काम आती है जहां लोड कम होता है लेकिन लोड अधिक हो जाए और गति नियत रखनी हो तो वहां कंपाउंड बनाई गई है तो, तो इसलिए कंपाउंड होगा प्रदीप का कहना है कि सर ए, क्यों नहीं होगा हाई टॉर्क है मान लिया भाई हाई टॉर्क है लेकिन इसकी गति इस फिक्स नहीं है ना एक लिफ्ट में जैसे पांच आदमी बैठेंगे तो धीरे 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 ऊपर जाने लगेगी अकेला बैठेगा तो जल्दी से पहुंचा देगी अच्छी बात है खाली है तो बहुत तेजी से जाएगी ऐसा थोड़ी होता है लिफ्ट में आप देखो समझे मेरी बात सीरीज मोटर दिया रहता है तो आप बताओ कि सीरीज मोटर उपयुक्त कैसे हुई है लिफ्ट यानी कि एलिवेटर एलिवेटर में हमेशा क्या देते हैं कंपाउंड मोटर कंपाउंड होगा भाई ठीक है अगला सवाल एलिवेटर के लिए किस प्रकार की मोटर उपयोग की जाती है एलिवेटर के लिए किस प्रकार की उपयोग करती की जाती है भाई सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर डीसी सेंट मोटर या इस टाइप और मोटर या सभी अब दिए गए ऑप्शन मुझे इंडक्शन मोटर करना पड़ेगा और इंडक्शन मोटर करते हैं तो डीसी में करता तो मैं कंपाउंड मोटर करता कंपाउंड मोटर दिया नहीं है एसकेलेटर में भी यही होती है एसकेलेटर यानी सीढ़ियां हो, चाहे लिफ्ट हो यानी एलिवेटर हो चाहे एसकेलेटर हो दोनों में कंपाउंड मोटर काम में ली जाती है अगला दिष्ट धारा मोटर में स्टार्टर क्यों आवश्यक है स्टार्टर किसके लिए आवश्यक है अतिरिक्त परिवर्तन धारा से बचने के लिए हाँ स्टार्टिंग में धारा बहुत ज्यादा थी उसे बचने के लिए बिल्कुल सही बात है क्यों क्यों बचा जाता है क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है जब आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम है तो हमें प्रतिरोध का मान को अच्छा रखने के लिए हम क्या करते हैं ये मामला करते हैं सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं रियोस्टेट स्टेट उसे हम कहते हैं स्टार्टर तो अतिरिक्त धारा से बचने के लिए मोटर में तेजी लाने के लिए चालू करने के लिए फ्यूज को उड़ाने के लिए चालू जरूर हो जाएगी लेकिन इसके कारण होगी ठीक है लेकिन पहला कार्य यह हुआ डीसी मोटर में स्टार्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता? किस जाता है डीसी मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है स्टार्टर का स्टार्टर है सब जगह स्टार्टर का, का काम क्या है प्रारंभ में हमारे पास जब आर्मेचर करंट होती नहीं है सॉरी आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है तो उस कंडीशन में, में भी शून्य हो जाता है जब बेम शून्य हो जाता है तो इसकी जो गति है वो अनियंत्रित हो जाती है और ये चालू नहीं हो पाती, पाती। मतलब अनियंत्रित के कारण चालू नहीं हो पाती इस कारण प्रारंभिक विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए एक श्रेणी क्रम में प्रति परिवर्तित प्रतिरोध जोड़ा जाता है जिसे स्टार्टर कहते हैं आर में चरके श्रेणी क्रम में परिवर्तित प्रतिरोध रियोस्टेट जोड़ा जाता है उससे हम क्या कहते हैं हैं जैसे जैसे गति बढ़ेगी इसके प्रतिरोध को मान को कम कर देते हैं ताकि प्रारंभ में, में का मान शून्य रहता है वो भी कंडीशन नहीं आए और जैसे जैसे में इंड्यूस होने लग जाएगा और वैसे वैसे इसके धारा का मान को हम बढ़ा देंगे वैक्यूम क्लीनर में कौन सी मोटर है देखो वैक्यूम क्लीनर के अंदर जो सबसे परफेक्ट मोटर होती है वो होती है यूनिवर्सल मोटर वैक्यूम क्लीनर में यूनिवर्सल मोटर होनी चाहिए परफेक्ट हो रहेगी अगला सवाल दिष्ट डीसी मोटर स्टार्टर के कितने स्टार्ट होते हैं, मोटर के कितने, कितने होते हैं? होते है तीन प्रकार के कौन से कौन से होते हैं तो आप क्योंकि सर एक तो होता है दो बिंदु तीन बिंदु चार बिंदु दो बिंदु कहां काम लेते हैं सीरीज में तीन बिंदु और चार बिंदु दोनों को काम लेते हैं संट तथा कंपाउंड में यह ध्यान रखना क्लियर अगला सवाल डीसी मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता डीसी मोटर में कौन सा स्टार्ट जिसका उपयोग नहीं किया जाता है तो आप क्योंकि बिंदु का करते हैं तीन बिंदु का करते हैं चार बिंदु का करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग जो है वो एसी इंडक्शन मोटरों के लिए किया जाएगा तो यहां इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग यहां नहीं होगा क्लियर अगला सवाल नेक्स्ट डीसी सीरीज मोटर की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा स्टार्टर प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है डीसी सीरीज मोटर की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा स्टार्टर प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है दो बिंदु स्टार्टर तीन बिंदु स्टार्टर चार पॉइंट स्टार्टर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं जल्दी से बताइए कौन सा काम में लिया जाएगा तो आप कहोगे सीरीज के लिए दो बिंदु और सन्ट और कंपाउंड के लिए तीन बिंदु तीन बिंदु में दोष होता है इसलिए चार बिंदु में जाते हैं तो यहां दो बिंदु आएगा डीसी डीसीट मोटर स्टार्ट को नो वोल्ट रिलीज किसके साथ सीरीज में जुड़ा रहता है? देखो संट मोटर होता है संट मोटर में पहली बात रखना कि हमारे पास आरमेचर होता है आरमेचर के श्रेणी क्रम हम क्या जोड़ते हैं रियल स्टेट जोड़ते हैं और वहां पर एक नो वोल्ट कोयल भी जोड़ी जाती है नो वोल्ट कोइल भी जोड़ी जाती है यहां पर इस प्रकार जो संकेतक है वो आता है तो यहां पर आके चिपक जाता तो इस प्रकार एक नो वोल्ट होती है जहां पर वाइंडिंग भी की जाती है इस प्रकार ये वोल्ट, तो वोल्ट श्रेणी क्रम में जोड़ी हमेशा में जुड़ती है किसके जुड़ेगी स्टार्टर हमेशा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ेगा इस बात को ध्यान रखना ठीक है सी ऑप्शन ए नहीं

कम को कम कम को को कर तो 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 जल जाएगा तो हमने लगाया है कि भाई धीरे-धीरे आप जैसे-जैसे गति बढ़ेगी वैसे-वैसे प्रतिरोध के मान को कम करते जाओ तो आपका वाइंडिंग वाइंडिंग जलेगी नहीं नहीं तो जलने का खतरा हो जाएगा तो ए ऑप्शन रहेगा अगला सवाल आपके सामने एक तीन बिंदु स्टार्टर का उपयोग किया जाता आर्मेचर को कम करने के लिए कम बेक देखो आप बताओ कि तीन बिंदु स्टार्टर है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है तीन तीन थ्री पॉइंट स्टार्टर का आर्मे को कम करने के लिए बे की, कम बे के लिए देखो बेकीमएफ तो प्रारंभ में वैसे भी शून्य होता है उसमें भी शून्य रहना धीरे धीरे बेमएफ का मान होना जरूरी है ताकि वो करंट को हैंडल कर सके तो आर्मे चर करंट को कम करने के लिए ही हम प्रतिरोध लगाते हैं स्टार्टर का मतलब है एक श्रेणी क्रम आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगा हुआ प्रतिरोधक

तो हमें चार बिंदु स्टार्ट में जाता हैं क्योंकि तीन बिंदु स्टार्ट में एक होता है कारण चार बिंदु स्टार्टर का प्रयोग करते हैं क्लियर है और दो बिंदु का हम कहां मोटर के हैंड स्टार्टर हैं में निम्न में से कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है थ्री पॉइंट स्टार्टर के डीसी डीसीट मोटर के हैंड स्टार्टर में डीसी शंट मोटर के हैंड स्टार्टर में कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है जनरेटर शंट मोटर सीरीज मोटर या अल्टरनेटर ये आपसे पूछा गया है डीसी शंट मोटर के हैंड स्टार्टर में तो शंट मोटर होगी थ्री पॉइंट स्टार्टर के डीसी शंट मोटर के हैंड स्टार्टर में कौन सी मोटर का उपयोग किया जाएगा शंट मोटर का उपयोग किया जाएगा 161 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा डीसी शंट मोटर के पॉइंट स्टार्टर में में से कौन से भाग में विद्युत चुंबक होता है डीसी संट मोटर के पॉइंट स्टार्टर में कौन से भाग में विद्युत चुंबक होता है जैसे फील्ड करंट द्वारा चुंबक मैग्नेटाइज किया जाता है देखो ध्यान से विद्युत चुंबक होता, होता है वो नो वोल्ट कोइल में होता है किसमें कोई। होता है नो वोल्ट कोइल एनवीसी कोइल बोलते हैं और इसमें संट को या सीरीज को कोई फर्क नहीं पड़ता सन्ट तथा सीरीज दोनों के अंदर यही कैसे चाहे टू पॉइंट स्टार्ट लो चाहे थ्री पॉइंट स्टार्ट लो चाहे फोर पॉइंट स्टार्ट लो जो नो वोल्ट कोइल होती है वो रियो स्टेट के साथ लगाई जाती है और उसी के साथ में आपके पास क्या रहेगा नो वोल्ट कोइल के साथ में आ, ये मैग्नेटाइजिंग और डी मैग्नेटाइजिंग ऊन रहेगा कैसे रहेगा नो वोल्ट कोयल क्या होती है यदि अपन वोल्टेज खत्म हो जाते हैं वोल्टेज नहीं होते हैं तो मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है तो जैसे ही विद्युत कनेक्शन आउट हो गया या विद्युत कनेक्शन चला गया तो यह मोटर क्या हो जाएगी बंद हो जाएगी क्योंकि जो नो वोल्ट कोईल इसको जकड़ के रखती है उसको छोड़ देगी बंद हो जाएगी वापस जब विद्युत सप्लाई चालू होती है तो आपको मैनुअली ऑन करना पड़ेगा ऑटोमेटिक ऑन नहीं होगा क्योंकि ऑटोमेटिक ऑन होने पर इस स्टार्टर का कार्य खत्म हो जाता है इस कारण आपको खुद को ऑन करना पड़ेगा और उस कंडीशन में आपके पास नो वोल्ट कोयल है जो सुरक्षा प्रदान कर देती है और प्रारंभ में स्टार्टिंग करते समय भी आपको बड़ा मशीन का सावधानी पूर्वक ध्यान रख लेती है यानी ज्यादा धारा को परवाह नहीं होने देती तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा नो वोल्ट कोइल ओवरलोड कोइल लगाते हैं लेकिन ओवरलोड कोईल तो अति भार सुरक्षा होती है केवल यानी कि ज्यादा लोड आने पर ही सुरक्षा देते हैं जो सेंट तथा कंपाउंड में ही काम ली जाती है थ्री पॉइंट तथा फोर पॉइंट स्टार्ट में टू पॉइंट स्टार्ट में कभी भी काम में नहीं ली जाती चलो क्लियर है 161 नेक्स्ट है अगला सवाल बिल्कुल होता है भी लोको का लेकिन अभी नहीं है जब होगा तो हम बताएंगे अभी तो नहीं अभी तो पहले हेल्पर होगा उनका होगा 162 थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट हेड स्टार्टर में प्रयुक्त कोयल का प्रकार जिसमें एक विद्युत चुंबक लाइन और हैंडल से जुड़ा होता है जिसमें कोयल में तांबे की मोटी तार के कुछ मोड़ होते हैं उसे क्या कहा जाता है जिसमें कोयल में तांबे की मोटी तार के कुछ मोड़ होते हैं उसे क्या कहा जाता है भाई जल्दी से बताइएगा चलो थ्री पॉइंट स्टार्ट में प्रयुक्त कोयल का प्रकार जिसमें एक विद्युत चुंबक लाइन और हैंडल से जुड़ा होता है ठीक है जिसमें कोई यानी कुंडली में तांबे की मोटी तार के कुछ मोड़ होते हैं उसे क्या कहा जाता है जिसमें तांबे की मोटी तार के कुछ मोड़ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं ओवरलोड कोयल कहते हैं क्या बिल्कुल जी किसी का सी ऑप्शन आता है नो वोल्ट कोयल तांबे की मोटी तार क्या लगाते हैं भाई तांबे के मोटी तार से ओवरलोड कोयल का कर निर्माण करते हैं यह कह रहा है विद्युत चुंबक लाइन और हैंडल से जुड़ा होता है जिसमें एक विद्युत चुंबक लाइन और हैंडल से जुड़ा होता है यह सब कुछ वहां से देखो लाइन से भी जुड़ा होता है ओवरलोड कोयल स्टार्टिंग इधर से लाइन से जुड़ा होता है उधर नो वोल्ट कोयल से कनेक्टेड रहता है तो जैसे ही आपके पास लोड ज्यादा होता है तो 9 वोल्ट कॉइल इसको शॉर्ट सर्किट कर देती है ओवरलोड कॉइल जिसके कारण ओवरलोड कॉइल क्या होती है इसको परिपथ को शॉर्ट सर्किट करके परिपथ से हटा देती है समाप्त कर देती है चलो चुंबक के कांटेक्टर निम्नलिखित में से किससे प्रचालित होता है चुंबक के कॉन्टैक्टर योग से स्विचिंग कॉन्ट्रैक्ट से आर्मेचर से या कुंडली से बताइए किससे प्रचलित होता है चुंबक के कॉन्ट्रैक्ट जो चुंबक को कॉन्टैक्ट करवाना होगा वो कुंडली से प्रचलित होगा क्योंकि कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो वहां पर चारों एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण वहां चुंब की जकड़न होगी जिसके कारण कोई कोयल हमारे पास स्थिर रहेगी तो ये हमारे पास चुंबकीय के है वो किससे प्रचलित होता है भाई कुंडली से प्रचलित हुआ किससे प्रचलित हुआ कुंडली से स्विचिंग कॉन्ट्रेक्ट नहीं कुंडली से प्रवाहित कु से हुआ भाई हो गया अगला सवाल इस स्टार्टर में नो वोल्ट कोयल का प्रयोजन क्या है मैंने प्रयोजन तो बता दिया था पहले सवाल में चुंब के प्रयोजन के लिए 50 परसेंट वोल्टेज बढ़ाने के लिए यांत्रिक शक्ति के लिए या 50 परसेंट वोल्टेज कम करने के लिए आपको क्या चाहिए तो आप क्योंकि साहब ये तो चुंब के प्रयोजन है चुंब के प्रयोजन का कैसे अर्थ समझाते हैं जब आपने वोल्टेज दिए वोल्टेज दिया तो वहां पर वो जाके नो वोल्ट कोयल के नो वोल्ट कोयल है वो संकेत को पकड़ लेगी स्टार्टर का जगड़न के साथ मजबूती से पकड़ के रखेगी जैसे ही नो वोल्ट आएगा यानी वोल्टेज समाप्त हो जाएगा तो ये वापस पुण्य कहाँ पर आ जाएगा शून्य स्थिति पर आ जाएगा जो संकेतक है वो वापस कहाँ आ जाएगा शून्य स्थिति पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा और चुंबकीय गुण समाप्त होने पर ये अपने शून्य स्थिति पर आ जाएगा जिससे क्या होगा वापस स्टार्ट करते समय वापस आपको धीरे धीरे प्रतिरोध को कम करते हुए इधर लेके जाना है उसके बाद यहां जकड़न होगी और यदि मान लो वहां पर चुंबक के क्षेत्र में पकड़ा पकड़ा पकड़ावाई रहता है छोड़ता नहीं है तो हमारे पास वापस जब वोल्टेज आएगा तो यह प्रतिरोधक हमारे पास स्टार्टर कोई काम नहीं आएगा क्योंकि स्टार्टर का तो प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट होकर पूरा का पूरा यहाँ पर स्टार्ट ही हो गया पहले जिसके कारण बेक बनता नहीं है मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती डीसी सीरीज में प्रॉब्लम हो जाती है तो इस कारण वोल्टेज में जकड़न पैदा करने के लिए यानी और नो वोल्ट का समय इसको शून्य स्थिति पर भेजने के लिए छोड़ने के लिए कुल मिला के बात है चुंबकीय प्रयोजन के लिए काम लाते हैं क्योंकि जकड़न चुंबकीय कारण हो रहा है कुछ भी हो ये टाइम चेंज मत करना निवेदन है नहीं नहीं टाइम चेंज नहीं करूंगा भाई जूनियर इंजीनियरिंग कोर्स दो हजार में कम्प्लीट कंप्लीट नहीं उसमें है कम्प्लीट लेकिन है इलेक्ट्रिकल का उसमें ये नॉन टेक नहीं उसमें लिखा हुआ ना भाई केवल इलेक्ट्रिकल का है इलेक्ट्रिकल का सेगमेंट है केवल इलेक्ट्रिकल का है अगला सवाल वन सिक्सटी फाइव देखो ध्यान से नो वोल्ट कोइल के साथ एक ऑन ऑफ -nope स्विच को क्या कहा जाता है नो वोल्ट कोइल के साथ जो ऑन ऑफ स्विच लगता है उसे क्या कहा जाता है अगला सवाल है कौन सा वाक्यांश नो वोल्ट कोइल के साथ ऑन ऑफ स्विच को दर्शाता है नो वोल्ट कोइल के साथ ऑन ऑफ स्विच को भी दर्शाता हो कौन सा होता है भाई चुंबक की स्टार्टर मैनअल स्टार्ट रिवर्सल स्टार्टर स्टार्ट ताप स्टार्टर यह चुंबकीय स्टार्टर का कार्य हो गया नो वोल्ट कोइल तो काम में ले, ले लेगा चुंबकीय गुण और ऑन ऑफ स्विच के रूप में भी दर्शा देगा

सुरक्षित रूप से, से यह संचालित हो जाती है और नो वोल्ट कोइल कभी भी ओवरलोड कोयल पर कार्य नहीं करती है वो अलग कंडीशन है ओवरलोड कोइल अलग होती है ठीक है भाई मानता कभी गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिर कर उठ जाने में बिल्कुल जी बिल्कुल बुद्धि प्रकाश जी अगला सवाल वन सिक्सटी सिक्स नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा डीसी संट मोटर के थ्री पॉइंट स्टार्टर में एक परिवर्तित प्रतिरोध के साथ दो कोईल नो वोल्ट कोइल ओवरलोड रिलीज कोईल होते हैं थ्री पॉइंट स्टार्टर होते हैं ये दो कोईल क्या है असुरक्षित उपकरण तो हम लगाएंगे क्यों सुरक्षात्मक उपकरण है क्या तो हम कहेंगे बिल्कुल है भाई। कैसे है कि ओवरलोड कोयल तो ज्यादा लोड होने पर सुरक्षा प्रदान करेगी और नो वोल्ट कोयल है यदि मान लो विद्युत कनेक्शन समाप्त होने पर तुरंत शून्य पर लाने के लिए भी आपके सुरक्षा प्रदान करेंगे वापस स्टार्ट होते समय स्टार्टर वर्क करेगा तो हमारे पास हो गया बी ऑप्शन क्लियर ओवरलोड रिलीज मोटर को इससे बचाता है ओवरलोड रिलीज मोटर को ओवरलोड रिलीव मोटर को इसे है। ओवरलोड किससे बचाएगा ओवरलोड से बचाएगा अधिक भार से बचाएगा या अधिक करंट से बचाएगा ओवरलोड अधिक भार से बचाएगा और अधिक करंट के कारण ही अधिक भार होगा अधिक वोल्टेज की कंडीशन तो नहीं होती है अधिक भार और अधिक के करंट दोनों की कंडीशन होती है तो उचित ऑप्शन देखो दोनों है यहाँ तो सभी करो तो करो नहीं लेकिन सभी करना उचित नहीं है ओवरलोड का मतलब जब लोड बढ़ जाता है तभी इसका बिल्कुल सबसर कंप्यूटर बहुत बढ़िया है यदि ओवरलोड है लोड ज़्यादा हो जाता है तो मोटर को बचाता है और लोड ज़्यादा होने का तात्पर्य ये होता है कि वहाँ धारा का प्रवाह अधिक होने लग गया लोड अधिक का तात्पर्य धारा से होगा तो इसका आंसर बी भी होता है सी भी होता है तो बी व सी दोनों इसका आंसर है और जो इसका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का था उन्होंने इसका बी आंसर माना था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वालों ने इसका बी आंसर माना था भाई बाकी इसका बी व सी दोनों आंसर होता है ऑर्डिनेंस वालों ने बी माना था नहीं नहीं टाइम तो चेंज नहीं होगा जी नहीं डी ऑप्शन ही होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वालों ने बी ऑप्शन माना था बिल्कुल ठीक है जी अगला नेक्स्ट 168। किसी मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन क्या है किसी मोटर के ऊपर ओवरलोड सुरक्षा हो जाती है तो उसका प्रयोजन क्या है उसका प्रयोजन ये होता है कि लोड जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम इसको सुरक्षा देंगे लोड ज़्यादा बढ़े यानी निरंतर अतिरिक्त लोड से मोटर की रक्षा करना है या परिपथ दो से मोटर की रक्षा करना होगा या तार को उच्च करंट से बचाने के लिए या निरंतर अतिरिक्त करंट से मोटर की रक्षा करने के लिए तो अतिरिक्त करंट से मोटर की रक्षा करने के लिए वोल्टेज नहीं होगा भाई हम करंट से रक्षा करेंगे तो ज्यादा करंट से मोटर की रक्षा करने के लिए हम किसको काम लेते हैं भाई ओवरलोड सुरक्षा ज्यादा करंट मैंने कहा या तो ज्यादा करंट या ज्यादा लोड तो निरंतर अतिरिक्त करंट से मोटर की रक्षा करने, करने के लिए यहां पर लोड करंट के हिसाब से दिया है तो अतिरिक्त करंट से हो जाएगा अतिरिक्त करंट से मोटर की रक्षा करने के लिए इसको काम में लिया जाता है क्लियर चलो अगला सवाल थर्मल ओवरलोड रिले स्टार्टर में मोटर की रक्षा के लिए किसके विरुद्ध प्रदान किया जाता है थर्मल ओवरलोड रिले स्टार्टर में मोटर की रक्षा के लिए किसके विरुद्ध प्रदान किया जाता है शॉर्ट सर्किट के ओपन सर्किट के अतिरिक्त करंट कम वोल्टेज उच्च वोल्ट इनमें से क्या होगा ज्यादा करंट अधिक करंट के लिए अधिक करंट अधिक लोड हम एक ही देखते हैं ना तो ये क्या आएगा अधिक करंट के लिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट अगला मोटर को कौन सी स्थिति से बचाने के लिए किसी स्टार्ट में थर्मल ओवरलोड रिले का प्रयोग होता है यह वापस सवाल आ गया तो आप क्या हो गया अतिरिक्त करंट से बचाने के लिए करते हैं अतिरिक्त करंट डी ऑप्शन हो गया देखो जल्दी से सेम का सेम आगे सवाल अगला सवाल किस स्टार्ट में तीन संकुचन और एक टाइमर का प्रयोग किया जाता है किसी स्टार्टर में तीन संकुचन और एक टाइमर का प्रयोग किया जाता है ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर फोर पॉइंट स्टार्टर या डीओल स्टार्टर या ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट बताइए किसी स्टार्ट में तीन संकुचन और एक टाइमर का प्रयोग किया जाता है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर फोर पॉइंट स्टार्टर ड्यूअल स्टार्ट या ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर किस में किया जाता है तीन संगोचन यानी कि तीन हमारे पास कुंडली होती है एक टाइमर होती है तो ये हमारे पास ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में प्रयोग करते हैं जिसमें तीन कोयल और एक टाइमर का प्रयोग स्टार्टर के साथ में कर देंगे यही होगा और ये वैसे ऐसे मोटर का सवाल था यह स्टार डेल्टा स्टार्टर होता ही नहीं है ऐसी मोटर में आएगा सवाल ये चलो ठीक है भाई अगला सवाल यह फोर पॉइंट स्टार्टर होता भाई ऑटोमेटिक ठीक है भाई ओके तीन बिंदु स्टार्टर नो वोल्ट रिलीज कोइल कहां होती है नो वोल्ट कोइल कहां होती है तो नो वोल्ट कोयल हमारे पास किसके श्रेणी क्रम में होते ये देखो तो क्षेत्र परिपथ में होगी आर्मेचर परिपथ में मुख्य आपूर्ति में देखो क्षेत्र परिपथ में हमारे पास क्या लगेगी नो वोल्ट कोइल आर्मेचर परिपथ में हमारे पास क्या लगेगा प्रतिरोधक प्रतिरोधक हमारे पास कहां लगेगा भाई आर्मेचर वाले में और क्षेत्र परिपथ में लगेगी नो वोल्ट कोइल क्योंकि तीन बिंदु में एक शॉर्ट सर्किट करके भी तलाया जाता है तो क्षेत्र परिपथ करेक्ट होगा मुख्य आपूर्ति से कनेक्ट होती है ओवरलोड लोड कोइल जो लोड के साथ आधारित होती है दो सौ तीस वोल्ट रेटिंग की नो वोल्ट कुंडली किस तरह से स्टार्टर से जुड़ी होती है बताइए भाई जल्दी से 230 वोल्ट रेटिंग की 9 no वोल्ट कुंडली किस तरह से स्टार्टर से जुड़ी होती है दो फेजों पर एक किलोम प्रतिरोध से जुड़ी होती है क्या एक ने किलोम प्रतिरोध के तो माध्यम से एक फेज और न्यूट्रल पर एक फेज और न्यूट्रल पर सीधे जुड़ी होती है 9 वोल्ट कोयल एक फेज और न्यूट्रल पर सीधी जुड़ी होती है और ये आप इसके नो वोल्ट कोयल के बारे में देखते हो तो फेज और न्यूट्रल के ऊपर कैसे जुड़ रहेगी सीधी जुड़ी हुई रहती है ये इसको जुड़ने का तरीका होगा क्लियर चलो नेक्स्ट है अगला सवाल जल्दी से देखिए भाई डिस से मोटर की उच्च गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान की जाती है जल्दी से बताइए बताइए जल्दी से चलो गोकार सीरीज बेस्ट है बहुत बढ़िया है डीसीड से मोटर की उच्च गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान की जाती है हाई स्पीड पर सुरक्षा है वो किसके द्वारा प्रदान की जाएगी तो आप कहोगे सर इसमें हाई स्पीड इस पर सुरक्षा होती है वो फोर पॉइंट स्टार्ट के द्वारा प्रदान की जाएगी क्योंकि थ्री पॉइंट स्टार्ट होता है उसमें एक ट्रिप होने की संभावना होती है ट्रिप का दोष होता है तो ट्रिपिंग दोष होता है इस दोष को समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि फील्ड के समांतर में एक और प्रतिरोध जोड़ते हैं इसलिए इसे फोर पॉइंट स्टार्टर कहते हैं एक बच्चे ने आंसर दिया था फाइव पॉइंट स्टार्टर ऐसा होता ही नहीं है दो बिंदु तीन बिंदु चार बिंदु स्टार्टर होते हैं चार बिंदु हमारे पास हाइस्ट होता है दो बिंदु स्टार्टर केवल सीरीज में काम ले जाता है तीन में चार का सेंट तथा कंपाउंड में प्रयोग किया जाता है यह कंडीशन है क्लियर है ध्यान रह जाए कंडीशन में कोई दिक्कत तो नहीं है अगला सवाल करते हैं नेक्स्ट बताइए भाई सवाल तीन बिंदु स्टार्टर की तुलना में चार बिंदु स्टार्टर में मूल अंतर क्या है तीन बिंदु स्टार्टर की तुलना में चार बिंदु स्टार्टर में मूल अंतर क्या है यह बताइए भाई क्या आपके ऊपर ती, तीन बिंदु स्टार्टर अच्छा है या चार बिंदु स्टार्टर अच्छा है तो मूल अंतर इनमें क्या है यह बताइए जल्दी से जल्दी से बताइए 174 फोर में क्या हो गया भाई? डीसी संट मोटर में उच्च गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान की जाती है तो मैंने ये बताया था ए आएगा क्यों आएगा ये पांच पॉइंट स्टार्ट होता ही नहीं है। देखो कि तीन बिंदु स्टार्ट में ट्रिपिंग दोष होता है इस कारण हम क्या करते हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए जो संट फील्ड वाइंडिंग होती है संट फील्ड वाइंडिंग उसके समांतर में एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ते हैं संट फील्ड वाइंडिंग के समांतर में एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ा जाता है और इसको जोड़ने से हमारे पास सुरक्षा प्रदान होती है अच्छा ये है उस गति सुरक्षा नियम किसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती तो देखो कि दो बिंदु भी तो सीरीज में काम में लेते हैं तो संट में तो इसको भी काम में नहीं लेता है। संट को तो इसमें भी काम में नहीं लेता इन दोनों क्षण में काम लेता हूं मैं हमेशा बताता हूं तो उस कंडीशन में तो मैं ए को काम ले रहा हूं ना डी को काम ले रहा हूं डी भी कभी भी संट में प्रयोग में नहीं लिया जा सकता संट स्टार्ट नहीं होगा यदि दो बिंदु स्टार्टर का मैं प्रयोग करूंगा तो संट मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा दो बिंदु पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करने पर आप देखो कि दो बिंदु स्टार्टर में उसमें फर्क क्या होता है इस प्रकार होता नहीं है तो यहां पर जब उसको स्टार्ट करते हैं तो एक संट में एक समांतर में एक और सीधा शॉर्ट सर्किट कोयल जाएगी जो नो वोल्ट कोयल के साथ जुड़ेगी इस प्रकार कनेक्शन रहता है तो ये तो नहीं तो भाई पांच पॉइंट स्टार्टर में होता है न दो पॉइंट स्टार्टर में होता है और किसके द्वारा नहीं की जाती तो उसे तो आंसर दिया नहीं जाएगा तो किसके द्वारा की जाती है ये जरूर हो जाएगा फोर पॉइंट स्टार्टर द्वारा ए और डी दोनों ही है नहीं तो ए है नहीं डी है मतलब ए और डी दोनों नहीं होता नहीं 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 तो डी दो पॉइंट स्टार्ट भी तो डी सी मोटर गति सुरक्षा के लिए किसके दो पॉइंट स्टार्ट से स्टार्ट नहीं होगा तो यहां पर देखो ध्यान से देखिएगा भाई एक मिनट नहीं की जाति को हटा देते हैं तो तो ये आएगा और नहीं की जाती रखते हैं तो ए और डी दोनों आएगा तो ये मामला है एक सौ चौहत्तर बुक में बी ऐसे ही नहीं है चलो सारी कहानी बता दी भाई यदि देखो कि नहीं है ये लिखाएगा तो ए और डी दोनों ऑप्शन होते हैं और होता है तो चार पॉइंट स्टार्टर द्वारा इसको उच्च गति की सुरक्षा प्रदान करने के लिए काम है, लिया जाता है तीन बिंदु स्टार्ट तुलना में चार बिंदु स्टार्टर मूल अंतर क्या है अभी पता चल जाएगा आपको एक और मूल अंतर क्या है बताइए भाई जल्दी से तो तीन बिंदु स्टार्ट तुलना में चार बिंदु स्टार्टर मैंने कहा न एक समांतर में एक प्रतिरोध लगाते हैं फील्ड के साथ में परिवर्तन प्रतिरोध धीरे धीरे तब तक घटता रहता है जब तक आर्मेचर संचालन स्थिति में नहीं आ जाता ये नहीं है क्षेत्र परिपथ परिवर्तन परिपथ के माध्यम से पूर्ण होता है हो, होल्डिंग कुंडली को संड क्षेत्र से हटा दिया जाता है और अति धारा करंट रिलीज आपूर्ति लाइन में जुड़ा हुआ होता है आपूर्ति लाइन में जुड़ा होता है अति धारा निगर निर्गम है जो आपूर्ति लाइन में जुड़ा होता है तो बताइए ये तो उसमें तीन बिंदु में भी रहेगा ना चार बिंदु दोनों में ये तो है तो अंतर थोड़ी है ये तंत्र तो ही नहीं तीन बिंदु दिन्दु, चार बिंदु दोनों में सेम कंडीशन है परिवर्तन तो स्टार्टर प्रतिरोध धीरे धीरे तब तक तो घटता रहता है जब तक तो आर्मिक संचालन स्थिति में नहीं आ जाता है ये तो दो बिंदु तीन बिंदु चार बिंदु सब में रहता है क्षेत्र यानी फील्ड जो सर्किट है स्टार्टर प्रतिरोध के माध्यम से पूर्ण होता है और दूसरा होल्डिंग कुंडली को सं क्षेत्र से हटा दिया जाता है होल्डिंग कुंडली संड क्षेत्र से हट जाती है संड क्षेत्र में एक नया प्रतिरोध आ जाता है एक सोनू महादेव का सर भोकाल में पीडीएफ को थोड़ा जूम बड़ा और ज़ूम करते हैं थैंक यू अरे वो बड़ी और ज़ूम ही है ऑलरेडी पूरी जो स्क्रीन होती है डायरेक्ट स्क्रीन ही तो दे रहा हूं उसमें तो अगला सवाल चार बिंदु स्टार्टर को कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है चार बिंदु स्टार्टर कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए लिया जाता है मोटर को अभी भारित करने के लिए गुणन की दिशा को वितक्रमित करने के लिए क्षेत्र नियामक द्वारा विस्तृत प्रास पर गति नियंत्रण के लिए या मोटर की दक्षता को बढ़ाने के लिए तो चार बिंदु अभी आया था क्षेत्र नियामक द्वारा विस्तृत प्रास में गति नियंत्रण करने के लिए हम काम लिया जाएगा ठीक है डीसी ड्राइव की गति नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक दक्षता और उच्चतम वोल्टेज नियमन प्रदान करती है बताइए भाई जल्दी से डीसी चालन की गति नियंत्रण के लिए कौन सी विधि अधिक दक्षता और उच्चतम वोल्टेज नियमन प्रदान करती है आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण क्षेत्रीय चुंबक के नियंत्रण आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण क्षेत्रीय प्रतिरोध नियंत्रण बताइए कौन सा होगा 177 में डीसी ड्राइव है उसकी गति नियंत्रण करने कौन सी विधि अधिक दक्ष और उच्च वोल्टेज रेगुलेशन प्रदान करेगी अधिक दक्षता प्रदान करें उच्च वोल्टेज रेगुलेशन प्रदान करें तो होगा वो आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण क्या होगा भाई आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण आर्मेचर के द्वारा वोल्टेज नियंत्रण का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाता है और आर्मेचर का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाता है तो वोल्टेज को हम प्रतिरोध के वोल्टेज ड्रॉप ले लेंगे जिसके कारण हमारे पास वोल्टता का नियंत्रण हो जाएगा तो आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण कर लाएगा ये क्लियर अगला सवाल एक सौ अठहत्तर नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा भाई निम्न लिखित में से किस गति नियंत्रण विधियों में आर के साथ श्रृंखला में जुड़ी एक रियोस्टेट की सहायता से आर के धारा को परिवर्तित कर गति नियंत्रण हासिल किया जाता है निम्न लिखित में से किस गति नियंत्रण विधियों में आर के साथ श्रृंखला में जुड़ी एक रियोस्टेट की सहायता से आर के धारा को परिवर्तित कर गति नियंत्रण हासिल किया जाता है बताइए भाई किसकी सहायता से तो आप क्यों ये आर्मेचर के धारा को परिवर्तित कर गति नियंत्रण हासिल करना है तो ये आर्मेचर नियंत्रण विधि हुई है कौन सी हुई आर्मेचर नियंत्रण विधि आर्मेचर नियंत्रण विधि के द्वारा क्या होगा भाई आर की धारा को नियंत्रित किया जाएगा जो आर्मेचर में प्रतिरोध होता है कम और इस कारण उसके श्रेणी क्रम में एक लगाया जाता है रियो स्टेट जिसका प्रतिरोध होता है ज्यादा जिसके कारण धारा वहां पर आर में कम प्रभावित होगी तो आर पर होने वाली धारा को रियो स्टेट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा आगे सबका अगला सवाल डीसी श्रेणी की चाल निम्नलिखित में से किस पद्धति द्वारा नियंत्रित की जा सकती है डीसी सीरीज मोटर की चाल होती है वो किस पद्धति के द्वारा रिलीज की जाती है यानी नियंत्रित की जाती है तो बताइए 179 नंबर सवाल का आंसर जल्दी से बताइएगा भाई कौन से द्वारा होती है तो सीरीज मोटर होती है उसकी जो चाल होती है ज्ञात करने के लिए पांच विधियां होती है और जो संट या कंपाउंड होती है उसकी नियंत्रण विधिया होती है दो अब पांच विधियां कौन सी कौन सी है क्षेत्र डाइवर्ट दिया हुआ बिल्कुल है आर्मेचर डाइवर्ट है टेप्ड क्षेत्र भी है क्षेत्र कुंडलियों का समांतर करके मतलब इसको सीरीज पैरेलल बोला जाता है ये भी है इसको बोला क्या जाता है सीरीज पैरेलल विधि एक और होती है वोल्टेज नियंत्रण विधि तो हमारे पास टोटल पांच विधियां होती है तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा अभी संट का था दो विधियां होती है और आर में और संट में दो ही होती है लेकिन सीरीज में पांच होती है सर कृपया बताइए देखो हमारे इलेक्शन थ्योरी के कोर्सेज है चाहे आप यूपीपीसीएल का लो चाहे टेक्निकल हेल्पर लो चाहे आप ऑल एग्जाम लो कोई सा भी लो उस सब में आपको किसी में भी सब पूरा कोर्स पढ़ने बाद लास्ट में मिलेगी भोकाल सीरीज नीचे आपको सबसे अंतिम में और ये लास्ट में पढ़ने लायक ही चीज़ है सब कुछ आपको आने के बाद में उसमें भोकाल होता है जो सवालों का लेवल लेव है वो उस हिसाब से है तो उसके बाद ही वो भोकाल मचेगा पहले सब कुछ पढ़ा हुआ होगा तभी होगा उसकी आपको पी उसके अंदर मिल जाती है जिसका सोल्यूशन मैं लिखता हूँ बोर्ड के ऊपर वो सारी सारी प्योर पी मिलती है और उस पीडीए को शेयर नहीं कर सकते हैं मतलब प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते केवल वहां पर पढ़ सकते हो चलो सर शुभम सरकार बढ़िया बहुत बढ़िया प्रदीप अगला सवाल एक सौ अस्सी नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा गति नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक सामान्य गति से अधिक गति प्रदान करती है डीसी मोटर के गति नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक सामान्य गति से अधिक गति प्रदान करती है ये बताइए भाई सामान्य गति से अधिक गति कौन सी प्रदान करेगी फ्लक्स नियंत्रण विधि भी तो होता है यूट्यूब और मॉर्निंग में सुबह क्लास करा रहा हूँ भाई दिष्ट धारा मोटर की गति नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक सामान्य गति से अधिक गति प्रदान करती है आरमेचर प्रतिरोध नियंत्रण है नहीं गति नियंत्रण तकनीक सामान्य गति से अधिक गति प्रदान करनी है वो है फील्ड नियंत्रण कैसे एन बराबर ईबी बटा फाई होता है गति आपको ज्यादा प्रदान करनी है तो फाई का मान को कम करो गति बढ़ जाएगी और फ्लक्स के मान को कम करना आसान होता है तो फ्लक्स को मान कम करने पर गति बढ़ाने भी आपकी आसान कार्य हो गया और इस प्रकार आप सामान्य से अधिक गति प्रदान कर सकते हो इसके द्वारा कभी भी सामान्य से अधिक गति प्रदान नहीं कर सकते इसके द्वारा आप बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा और ये घटाओगे तो घटेगा ये भी एक लिमिट तक मामला होता है इसको ज़्यादा बढ़ा ही नहीं सकते विरोधी विद्युत वाग बल को तो ये केवल घटा सकते हो तो घटाओगे तो ये भी घट जाएगा लेकिन फ्लक्स को घटाने पर गति बढ़ जाती है पहला सवाल आपके सामने आ गया है कि दिष्ट धारा संट मोटर है ठीक है गति नियंत्रण के लिए प्रतिरोधक विधि काम लेते हैं तो आर्मेचर अपर तक का उपयोग विधि को क्या बनाता है देखो कि यहां पर हमारे पास होता है आर्मेचर और यहां होता है हमारे पास समांत सं मोटर है तो संट इस प्रकार होगा ठीक है अब देखो आर्मेचर अपर तक है इट मींस आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक परिवर्तित प्रतिरोधक लगा है और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक परिवर्तित प्रतिरोधक लगा है यह एक संबंध स्थापित हुआ ठीक है ठीके? अब देखो यदि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा है तो इस प्रतिरोध का मान पहले से तो थोड़ा तो ज्यादा ही होगा ज्यादा होने के कारण इसमें धारा क्या जाएगी कम जाएगी इसमें यदि धारा कम जाएगी तो यहां विरोधी विद्युत वाहक बल कम बनेगा और विरोधी विद्युत वाहक बल कम बनेगा तो इसकी गति भी क्या होगी विरोधी विद्युत वाहक बल के समानुपाती है तो इसकी गति भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो इसकी गति भी कम हो जाएगी तो इसकी गति कम हो जाती है पहली बात हो क्योंकि आर में चढ़ के श्रेणी क्रम यदि रियोस्टेट लगा देते हो तो इससे गति क्या हो जाती है कम हो जाती है लेकिन यह क्या करता है कि तेजी से बदलता हुआ लोड है यदि लोड में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है तो ये इसको हैंडल कर लेता है क्योंकि यहाँ पर गति कम हो रही है गति कम होने पर लोड ज्यादा लोड भी ये इसको हैंडल कर सकता है क्लियर है तो ज़्यादा लोड को भी हैंडल कर सकता है ये तब होता है जब हमारे पास गति धीमी हो जाए ज़्यादा तेज़ गति पर तो लोड हैंडल नहीं होता है इसलिए तेजी से बदलते भार के लिए उपयुक्त विधि है जो काम में ली जाती है तेजी से बदलते भार के लिए सबसे उपयुक्त विधि है बी ऑप्शन है चलो ठीक है भाई चलो हो गया नेक्स्ट वन एटी टू अगला सवाल दिष्ट धारा संट मोटर गति नियंत्रण के लिए फ्लेक्स नियंत्रण विधि द्वारा हम कौन सी गति प्राप्त कर सकते हैं अब बताओ भाई इसके द्वारा हम कौन सी गति प्राप्त कर सकते हैं अब इन्होंने कहा मोटर गति नियंत्रण है इसमें फ्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा फ्लक्स नियंत्रण है एन समानुपाति होता तो एन फ्लक्स का क्या हो गया भाई वित हो गया ये हो गया फ्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा हम कौन सी गति प्राप्त कर सकते हैं फ्लक्स का नियंत्रण करोगे तो फ्लक्स को क्या क्या होगा नियंत्रण होने का मतलब कम हो गया तो हमारे पास गति क्या हो गई ज्यादा हो गई तो यदि हम फ्लक्स का नियंत्रण कर लेंगे तो गति हमारे पास सामान्य गति से ऊपर चली जाएगी बस ये कंडीशन आएगी तो यदि मान लो फ्लक्स का नियंत्रण हो जाता है तो गति क्या हो जाएगी भाई ज्यादा हो जाएगी ए ऑप्शन करेक्ट होगा क्लियर देख रहे ना सब सी किसके आ रहा है साहू सामान्य गति के ऊपर के साथ साथ नीचे नीचे गति नहीं आती है ऊपर रहती है नीचे गति नहीं रहती है जब फ्लक्स का नियंत्रण किया तो फ्लक्स को आपने कम कर लिया फ्लक्स को आप कम कर दोगे तो आपके पास गति का मान है वो बढ़ जाएगा ठीक है भाई नेक्स्ट अगला संट मोटर की चाल नियंत्रण के लिए आर्मेचर वोल्टता संट मोटर में चाल नियंत्रण के लिए आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण विधि वोल्ट पद्धति नियंत्रण पद्धति नियंत्र अथवा रियोस्टेटिक नियंत्रण पद्धति में परिवर्तनीय प्रतिरोध क्या होता है संट मोटर में चाल नियंत्रण के लिए आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण पद्धति वोल्टेज नियंत्रण पद्धति का मतलब है सीरीज में आप एक, एक प्रतिरोध लगाते हो जिसके कारण वोल्टेज को कम तथा ज्यादा करते हो जैसे पंखे का करते हो ना आप ल... आप इसका प्रतिरोध को कम ज्यादा करने के कारण उसकी गति परिवर्तन होती है उस प्रकार का घेरा है अथवा रियोस्टेटिक नियंत्रण पद्धति परिवर्तनीय प्रतिरोध कौन सा होता है वोल्टेज नियंत्रण में हम जो जिसको जोड़ते हैं है। तो, है। तो कौन से क्रम में जुड़ा रहेगा भाई आर मेचर के साथ श्रेणी क्रम में। फील्ड दोनों के साथ श्रेणी में आर मेचर के साथ समांतर में फील्ड दोनों के साथ समांतर में फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में या आर मेचर तो ये आर मेचर के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है ऑप्शन क्लियर है आरमेचर को ध्यान में रखते हुए आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है इससे क्या होता है कि हमारे पास कुछ वोल्टेज है वो पहले ही रियोस्टेट ड्रॉप कर लेता है आगे वोल्टेज कम देता है जिसके कारण चाल का नियंत्रण कर लिया जाता है तो ये हमारे पास आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होगा ठीक है भाई चलो अगला सवाल नेक्स्ट सर प्लीज़ रिप्लाई एक रोकना भी प्रेम कुमार गोस्वामी का डीसी मोटर के सामान्य लोड पर डीसी मोटर के सामान्य लोड पर चल रही हो ठीक है फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए ओके तो क्या होगा संट और सीरीज दोनों मोटरों के बारे में बता दो और मोटर लोड पर चल रही तो क्या होगा देखो डीसी सीरीज मोटर है उसमें फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो, तो वैसे वो तुरंत ही बंद हो जाएगी और लोड पर चल रही है लेकिन फील्ड वाइंडिंग ओपन हो गई तो फिर लोड का कोई मतलब नहीं रहेगा सीरीज़ में फील्ड वाइंडिंग ओपन का मतलब ये बंद होगी तुरंत क्योंकि सीरीज़ का धारा धारापरवाही नहीं होगी फील्ड वाइंडिंग ओपन होने पर धारा धारापरवाही नहीं होगा फिर सीरीज़ के केस में तो फील्ड वाइंडिंग ओपन होने पर सीरीज मोटर तो नहीं चलेगी रही बात संट मोटर की संट मोटर क्या होता है कि बिना लोड को भी ये चला लेती है लेकिन एक बार यदि प्रारंभ में नहीं हो तो नहीं चलेगी लेकिन एक बार चुंबक के फ्लक्स का निर्माण हो जाता है तो विरोधी विद्युत वाहक बल विद्युत विरोधी विद्युत वाहक बल बन, बनने लग जाएगा और विरोधी विद्युत वाहक बल बन, बनने लग गया उसके बाद यदि बंद होता है तो उसको ओपन हो जाता है फील्ड वाइंडिंग तो यह काफी देर तक चलेगी लेकिन क्योंकि चुंबक के फ्लक्स समाप्त हो गए तो वापस फ्लक्स का निर्माण होना नहीं है तो जितनी देर चलेगी विरोधी विद्युत वाहक बल के गुण के कारण चलेगी ठीक है भाई नेक्स्ट अगला 182 एटी टू फिर से देखो फिर से क्या देखे सही तो था अगला सवाल चलो ओके नेक्स्ट नीचे दी गई मोटर में से किसका गति नियंत्रण सबसे कमजोर होता है आप देखो आपको अलग अलग मोटर दी गई जिसका गति नियंत्रण दिया गया गति नियंत्रण सबसे कमजोर किसका होता है यह देखना है संयुक्त डिफरेंशियल मोटर 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 और श्रेणी मोटर तो हमारे पास गति नियंत्रण सबसे कमजोर होता है वो श्रेणी मोटर का होता है सबसे अच्छा ग्रंथ गति नियंत्रण होता है वो संट मोटर में होता है संट मोटर में एक तो होती है हमारे पास आर्मेचर डाइवर्टर विधि एक होती है फील्ड सॉरी आर्मेचर नियंत्रण विधि एक होती है फील्ड नियंत्रण विधि आर्मेचर नियंत्रण विधि और फील्ड नियंत्रण विधि से आप करोगे तो तुरंत श्रेणी मोटर गति नियंत्रण हो जाता है लेकिन यहाँ पर श्रेणी मोटर में जब गति नियंत्रण करते हैं तो पांच प्रकार से गति नियंत्रण किया जाता है और जैसे कि हम कहते हैं कि सबसे पहले फील्ड डाइवर्टर विधि है वो बड़ी महंगी विधि होती है और इसमें क्या होता है कि पावर लॉस ज़्यादा होता है तो इसका कोई ज़्यादा किफ़ायती नहीं है तो हमारे पास ये महंगी विधि है बाकी इन ये जो संट तथा कंपाउंड के लिए काम में लिया जाता है वो वार्ड लियोनार्ड विधि होती है वो सबसे मजबूत विधि होती है संट मोटर के लिए तो सबसे मजबूत होती है सबसे अच्छी होता ही किसके लिए नियंत्रण संट के लिए होता है और सबसे कमजोर किसके लिए होता है श्रेणी के लिए होता है ये दोनों आते हैं वो बीच वाली कैटेगरी में आ जाते हैं ये ध्यान रखना ठीक है टेपित क्षेत्र नियंत्रण विधि में श्रेणी क्षेत्र वर्तनों को कम करने के लिए फ्लक्स भी कम हो जाता है टेपित क्षेत्र क्षेत्र नियंत्रण विधि में श्रेणी वर्तनों को कम करने से फ्लक्स भी कम हो जाता है जिससे क्या होगी गति में कमी होगी गति में वृद्धि होती है गति में कोई परिवर्तन नहीं होता गति शून्य तक घटी घट जाती है ये बताइए आराम से सवाल अब देखो मोटरों के सवाल काफी ज्यादा आते हैं सवाल समझने बच्चा दिक्कत करता है टेपित क्षेत्र नियंत्रण विधि है श्रेणी क्षेत्र वर्तनों को कम करने से फ्लक्स भी कम हो जाता है फ्लक्स कम हो जाता है तो गति क्या होती है तो आप कहोगे सर illum, फ्लक्स का तो है फ्लक्स कम हो जाएगा तो गति बढ़ जाएगी तो गति में हमारे पास क्या होती है वर्दी होती है यदि फ्लक्स में कमी आएगी तो गति में वर्दी आएगी बस इतना नियंत्रण का पहला बेसिक रूल आपको पता है तो बहुत सारे सवाल आपको सॉल्व करना आसान है क्लियर है ना आराम से देखते चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर सवाल आपके सामने रहा डीसी मोटर के क्षेत्र कमजोर होना किसके रूप में भी जाना जाता है सवाल सिंपल है डीसी मोटर के क्षेत्र कमजोर होना किसके रूप में जाना जाता है नियत विद्युत धारा नियंत्रण विधि नियत वोल्टता नियंत्रण विधि नियत आवर्ती नियंत्रण विधि नियत शक्ति नियंत्रण विधि नियत बल आगुण नियंत्रण विधि आप बताइए डीसी मोटर के क्षेत्र कमजोर होता है तो इसके किसके रूप में जाना जाएगा चलो डीसी मोटर के क्षेत्र कमजोर होना किसके रूप में भी जाना जाता है नियत विद्युत धारा नियंत्रण विधि नियत वोल्टता नियंत्रण विधि नियत आवर्ती नियंत्रण विधि नियत शक्ति नियंत्रण विधि चलो ठीक है तो ये हमारे पास है नियत शक्ति नियंत्रण विधि है जो करेक्ट उपयुक्त आंसर कैसे कि डीसी मोटर में फील्ड का कमज़ोर होना तो फील्ड कमज़ोर होगा फील्ड कमज़ोर होने पर आप जानते हो कि जो धारा है वो करंट हमारे पास कमज़ोर होगा और करंट यदि हमारे पास कमज़ोर होता है तो हमारे पास शक्ति नियंत्रण नियत शक्ति नियंत्रण विधि को उपयोग में वहां पर लिया जाएगा क्योंकि फील्ड कमजोर के साथ करंट करंट का संबंध सीधा फील्ड के साथ होता है तो यह कमजोर होगा सर मैं आपसे निवेदन करता हूं भोकाल सीरीज जूनियर इंजीनियर डाल दीजिएगा उसके एक अलग से भोकाल सीरीज बनाएंगे भाई जूनियर इंजीनियर के लिए अलग से भोकाल सीरीज बनाएंगे और बहुत शानदार वाली बना रहे अभी टीम उस पर काम भी कर रही है ठीक है ना चलो अगला आर्टिफिशियल हार्ट पंप जैसे बायोमेडिकल उपकरण में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली मोटर कौन सी है ये बड़ा सिंपल सवाल है अच्छा वाला सवाल है कि जैसे हार्ट आर्टिफिशियल हार्ट पंप के लिए जो काम लेते हैं मोटर वो मोटर कौन सी है बताइए जल्दी से बताइए भाई वो मोटर कौन सी है एक एटी सेवन नंबर सवाल आ गया जल्दी से बताइए बी आंसर आया राम का डी है या कि सीरीज मोटर नहीं बिना ब्रश वाली डीसी मोटर है क्योंकि हार्ट पंप में बिना ब्रश वाली मोटर चाहिए कम्यूटेशन नहीं होना चाहिए स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए तो इसलिए बिना ब्रश वाले डीसी मोटर का ही प्रयोग करेंगे जिससे क्या होगा किसी भी प्रकार का न तो घर्षण एक्स्ट्रा आएगा न कम्यूटेशन आएगा न स्पार्किंग होगी और ये नियत वोल्टेज पर कार्य करने वाला है और इस कारण हाँ यहाँ पर क्या होगा बिना ब्रश वाली डीसी मोटर का ही प्रयोग लेगा क्योंकि नियत वोल्टेज पर ही कार्य करना चाहिए ज्यादा और कम पर कार्य करना भी उसके हार्ट के लिए उपयुक्त नहीं है तो आर्टिफिशियल हार्ट के लिए ये ध्यान रखना बिना ब्रश वाली डीसी मोटर का प्रयोग करना है अगला सवाल है डीसी मोटरों की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है अर्धचालोकरण कंपाउंड ट्रांजिस्टर या चालो उपकरण आप बताइए जल्दी से कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए अर्ध चालक उपकरण का उपयोग किया जाता है कौन सा अर्ध चालक होता है एससीआर। और ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का विशेष रूप से प्रयोग किसमें होता है वार्ड लियोनार्ड प्रयोग करते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉनिक जो होते आइटम का प्रयोग कर लेते हैं उपकरण का प्रयोग कर लेते हैं अर्थ चालू उपकरण है जैसे गति नियंत्रण करने का कार्य होता है तो एस आर क्या अर्थ चालक है तो अर्थ चालू उपकरण का प्रयोग किया जाता है संट और सीरीज दोनों के लिए उपयुक्त होता है वार्ड लियोनार्ड लेकिन मुख्य आपके संट के लिए ही उपयुक्त है अगला सवाल डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस प्रयुक्त किया जाता है यह तो अभी बता दिया एस होता है डीसी मोटर रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा किसका प्रयोग डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए होता है अब आपने पढ़ा एस एर कौन से परिवार का सदस्य है कौन से परिवार का है? थारिश्ट्र का. थारिश्ट्र परिवार का क्या क्या सदस्य होता है एस आर ट्राइक डाइक आई जी बी टी एस एस सब ये एसीआरिस्ट परिवार का सदस्य होते हैं लेकिन थारिस्ट परिवार का मेन सदस्य एसीआर होता है इसलिए थायरिस्टर को एस के नाम से भी जाना जाता है तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यह ध्यान रखो। क्लियर है चलो नेक्स्ट अगला दिष्ट धारा मोटर के गति नियंत्रण के वार्ड लियोनार्ड प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है दिष्ट धारा मोटर के गति नियंत्रण के वार्ड लियोनार्ड प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है ये बताइए वार्ड लियोनार्ड प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है जल्दी से बताइए भाई इससे छोटी मोटरों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वार्ड लियोनार्ड का यह सुगम स्वेदनशील और व्यापक गति नियंत्रण करता है बिल्कुल ये है विद्युत मांग व उत्सावन को कम करने के लिए नहीं बी ऑप्शन है सुगम संवेदनशील और व्यापक गति नियंत्रण है मेनली उपयोग किस में लिया जाता है मुख्यतः ध्यान रखना संट में उपयोग लिया जाता है इसमें क्या होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी काम में ली जाती है एक कनेक्ट होकर रखना भाई ध्यान से समझ लेना एक आप डीसी जनरेटर भी काम में लेते हो यह दोनों होगा तो इनके द्वारा डीसी मोटर का नियंत्रण किया जाएगा तो थोड़ी महंगी तो हो गई आपको पता है लेकिन यह क्या होता है कि पूर्णतीय फुल एंटी क्लॉकवाइज वाइज चल रही है और उससे आप फुल एंटी क्लॉकवाइज वाइज फुल क्लॉकवाइज वाइज तक भी आप चला सकते हो तो इसकी गति नियंत्रण करना बहुत आसान है आगे पीछे करो तो बहुत आसान है किसी प्रकार के इसमें डिफिकल्टीज नहीं है ये ध्यान रखा जाता है ठीक है भाई अगला सवाल नेक्स्ट गति नियंत्रण की कौन सी पद्धति को डीसी श्रेणी फैन मोटर में उपयोग किया जाता है गति नियंत्रण की कौन सी पद्धति को डीसी श्रेणी फैन मोटर में उपयोग किया जाता है श्रेणी समांतर पद्धति फील्ड टेपिंग पद्धति या सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण पद्धति या फील्ड डाइवर्टर पद्धति तो बताइए कौन किस को प्रयोग में लिया जाएगा गति नियंत्रण कौन सी पद्धति को डीसी श्रेणी फैन मोटर में होती है डीसी श्रेणी फैन मोटर में प्रयोग करते हैं श्रेणी समांतर पद्धति सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल में क्या होता है कि एक वाइंडिंग होती है उसको दो भागों में तोड़ दिया जाता है कितने भागों में तोड़ा जाता है उसको दो भागों में उसमें इनको यदि मान लो यहां पर फील्ड को ज्यादा रखना तो सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और फील्ड को ज्यादा नहीं रखना है तो ये समांतर में कनेक्ट कर देते हैं ये पीछे से कनेक्ट होती है ये आगे कनेक्ट होती है ठीक है अब देखो ये हमारे पास कौन सा क्रम हो गए श्रेणी क्रम में इसको यहां कनेक्ट कर देंगे इसको यहां कनेक्ट फिर कौन सा क्रम हो जाएगी समांतर क्रम है तो ये श्रेणी और समांतर है आदि श्रेणी में आदि समांतर होता है जैसे डीसी श्रेणी फैन मोटर के लिए उपयोग लेने के लिए सबसे अच्छी होगी सीरीज पैरेलल विधि ए ऑप्शन सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि देखो कि सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि आपकी बात है तो उचित है ये हम एसी मोटर में काम में लेते हैं और यदि मान लो सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि को वहां काम में लिया जाता है जहां पर हम ज्यादा जगह पर आप इसको नियंत्रित नियंत्रित कर सकते हो लेकिन आप देख तो सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि जहां काम लेते हैं डीसी में तो इसमें कहते हैं लो से ज्यादा होते हैं क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप है उस प्रतिरोध के आक्रोश उतना, उतना उतना आ जाता है इस कारण यहां पर एक ही होता है कि भाई एक तो यहां तो ज्यादा स्पीड है या कम स्पीड है तो यह श्रेणी समांतर ही उसके लिए उपयुक्त माना जाता है सर बुक पर चल रहा है क्या बिल्कुल चल रहा है भाई बुक पर ही है चलो अगला सवाल नेक्स्ट शक्ति निर्धारित रेटिंग वाले दिष्ट धारा मोटर को नियंत्रित करने के लिए अर्ध तरंग परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है शक्ति निर्धारित यानी पावर रेटिंग के वाले दिष्ट धारा मोटर की नियंत्रित करने के लिए हाफ एव रेक्टिफायर अर्ध तरंग परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है तो ये जो अर्ध तरंग परिवर्तक होते हैं ये कितने वाट के होते हैं ये कम वाट क्षमता के होते हैं चार हजार के नहीं होते चार सौ वाट से भी कम क्षमता के होते हैं क्या होते हैं भाई हाफ एर पर उपयोग वाट से कम होगा ये आंकड़ा आपको याद रखना पड़ेगा इसमें परिवर्तन आप नहीं कर पाओगे ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना ठीक है चलो अगला सवाल डीसी मोटर के छुटपुट हास को मापने के लिए यानी बहुत कम लोसेज को मापने लिए कौन से परीक्षण प्रयुक्त किए जा सकते हैं डीसी मोटर के छुटपुट हास को मापने के लिए यानी कि निम्न से कौन से परीक्षण हैं उनको प्रयोग करोगे फील्ड टेस्ट ब्रेक टेस्ट स्विंग बर्म टेस्ट रनिंग डाउन टेस्ट या इन सभी का प्रयोग करोगे तो ये छुटपुट हास है यानी बहुत कम लोसेज होते हैं उनको मापना है तो उनको मापने के लिए एक और अतिरिक्त है जो टेस्टिंग विधि होती है वो रनिंग डाउन है यानी कि जब मशीन चल रही है तो उसमें यदि उसकी गति में कुछ गिरावट आती है तो उसको मापने के लिए काम लिया जाता है तो चल रही मोटर में गति के छुटपुट लॉस को मापने के लिए क्या करोगे रनिंग डाउन तो भाई रन होते समय जो जितनी सी डाउन हो गई है वो किस कारण हो गई है तो इसका पता लगा लिया जाता है इसके द्वारा क्या करते हैं इस इस्ट नुकसान के लिए भी ये जो है रनिंग डाउन टेस्ट है वो उपयोगी होता है तो वहाँ पर भी इसका काम में ले लिया जाता है Clear? अगला 194 वार्ड लियोनार्ड मू, मूल रूप से कौन से क्या नियंत्रण विधि है नियंत्रण क्या है बताओ भाई वार्ड लियोनार्ड मूल रूप से क्या नियंत्रण विधि है क्षेत्र प्रतिरोधक है आर्मेचर प्रतिरोधक है आर्मेचर वोल्टेज है या फील्ड डाइवर्टर है सर भोपाल सीरीज का डेमो यूट्यूब पे दिखा दो देखो भोपाल का डेमो डेमो तो मुझे जानते हो ये डेमो तो बहुत है भाई डेमो तो कितने दिखाए और बाकी बच्चों ने सबने खरीद रखी है और जिन्होंने नहीं खरीदी जिन्होंने मेरे से पहले पढ़, पढ़ रहे थे उनको सबको दी मैंने जो पुराने हेल्पर के बेस थे पुराने यूपीपीसीएल के बेस थे नए वाले नहीं जो नॉन डिजिटल बोर्ड वाले थे उनके पास भी वैलिडिटी बची हुई थी उनको तक भी मैंने भोकाल सीरीज दे दी है तो जितने थे सब विद्यार्थियों को मैंने प्रोवाइड किए भाई से को बी आ रहा किसी को आ रहा सी ठीक है आर में वोल्टेज है वर्ल्ड लियोनार्ड विधि में आर्मेचर के वोल्टेज का नियंत्रण किया जाता है क्यों किया जाता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई दी जाएगी उसके कारण इंडक्शन मोटर के द्वारा जनरेटर संचालित होता है जनरेटर है वो एक्साइटेशन प्रोवाइड करेगा मोटर को तो यहाँ पर जो मोटर को प्रोवाइड करेगा तो आर्मेचर वोल्टेज के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा तो ये आर में नियंत्रण वोल्टेज भी दे रहेगी भाई चालीस क्वेश्चन हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे कर देंगे कौन सा परीक्षण डीसी मोटर पर रनिंग डाउन परीक्षण भी कहलाता है रनिंग डाउन परीक्षण कौन सा कहलाता है रिटार्डेशन रीजनरेटिव बेक टू बेग स्विंग होपकिन बताइए कौन सा होगा तो रनिंग डाउन परीक्षण होता है बैक टू बैक में तो क्या होता है दो अलग अलग ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं वो बैक टू बैक ट्रांसफॉर्मर विधि कहलाती है जिसके कारण होता है और रिटार्डेशन होता है जो बहुत कम लॉसेज होता है उसको पता का लगा लिया जाता है तो ये भी छुटपुट दो उसको पता लगाने के लिए कहलाता है इसलिए रनिंग डाउन रिटार्डेशन रिटार भी कहलाता है स्वीन वर्ग परीक्षण में डीसी मोटर किस पर संचालित की जाती है यह सवाल है स्वीन वर्ग परीक्षण जो होता है हमारे पास इसमें हम लो हानि को पता लगा लिया जाता है जो नो लोड पर होती है कौन से लोड पर होती है नो लोड पर स्वीन वर्ग परीक्षण में नो लोड पर इसको संचालित किया जाता है और फुल लोड पर संचालित नहीं करते हैं फुल लोड पर संचालित करने वाले होते हैं वो शॉर्ट सर्किट परीक्षण होती है ओपन सर्किट परीक्षण विधि की तरह काम में ली जाती है जो कि नो लोड पर इसका संचालन किया जाएगा अगला अब आगे लो सेज वाले भाई परीक्षण कौन से हॉपकिंस परीक्षण के लिए वैकल्पिक शब्द नहीं है हॉपकिंस परीक्षण के लिए कौन सा वैकल्पिक शब्द नहीं है हॉपकिंस परीक्षण कह दो या बैक टू बैक कह दो ये तो बात एक ही है जो सबसे ज्यादा उपयुक्त रूप से काम लिया जाता है इसको बैक टू बैक हिट रेन टेस्ट और पुनर् पुनर्योजी परीक्षण भी कहते हैं लेकिन इसका नाम ब्रेक परीक्षण कभी भी शामिल नहीं किया जाता है मेन तो सबसे ज्यादा काम हॉपकिंस परीक्षण और बैक टू बैक परीक्षण तो, तो, तो पूछ लिए नहीं तो आपके किताब के अंतर्गत इनकी चर्चा नहीं मिलेगी तो ये ब्रेक परीक्षण हमारे पास इसमें डी आंसर आएगा ठीक है ये हमारे पास कौन सा लोड का टेस्ट है फुल लोड का टेस्ट है जिसमें दो मशीनें एक दूसरे साथ युग्मित हो जाती है तो बैक टू बैक काम में ली जाती है डीसी मोटर के वाइंडिंग में कॉपर हानि किसके अनुपातिक है अरे कॉपर हानि पावर पावर पी बराबर आई स्क्वायर आर कॉपर हानि इसलिए होता है कि कॉपर में प्रतिरोध होता है होता है क्या धारा के वर्ग के समानुपाति धारा के वर्ग के समानुपाति सी ऑप्शन करेक्ट होगा अब तो ये तो हो गया धारा के वर्ग के समानुपाति अगला सवाल करते हैं नेक्स्ट रोटर फील्ड दूरों द्वारा उत्पन्न फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स के हाँ प्रभाव को क्या कहा जाता है रोटर फील्ड दूरों द्वारा उत्पन्न फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स के प्रभाव को क्या कहते हो ये आप बताइए जल्दी से भाई देखो रोटर फील्ड है रोटर फील्ड है यानी कि मुख्य फील्ड हो गए हम मुख्य फील्ड रोटर का फील्ड क्या कहलाता है मुख्य फील्ड मुख्य फील्ड के दूरों पर उत्पन्न फ्लक्स पर आर्मेचर जो प्रभाव आता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर रिएक्शन मुख्य फ्लक्स पर पड़ने वाला वह प्रभाव जिसके कारण उसके फ्लक्स को कम कर देता है वो आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है और ये इसके कारण ही प्रभावित होता है इसको दूर करने के दे। लिए कंपनसेंटिंग वाइंडिंग काम में लिया जाता है अगला डीसी श्रेणी मोटर में सॉफ्ट बल युग का डीसी श्रेणी मोटर में सॉफ्ट बल युग्म का बल युग्म से कम uh -huh. होने का कारण क्या है ध्यान से देखिए डीसी श्रेणी मोटर में डीसी श्रेणी मोटर में बल युग्म का आर्मेचर बल युग्म से कम होने का कारण क्या है स्ट्री हानिया भंवरधारा हानिया हिस्ट्रीसिस हानिया या हानिया, बताइए क्या होता है डीसी श्रेणी मोटर में बल युग्म का बल युग्म से कम होना बल युग्म देखो घर्षण नहीं कर रहा है तो कम हो नहीं रहा है लेकिन घर्षण भी हो रहा है तो सॉफ्ट कम होगा कारण क्या है घर्षण सामे और घर्षण यहां पर होता है इस हानि हमारे पास क्या होती है यांत्रिक हानि प्लस लो हानि यांत्रिक हानि प्लस लोहा क्या कहलाती है कहलाती है। तो सफ्ट बल बल से कम होने का कारण है घूमेगा तो कुछ घर्षण आएगा तो इसलिए के अंतर्गत में ये काउंट होगा क्लियर है भाई अगला सवाल नेक्स्ट डीसी मशीन में हिस्ट्रेस हानि को कम से कम निर्भर करता है डीसी मशीन में हिस्ट्रेसिस हानि कम से कम हिस्ट्री किस पर कम से कम पर निर्भर करता है चुंबक के उत्क्रमण की, की आवर्ती पर हिस्ट्रेसिस लॉस पूछा है तो होता है क्या है ईटा बी की पावर एक पॉइंट छ एफ बी ये होता है अब देख लो तो ये होता है तो अब इसको ध्यान से देखो चुंबक के उत्क्रमण की, की आवर्ती तो आप कहोगे सर आवर्ती पर तो निर्भर करता है फलक्स का अधिकतम मूल्य पर इस पर भी करता है लोहे का आयतन और ग्रेड पर तो लोहे का आयतन भी इस पर भी और ग्रेड पर होता है ये और आयतन पर होता है इन पर भी करता है हवादार हवा के परवाह की दर पर इस पर निर्भर नहीं करता या कम से कम निर्भर करता नहीं करता है तो में सी मशीन हवादार हवा के परवाह की दर पर कम से कम पर निर्भर करता है या निर्भर नहीं करता यह समझ लीजिए इनके ऊपर सीधा निर्भर करता है चल अगला डीसी मशीन में चाल नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड पद्धति में कितनी मशीनें प्रयुक्त होती हैं डीसी मशीन में चार नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड पति में कितनी मशीनें प्रयुक्त होती है। ये बताइएगा तो आप बताओ भाई तीन होती है कौन सी कौन सी होती है मैं नाम भी बता दिया थ्री फेज इंडक्शन मोटर डीसी जनरेटर डीसी मोटर कितनी मशीनें प्रयुक्त हुई तीन और तीनों नाम बता रखे क्लियर कोई टेंशन नहीं फाउंडेशन बेच लॉन्च कब होगा खुलने पर सारे बेच लॉन्च हो जाएंगे सारे बेच स्टार्ट हो जाएंगे अगला दो सौ तीन नंबर क्वेश्चन यूनिटी लोड पावर फैक्टर पर एक वैकल्पिक मुख्य चित्रपर्वा पर आर्वेत्र प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है यूनिटी लोड पावर फैक्टर पर एक वैकल्पिक के मुख्य क्षेत्र परवा पर आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है बताइए भाई मुख्य क्षेत्र पर आर्मेचर प्रतिक्रिया का जो प्रभाव है यूनिटी लोड पावर फैक्टर पर वो क्या होता है तो वो कहलाएगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग क्या कहलाएगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग दो, दो मैग्नेटाइजिंग होता है एक होता है डाइम मैग्नेटाइजिंग एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को कहते हैं आप चुंबकीय विक्षोभ तो आपके पास क्या होता है कि जो एम एन ए MN है वो जीएनए से कुछ अंश खिसक जाता है एम एन ए जीएनए से कुछ अंश जो खिसक जाता है तो वो जो होता है हमारे पास क्रॉस मैग्नेटिक यानी कि क्रॉस चुंबकत्व की श्रेणी में आएगा क्रॉस चुंबकत्व कहलाएगा क्लियर है नेक्स्ट अगला सवाल दिष्ट धारा मोटर की दिष्ट धारा मोटर की गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली की अनुशंसा किसके लिए नहीं की जाती दिष्ट धारा मोटर की गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली की अनुशंसा किसके लिए नहीं की जाती ये बताइए भाई किसके लिए इसकी अनुशंसा नहीं की जाती है सतत गति संचालन यानी लगातार गति संचालन होता है उसके लिए इसको काम में नहीं लिया जा सकता गति जहाँ पर ज़्यादा परिवर्तन करना पड़ता है वहाँ पर इसको काम में लिया जाता है क्योंकि ये तीन तीन मशीन लगती है तो ये कॉस्टली होती है तो लगातार जो चल रही है तो उसमें इतनी सारी कॉस्ट क्यों जोड़ रही है एक ही मशीन लगा दें लेकिन जहाँ पर अत्यधिक कई बार कम गति होती है कई बार ज़्यादा गति होती है कई बार रेंज कम ज़्यादा होती है कई बार आगे पीछे करना होता है वहाँ सब जगह काम लिया जाता है सतत गति संचालन की इसकी अनुशंसा नहीं की जाती डी ऑप्शन आएगा बिल्कुल ठीक है अगला सवाल डीसी मोटर में निर्विघन गति नियंत्रण प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा निर्विघन गति प्राप्त करने के लिए कि किसी भी प्रकार से बिना बाधा रहित गति प्राप्त करने के लिए वार्ड लियोनार्ड विधि ही हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण तो विधि है ऑफलाइन क्लास की फीस कितनी है कोई भी टेस्ट नो लोड पर होता है अरे कोई भी टेस्ट नो लोड पर कैसे होगा परीक्षण तो फुल लोड पर होता है ना नो लोड पर कैसे होगा शॉर्ट सर्किट परीक्षण होगा शॉर्ट सर्किट परीक्षण पर होगा चलो ठीक अब देखना एक मिनट बात समझना तो वार्ड लियोनार्ड विधि होती है इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होती क्योंकि ये गति होती है शून्य से अधिकतम तक दोनों दिशाओं के अंतर्गत संचालित होती है तो वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि सबसे उपयुक्त विधि होती है चल हो गया भाई तो वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि हमारे पास होगी उपयुक्त अब थोड़े सवाल कर लेते हैं सवाल भी काफी करने हैं हाँ जी डीसी मोटर में गति पर नियंत्रण किसके द्वारा क्षेत्र या आर्मेचर प्रतिरोध का परिवर्तन ना करके उपयोग किया गया वोल्टेज को बदलकर प्राप्त किया जाता है सवाल है डीसी मोटर में गति पर नियंत्रण जो डीसी मोटर गति पर नियंत्रण किसके द्वारा क्षेत्र या आर्मेचर प्रतिरोध का परिवर्तन ना, तो ना करके न कोई भी प्रतिरोध का परिवर्तन ना करके उपयोग किए गए वोल्टेज को बदलकर प्राप्त किया जाता है ये बताइए भाई उपयोग करके वोल्टेज को बदलकर प्रयोग में लिया जाता है तो वो बताओ जल्दी से ध्यान से देखो अर्धचालक यंत्र विधि होगी प्रयुक्त वोल्टेज में बदलाव क्षेत्र नियंत्रण विधि या आर्मेचर होगा बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा तो आप कहोगे सर आप जब हमें प्रतिरोध नहीं बदलने दोगे तो हम वोल्टेज तो बदलेंगे तो प्रयुक्त वोल्टेज में बदलाव करके उपयोग के गए वोल्टेज को बदल कर प्राप्त किया जाता है तो डीसी मोटर में गति नियंत्रण पर प्रयुक्त वोल्टेज में बदलाव द्वारा क्षेत्रीय आर्मेचर प्रतिरोध का परिवर्तन न करके उपयोग किए वोल्टेज में बदलाव आ जाएगा तो यहां पर ऑप्शन जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा अगला सवाल गति नियंत्रण के वार्ड लियोनार्ड प्रणाली के कि किसकी गति नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है वार्ड लियोनार्ड को सबसे अच्छे से संट मोटर बस संट गए तो संट रहेगा क्योंकि यहां पर सभी नहीं तो संट है तो नहीं तो ए अगला सवाल दो स्वाट इंटरपोल का, का काम क्या होता है इंटरपोल का कार्य होता है स्पार्किंग को रोकना अब आप क्योंकि सर स्पार्किंग किसके कारण आती है कम्यूटेशन के कारण तो ये हो गया कम्यूटेटर में स्पार्किंग को कम करना कम्यूटेटर में स्पार्किंग को कम करना इंटरपोल का कार्य होते हैं इंटरपोल क्या होते हैं भाई आप कहोगे इंटरपोल होते हैं मुख्य पोल की संख्या के बराबर होते हैं पहली बात यह ध्यान रखना और दूसरा होता है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होते हैं और जो तीसरी बात होती है इन पर एक बटा तीन लपेटे लपेटते हैं मुख्य पोल की तुलना में चौथी बात होती है इंटरपोल की ये दो पोलों मुख्य पोलों के बीच में स्थापित होते हैं ये होता है इंटरपोल का ठीक है भाई अगला सवाल देखिए दो नौ नंबर सवाल देखिए ध्यान से मुख्य क्षेत्र फ्लक्स में आर्मेचर फ्लक्स के प्रभाव को क्या कहा जाता है आर्मेचर रिएक्शन मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर आर्मेचर के आर आर फ्लक्स के प्रभाव को आर्मेचर रिएक्शन ही कहेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे भाई आर्मेचर रिएक्शन कहेंगे अगला सवाल आर्मेचर प्रतिक्रिया को किस पर करंट आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है जल्दी से बताइए भाई आर्मेचर रिएक्शन को किस पर करंट आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है वो किस पर परिभाषित किया जाता है तो देखो आर्मेचर रिएक्शन को मेन फील्ड फ्लक्स पर करंट आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है यानी कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर पड़ने वाले प्रभाव को मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर पड़ने वाला जो प्रभाव होगा वही हमारे पास आर्मेचर का जो प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा मुख्य चुंबकीय पर क्लियर नहीं नई किताब अभी ऑनलाइन नहीं है नहीं भाई सही नहीं दिख रहा है तो अब नहीं दिख रहा है तो क्या करें भाई ये ऊपर है क्या तो लो देख लो अब देख लेना ठीक है भाई चलो अगला सवाल आर्मेचर प्रतिक्रिया

नेक्स्ट अगला सवाल आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा नेक्स्ट क्या है भाई आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा कुल फ्लक्स में कमी यानी टोटल फ्लक्स रिडक्शन के प्रभाव को क्या कहा जाता है आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा कुल फ्लक्स में कमी के प्रभाव को क्या कहा जाता है बताइए तो आप क्यों कैसा आर्मे रिएक्शन में कुल फ्लक्स में जो कमी होगी उसे हम कहते हैं डी मैग्नेटाइजेशन यानी कि वी चुंबकन प्रभाव जो फ्लक्स में कमी होगी वो डी मैग्नेटाइजिंग प्रभाव होगा तो फ्लक्स में जितनी कमी होगी वो प्रति चुंबकीय प्रभाव होगा कौन सा होगा प्रति चुंबकीय प्रभाव बिल्कुल सभी नए सभी नए पुराने सब में है ना जो इलेक्शन थ्योरी का जो भी कोर्स है सब में भोकाल सीरीज को एड किया गया भाई अगला ए सी पर डी सी मोटर चलाने के लिए आवश्यक परिवर्तन की पहचान करें ए सी पर चलानी है डी सी मोटर को आवश्यक पहचान क्या होगा भाई कम्युटेशन है उनका उन्मूलन का ध्यान रखना है कि कम्यूटेशन प्रभाव को हमें कम करना होगा तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि जब ब्रश एक से दूसरे पर जाएंगे तो कम्यूटेशन का प्रभाव आएगा धारा परिवर्तन की दिशा के कारण इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ेगा बाकी सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है ट्रांसमिशन चैप्टर छूट रहा है अरे वो करवा देंगे कोई कुछ नहीं छूटेगा आप चिंता मत करो चिंता आप करो ही मत मेरी चिंता आप मैंने आपको कहा था पहले दिन जो चीज़ आएगी आराम से आएगी बड़ी शानदारी आ रही है आ रही कि नहीं आ रही है ये बता दो आप जैसे अभी लास्ट में आए थे मापे यंत्र थोड़े लेट आए थे लेकिन कितने आए थे कितने अच्छे से आए थे ये देखिएगा मोटर कितने अच्छे से आई है अब जनरेशन चल रहा है तो जनरेशन नहीं हमने दो तीन जनरेशन किया उनको बड़े अच्छे से किया तो आज हम न्यूक्लियर को करेंगे वो भी बड़े अच्छे से करेंगे कोई ट्रांसल लेने की जरूरत ही है थी नहीं है ठीक है ना डीसी मशीनों में कंपनसेशन वाइंडिंग का उद्देश्य किससे न्यूट्रलाइज करना होता है डीसी मशीनों में कंपनसेशन वाइंडिंग किसका उद्देश्य किसको न्यूट्रल कंपनसेंडिंग वाइंडिंग का उद्देश्य होता है कि आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव हमारे पास कहाँ पर आता है तो ये दे दिया इंटरपोल कम्युनिटी पोल, पोल फोरनेस पर तो पोल फोर्सेज पर पोल के ऊपर जो है वहां पर जो आर्मेचर रिएक्शन आएगा उसको न्यूट्रलाइज करना होता है तो उसका न्यूट्रलाइज करना था इसलिए आर्मेचर के श्रेणी क्रम एक अतिरिक्त वाइंडिंग जोड़ी जाती है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ी जाती है और वो हमारे पास होती है कंपनसेशन वाइंडिंग ये होती है कंपनसेशन वाइंडिंग क्लियर अगला सवाल। इंटरपोल का मुख्य कार्य धारा डीसी मोटर के भारी लोड होने पर ब्रश और दिख परिवर्तन कंप्यूटेटर के बीच को कम करना है इंटरपोल का कार्य जो डीसी मोटर के लोड पर ब्रश और कंप्यूटेटर के बीच क्या होता है उसको कम करता है इनके बीच होती है स्फुलिगन इस स्फुलिंग को कम करने के लिए काम लिया जाता है इस वर्ड को ध्यान रखना तो जो हमारे पास से अंतर दूर का जो इंटरपोल होता है इनके बीच में स्पुलिंग होता है जिसके कारण क्या होता है कि हमारे पास जो कार्बन का ब्रश होता है एक खंड से दूसरे खंड पर जाता है धारा की दिशा होती है उसके कारण स्पुलिंग होता है उसको दूर करने के लिए उसको कम करने के लिए इंटरपोल का काम लिया जाता है जिससे इस पार्किंग नहीं हो लेप वाइंडिंग में समांतर पत्तों की संख्या सदैव क्या होती है लेप वाइंडिंग में समांतर पत्तों की संख्या सदैव पोलों की संख्या के बराबर होती है तो पोलों की संख्या के समान होती है और जो पोलों की संख्या के समान होती है तो यहां धारा अधिक होती है कम विद्युत वाहक बल वहां पर इसको काम में लिया जाएगा क्लियर है अगला सवाल दो नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा डीसी मोटर ड्राइव ज़्यादातर कितने क्वारेंट में स्व संचालित कर सकते हैं जो डीसी मोटर ड्राइव होते हैं कितने क्वारेंट में संचालित करते हैं तो डीसी मोटर ड्राइव सभी क्वारडेंट में संचालित कर सकते हैं आप किसी भी एंगल पर जीरो से नब्बे नब्बे से एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी से दो सौ बीस किसी पर घुमाओगे मतलब एक सौ अस्सी से दो सौ सत्तर दो सौ सत्तर से तीन सौ साठ किसी भी एंगल पर घुमाओगे सब में हो जाएगा निम्नलिखित में से किस उपकरण के लिए सबसे कम रेटिंग की मोटर की आवश्यकता होती है पूछा है निम्नलिखित में से किस उपकरण के लिए सबसे कम रेटिंग की मोटर की आवश्यकता होती है घरेलू मिक्सर ग्राइंडर बिजली की घड़ी टेबल फैन या सिलाई मशीन बताइए किस उपकरण के लिए सबसे कम रेटिंग की मशीन की आवश्यकता होती है सबसे कम रेटिंग मशीन है तो आपको सब बिजली की घड़ी होती है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वॉच होती है इसमें हमें ज्यादा रेटिंग कहां चाहिए होती है ग्राइंडर में फैन में सिलाई मशीन में टॉर्क भी ज्यादा चाहिए यहां क्या चाहिए बी ऑप्शन मोटर चालू करते समय अगर कोई डीसी मोटर झटक कर चालू हो तो इसका क्या कारण हो सकता है यदि डीसी मोटर कोई है वो झटक कर चालू हो तो क्या कारण हो सकता है लाइन वोल्टेज बहुत अधिक है या फील्ड वायरिंग का शॉर्ट सर्किट है या टर्मिनल इस्टार्ट के संपर्क में है या कार्बन ब्रशों का गलत ग्रेड है या ओपन सर्किट है बताइए भाई क्या होगा तो यहां पर स्टार्टर जो टर्मिनल है वो आपस में शॉर्ट सर्किट हो रखे हैं यानी कि पीटेड स्टार्ट टर्मिनल के संपर्क में है और स्टार्ट टर्मिनल के संपर्क में आने के कारण क्या होगा वो स्टार्टिंग वाला पूरा प्रतिरोध काम में नहीं लिया जा रहा है जिसके कारण कम प्रतिरोध काम आ रहा है धारा अचानक से ज़्यादा आएगी तो एकदम झटका आएगा और यदि मान लो पूरा प्रतिरोध काम आता है तो झटका नहीं आता स्मूथली चालू होगी जैसे जैसे हम प्रतिरोध को कम करते जाएंगे गति बढ़ती जाएगी तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा और आज का अंतिम प्रश्न आपने देखा कि मोटर चालू करते समय डीसी मोटर झटके से चालू होती है। इसका क्या कारण हो सकता है वापस यही सवाल है आपने वापस देखा क्या इसके झटके से चालू हो रही इसका क्या कारण है काफी उच्च लाइन वोल्टेज शॉर्ट सर्किट या थी स्टार्ट का टर्मिनल से संपर्क या गलत ग्रेड का कार्बन ब्रुश मैंने वापस वही क्या था स्टार्ट होता है उसके टर्मिनल से जो संपर्क हो जाता है डायरेक्ट जिसके कारण पूरा स्टार्ट पूरा प्रतिरोध काम में नहीं आता है तो उस कारण ये दिक्कत हो सकती है साइंस के लेक्चर ऐड करो अच्छा साइंस के लेक्चर को कम है तो हम ऐड कर देंगे चलो ठीक है भाई तो गर्ती थी स्टार्टर का टर्मिनल से संपर्क इस प्रकार है यदि हम पूरा हमारे पास प्रतिरोध है वो प्रतिरोधक यदि हमारे पास कुछ भाग उसका कम हो जाता है वो पूरा स्टार्टर वाला प्रतिरोधक कम भाग हो जाता तो एकदम धारा ज़्यादा आएगी झटका आ जाएगा इस कारण हो रहा है निम्नलिखित में से क्या भंवर धारा का एक अवगुण होता है यह है जो बताइए इनमें से भंवर धारा का अवगुण क्या भंवर धारा मतलब एडी करंट एडिकरंट एडिकरंट लोसेज होता है उस एडी एडिक्रंट लोसेज का हमारे पास अवगुण क्या होता है एडी करंट लोस होता है कहा होता है में होता है ये हानि कहाँ पर होती है तो आपको ये हानि कोर में होती है तो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप होता है क्या आप क्योंकि नहीं वोल्टेज ड्रॉप की कंडीशन नहीं है निम्न शक्ति गुणा का कारण नहीं है निम्न शक्ति गुणा तो वहां देखना जहां पर हमारे पास इंडक्टर का गुण रहेगा इंडक्टर कनेक्ट करोगे तो वह निम्न शक्ति गुणा का कंडीशन आएगी अनावश्यक उष्मा बिल्कुल कोर से जब हमारे पास धारा टकराएगी तो एक नई उष्मा पैदा होगी वो बेफालतू की उष्मा होगी जो कोर में हानि होने वाली है तो ये हमारे पास भंवर धारा है अनावश्यक उष्मा और इस अनावश्यक उष्मा को हम कम करने के लिए भी हम क्या करते हैं लेमिनेशन करते हैं लेमिनेशन से भंवरदार हानि कम हो जाती है लेमिनेशन से भंवरदार हानि कम हो जाती है कोर के अंदर दो प्रकार की हानि होती है एक होती है एडिकर्ड एक होती है हिस्ट्रेसिस हिस्ट्रेसिस जो लोसेज होते हैं वो हमारे पास चुंबकन और विचुंबकन प्रभाव के कारण होते हैं और ये होते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का कोर से टकराने के कारण होता है तो चुंबकीय फ्लक्स कुछ कोर के अंदर चला जाएगा तो उसमा पैदा करेगा तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्लियर अगला सवाल देखना भाई सभी साथी ध्यान से और ये सवाल है ना देखो सवाल सही है उत्तर भी सही है लेकिन आप इसका उत्तर थोड़ा सा बताओगे वो अलग तरीके से बताओगे बात आपकी भी ठीक रहेगी ये हिंदी और इंग्लिश का लफड़ा है इसमें ये सवाल टेक्निकल हेल्पर 2014 में आया था भारी वर्षा के कारण कोई मोटर पूर्णतः भीग गया है इस मोटर को चालू करने के पूर्व इसे शुष्क करना आवश्यक है तो शुष्क कैसे करोगे शुष्क कैसे करोगे तो बोर्ड ने विभाग ने आंसर दिया है चूल्हे में रखकर आप कहोगे सर चूल्हे में रखकर करेंगे चूल्हे में रखने पर तो झल जाएगी लेकिन इंग्लिश में ठीक था इंग्लिश में लिखा था ओवन में रखकर कीप इन ओवन कीप इन ओवन था तो ओवन का था इस कारणवा डी था यदि वो ओवन नहीं होता वो भी हमारे पास इस प्रकार सिंपल चूल्हा बनाता हम जानते हैं कि ओवन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं एक होता है इलेक्ट्रिक हीटेड ओवन एक होता है माइक्रोवेव ओवन दोनों प्रकार के हमारे पास ओवन होते हैं ओवन में रखने पर क्या होता है कि जो नमी होती है वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है पूरी पूरी नमी को ये सोख लेता है तो यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन रहती है यदि मान लो ये हिंदी में पढ़ना होता तो हिंदी में ज़्यादातर विद्यार्थियों ने क्या आंसर दिया था एयर बुलर का प्रयोग करके गर्म हवा को फूंक जो बालों को सूखाते ना तो बालों को सुखाने वाले से जो हेयर ड्रायर होता है उसे करेक्ट है उस ड्रायर को यदि आप उसके ऊपर से करोगे घुमाओगे तो वो पूरा पूरा उसको क्या करेगा सुखा देगा तो यहां पर आंसर जिन्होंने भी हिंदी में पढ़ा वो आंसर सी दिया था आंसर सी देना उनका सही था विभाग ने इसका आंसर ये माना था इंग्लिश के कारण माना था ये ओवन में रखकर ये कारण था कीपिंग इन ओवन तो कीप इन ओवन देगा वाइंडिंग में करते ना वाइंडिंग करते हैं भाई इन एक पेपर का यूज वाइंडिंग करते हैं चलो 223 नंबर सवाल आप यहां पर देखना ध्यान से कि किसी मोटर को पुनः लपेटना है तो जिसका संचालन तापमान 130 डिग्री सेल्सियस है आप किस इंसुलेटिंग पदार्थ का चयन करेंगे तो हमने देखा था ये बॉयफ्रेंड है चार्मी ये देखा था ट्रिक ये बॉयफ्रेंड है चार्मी बिल्कुल सही बात है सी ऑप्शन नहीं देना चाहिए था सी ऑप्शन गड़बड़ था वहाँ क्योंकि सी आंसर ही कर रहे थे वहां पर सभी विद्यार्थी पिछले वाले में वा। ये बॉयफ्रेंड है चार्मी ये कितने पर आएगा नब्बे पर ये 105 पर ये 120 पर ये 130 पर ये 155 पर ये 180 पर ये 200 एंड 220 पर तो हमारे पास कैटेगरी कौन सी है ये 130 सौ बी कैटेगरी बी में हमारे पास अब्रक भी आता है फाइबर ग्लास भी आता है अब्रक भी आता है फाइबर ग्लास भी जा रहा है अब्रक और फाइबर ग्लास दोनों आते हैं तो हमारे पास अब्रक है केवल फाइबर लिखा फाइबर ग्लास और अब्रक फाइबर ग्लास और अबरक दोनों आते हैं तो यहां पर हम अबरक को करेक्ट करेंगे जो कि बी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं एक डिग्री सेल्सियस में ठीक है माइका नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यदि सेंट्रीफ्यूगल पंप मोटर सेट के लिए पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए प्रयुक्त कैपेसिटर हटा दिया जाए तो क्या होगा यदि सेंट्रीफ्यूगल पंप मोटर में सेट के लिए पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर होता है उसको हटा दिया जाता है कैपेसिटर को समांतर क्रम में क्यों करते हैं ताकि पावर फैक्टर में वृद्धि हो अब आपने इस कैपेसिटर को हटा दिया तो क्या होगा लाइन करंट कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी लाइन करंट बढ़ जाएगी तो इस कंडीशन में हमारे पास होता है लाइन करंट बढ़ जाती है वोल्टेज घट जाता है लाइन करंट बढ़ जाती है वोल्टेज घट जाता है जब हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए लगा हुआ कैपेसिटर को हटा देते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाएगा अन लाइन करंट बढ़ जाएगी और वोल्टेज घट जाएगा आशीर्वाद से नौकरी मिल जाएगी बिल्कुल 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 जरूर मिल जाएगी सर चलो ठीक है अगला सवाल अगला है मोटर से असंबंध प्रोटेक्शन का पता लगाइए ये तो आपके बुक में थोड़ा आंसर इसमें गड़बड़ दिया है देखो मोटर में ओवरलोड होता है ओवर करंट होता है रोटर लॉक्ड हो जाता है अर्थ में फाल्ट डाल जाती है लेकिन बकोज रिले मोटर में नहीं होता है ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में होता है तो इसका आंसर है वो डी होना चाहिए आपके ए दिया हुआ था उस बुक में करेक्ट कर लेना इसको डी कर लेना भाई बकोज आपकी आवाज खराब हो रही है अरे आप हिम्मत रखो मैं हिम्मत रखे आये हो ना तैयार होके आयो हिम्मत रखे आयो तो एक क्लास तो ले लूंगा चलो ठीक है बिल्कुल डी सही हो गया नेक्स्ट सवाल है अगला सवाल इचिंग ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या होता है यह मोटर के अंदर होता है इचिंग ऑपरेशन होता है उसका दूसरा नाम होता है जोगिंग ऑपरेशन इचिंग ऑपरेशन का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है तो इचिंग ऑपरेशन का दूसरा नाम होता है जोगिंग ऑपरेशन जो हमारे पास किसी भी वैद्युती उपकरण को परिचालन के लिए उसकी स्थिति को जांच करना कहलाता है तो जोगिंग ऑप्शन होगा ठीक है ऊपर लेना भाई और सर अच्छा संडे के टेस्ट का सॉल्यूशन ओके जी ठीक है देखेंगे इसका भी शायद तक तो मुश्किल है आ तो हम नहीं करा पाएंगे आ तो ये रेगुलर सीरीज को लेने के लिए ही आया हूं मैं थोड़ा सा कल दोपहर से ऊपर नीचे चल रही थी तबीयत जो काम के कारण एक बार एक दो दिन के लिए थोड़ा शरीर टूट जाता है उसके बाद सही हो जाता है डीसी मोटर की ओवर मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण होती है ओवर यानी कि डीसी मोटर है वो ज्यादा गर्म हो रहा है तो डीसी मोटर ज्यादा गर्म किस कारण से होगा ये आपसे सवाल पूछा गया है ढीले भागों के कारण या ब्रश की अनुपस्थिति के कारण या खुरदरा कम्यूटेटर के कारण या ओवरलोड के कारण किसके कारण होगा ढीले भागों के कारण या ब्रश की अनुपस्थिति के कारण या खुरदरा कम्यूटेटर के कारण या ओवरलोड के कारण बताइए भाई जल्दी से ओवर हीटिंग बिल्कुल सही बात ओवर हीटिंग किसके कारण होगा ओवरलोड के कारण होगा ब्रश की अनुपस्थिति होगी ब्रश यदि नहीं होंगे तो हीट हो गई ही नहीं ब्रश भी तो हीट करता है इस पार करता है ढीले भागों के कारण हीटिंग होती है की होती है लेकिन ओवर हीटिंग का मुख्य कारण नहीं होता है पार का कारण हो जाता है पार का मुख्य कारण हो जाते हैं, लेकिन ओवर हिटिंग का मुख्य कारण यह नहीं होता है खुरदरा कम्यूटेटर खुरदरा कम्यूटेटर का मतलब है कम्यूटेटर है कम्यूटेटर वो खुरदरा इसके ऊपर ब्रश घिसेगा ज्यादा होगी तो इस स्पार्किंग तो का कारण होता है ही ही इसके कारण इफेक्ट आ सकता है लेकिन सबसे ज्यादा हिटिंग ओवरलोड के कारण हो जाता है अगला सवाल नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अनुसार मोटर लोड के लिए ओवरलोड रिले सेटिंग कितनी होनी चाहिए 125 परसेंट फुल लोड कर इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 25 परसेंट लोड अतिरिक्त आ जाए तब तक हमारे पास ये मोटर चलते रहनी चाहिए यानी कि रिले की सेटिंग यहाँ तक रहनी चाहिए इस 25 परसेंट लोड अतिरिक्त जाए उससे ज़्यादा यदि लोड आ जाए तो ये मोटर हमारे पास रिले के द्वारा बंद हो जाएगी तो हमारे पास उसके जो फुल लोड है उससे 25 परसेंट हाई लोड हो जाएगा तब तक ये चलेगी तो यह बी ऑप्शन करेक्ट है अगला सवाल कौन सा मोटर आमतौर पर कम हॉर्स पावर के लिए अनुप्रयोगी है कौन सा मोटर आमतौर पर कम हॉर्स पावर के लिए संट सीरीज इस तरह चुंबक देखो कि आप जानते हो कि हमारे पास जो डीसी मोटर होती है वो दो प्रकार की होती है डीसी मोटर आप देख हो दो प्रकार की कौन सी कौन सी है एक तो हमारे पास विद्युत चुंबक होती है एक होते उत्तेजना प्रणाली उत्तेजना प्रणाली के कारण तो सीरीसंट और कंपाउंड आ जाएगी और एक होती है विद्युत चुंबक विद्युत चुंबक वाली क्या होती है उसमें एक चुंबक स्थायी रूप से रहता है स्थायी स्थायी चुंबक होता है उसकी चुंबकशीलता भी कम होती है उसका सामर्थ्य भी कम होता है और बाकी इन सीरी सन्ट और यौगिक में क्या होता है अस्थायी चुंबक होता है उसकी सामर्थ्य ज्यादा होता है शक्ति भी ज्यादा होती है तो ये ज्यादा के लिए ज्यादा पावर के लिए अनुप्रयोगी है और ये हमारे पास कम पावर के लिए उपयोगी स्थायी चुंबक इस प्रकार स्थायी चुंबक के जैनित्र भी होते हैं उन्हें हम डायनेमो कहते हैं यानी कि यहाँ पर ये पहले से एक चुम्बक के क्षेत्र का निर्माण करके रखेंगे लेकिन स्थायी चुंबक के द्वारा जो चुम्बक के क्षेत्र का निर्माण किया जाता है वो हमारे पास जो चुम्बक के क्षेत्र निर्माण होता है वो हल्का होता है या कम होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है ये ध्यान रखना व्यवहारत पुण्य योजी आरोधन का उपयोग दिष्ट धारा मोटर में कब किया जाता है व्यवहारत पुण्य योजी आरोदन का उपयोग दिष्ट धारा मोटर में कब किया जाता है जब भार में प्रत्यावस्थान विशेषता होती है जब अन्य विधियों का उपयोग नहीं किया जा सकता हो जब लिफ्ट वेलन मील और प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि को नियंत्रित करना हो या जब त्वरित मोटर प्रयास वांचित हो तो बताओ कब किया जाता है जब लिफ्ट वेलन व्हील और प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि को नियंत्रित करना हो या त्वरित मोटर प्रयास वांचित हो बताइए क्या होगा जल्दी से सबका ए ऑप्शन आ रहा है समझ से बाहर है परमोदन अच्छा पुण्य योजी आरोधन यानी कि वापस इसको यूज में लेने वाला है तो वही वार्ता पूर्ण योजी आरोधन का उपयोग दिश धारा मोटर में कब किया जाता है जो वापस लेने काम में लिए जाने योग्य हमारे पास जो कुचालक है जो धारा के बलों में आरोधन रुकआउट है उसका उपयोग दिश धारा मोटर में कब किया जाता है जब बार में प्रत्यावस्थान विशेषताएं होती है यानी कि जब बार में हमारे पास परिवर्तन की कंडीशन आती है जब बाहर में परिवर्तन की कंडीशन आती है तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है आरोधन का यानी कि जब हमारे पास ज्यादा परिवर्तन कंडीशन आती है उस समय काम लेने उसके बाद में इसको काम में नहीं लेना होता है यह लिफ्ट वेलन मिल प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि ए नियंत्रित करना हो नियंत्रित करना हो तो हमारे पास कंपाउंड मोटर होता है और यह कंपाउंड के बारे में बात नहीं कर रहा अभी सी नहीं होगा ए ही होगा ये देखो कि एसी मोटर का सवाल आ गया विभक्त फेज मोटर में चालक कुंडी में क्या होता है स्प्लिट फेज में हमारे पास दो वाइंडिंग होती है एक होती है हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग एक होती है रनिंग वाइंडिंग यह सवाल दे दिया तो मैं यह इसको यहीं सॉल्व करवा देता हूँ एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है एक होती है रनिंग ये वाइंडिंग हमारे पास स्टार्टिंग कहलाती है और ये वाइंडिंग कहलाती है रनिंग रनिंग वाइंडिंग होती है ये मेन वाइंडिंग होती है रनिंग वाइंडिंग क्या होती है मेन वाइंडिंग होती है मेन वाइंडिंग होती है इसका इंडक्टेंस का मान उच्च रखना चाहिए तो एल तो क्या रखोगे आप उच्च रखोगे और आर क्या होगा निम्न होगा और यहां पर आओगे तो इसका स्टार्टिंग इस क्या होगा एल है वो निम्न हो जाएगा और आर है वो उच्च हो जाएगा ये है तो ये अपने एल आर का तो आर एल उच्च हो जाएगा और आर निम्न हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चलो ठीक है भाई वाराणसी ठीक है सिंगल फेज दिष्ट धारा चालन में असतत आर्मेचर धारा द्वारा कैसा परिणाम प्राप्त होता है सिंगल फेज है दिष्ट धारा चालन में अतत आर्मेचर धारा द्वारा यानी कि आर्मेचर धारा एक कंटिन्यूस नहीं है तो डिसकंटिन्यू आर्मेचर धारा द्वारा कैसा परिणाम होगा कम हानि निम्न आर्मेचर वर्ड कमजोर गति नियमन या निम्न उर्मिका तो आपके कमजोर गति रेगुलेशन होगा यानी कि नियमन का मतलब होगा रेगुलेशन लो स्पीड रेगुलेशन होगा भाई ज्यादा स्पीड इस इससे हो नहीं सकती उर्मिका का होता है रिपल निम्न रिपल यानि रिपल जो है वो कम है रिपल का मतलब होता है कि पी को छूने वाला ऐसे ऐसी मान जो पी को छूता है वो होगा तो ये नहीं होगा यहां पर हमारे पास कमजोर स्पीड रहेगी स्पीड कम रहेगी रहे दिष्ट धारा चालन में ऐसा एकल फेज दिष्ट धारा चालन में ऐसा धारा द्वारा कैसा परिणाम होगा तो परिणाम सिंपली है कि गति हमारे पास क्या होगी कमजोर होगी कम गति होगी अगला क्वेश्चन है हमारे पास 233 नंबर ध्यान से देखिएगा मैंने आपको तक जैनेत्र पढ़ा था उस समय पढ़ा दिया था कि किसी डीसी मोटर पर वी वोल्टेज लगा बे की एम एफ तो अधिकतम पावर तभी बढ़ेगी जब हमारे पास बेमएफ का मान वी बाई टू हो वोल्टेज का आधा हो आपको यह हो सकता है वी बराबर टू ई बी हो दोनों में से कोई सा भी आ सकता है तो बराबर क्या होगा भाई वी बाई टू यह ध्यान रखना और मैंने पढ़ा भी रखा है इसके बारे में पूरा इन्हीं क्लासों में ये सवाल सोल्व करा था उस समय भी आया था सवाल तब भी मैंने सोल्व कराया था चलो अगला सवाल दिष्ट धार्य, दिष्ट धारी मोटर में प्रवर्तक स्टार्टर का उद्देश्य क्या है आप स्टार्टर काम में लेते ना दो बिंदु तीन बिंदु चार बिंदु स्टार्टर काम में लेते हो तो स्टार्टर काम में लेने का क्या कारण है यह बताइएगा मोटर को अति भार से सुरक्षित करना, करना होता है क्या या है, या या वाहक बल बल बढ़ाना बढ़ाना है है अधिक स्टार्टर प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना है स्टार्टर के बारे में आप जानते हो कि स्टार्टर में जब प्रयोग करते हो तो प्रयोग करते क्यों एक परिवर्तित प्रतिरोध है परिवर्तित प्रतिरोधित तो काम में लेते हो जो परिवर्तित प्रतिरोध आप वहां पर काम में लिया जाता है इस प्रकार जैसे जैसे गति बढ़ती है उसके प्रतिरोध को मान को हम क्या करते हैं को जाते हैं मान है ना कम होता जाता है चलो यहां तक तो आपको सिंपल मामला रहा है ये हमने क्यों काम में लिया क्योंकि यहां पर सीरीज में प्रतिरोध जोड़ा आर आर्मेचर था उसका प्रतिरोध कम था इस कारण अचानक से धारा दार, ज्यादा प्रभावित हो रही थी उस धारा को नियंत्रित करने के लिए आर्मेचर के श्रेणी में एक परिवर्तित प्रतिरोधक जोड़ा जिसे आर्मेचर धारा को नियंत्रित कर लिया जाता है और उसके बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाती है तो विरोधी विद्युत उत्पन्न होने लग जाता है और होने लग जाए तो उसके बाद में आपके पास में ये प्रतिरोध कम कर दोगे तो अभी कोई असर नहीं पड़ेगा ठीक है भाई अगला दो सौ पैंतीस नंबर क्वेश्चन मोटर के चलते समय उसके त्वरित होने में देरी का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है मोटर के चलते समय उसके त्वरित होने में देरी त्वरित होने का मतलब उसका स्पीड पकड़ता है ना तो एक बार इस प्रकार तेजी से चलता है तो त्वरित होने में देरी होने का कारण इनमें से क्या नहीं है अधिक लोड होगा तो त्वरित में देरी होगी ये तो कारण है मेन वोल्टेज कम होगा तो भी तो त्वरित में देरी होगी दोषपूर्ण पॉइंट होगा तो भी त्वरित में देरी होगी दोषपूर्ण संपर्क पॉइंट और दोषपूर्ण पॉइंट अब इन्होंने दोनों इस प्रकार के दिए हैं दोषपूर्ण संपर्क पॉइंट यदि होते हैं यानी कि कनेक्शन पॉइंट होते हैं तो वहां पर इस पार का सकता है या चलेगी नहीं यहां तो स्पार्किंग आएगी या चलेगी नहीं धीमे धीमे चलने वाली कंडीशन ये नहीं लाएगा ये धीमे धीमे चलने वाली कंडीशन नहीं लाएगा तो सी ऑप्शन है भाई। चलो अगला सवाल देखते दो सौ छत्तीस नंबर क्वेश्चन कंपन करने वाली मोटर के दोष का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है एक मोटर है वो कंपन कर रही है, वाइब्रेट कर रही है उसमें दोष है तो बताइए इसमें दोष का कौन सा कारण नहीं है कमजोर नीव है तो कंपन हो सकता है बिल्कुल दोष का कांड हो सकता है अपसरेंकित मीटर है बिल्कुल यानी कि एक लीनियर मीटर नहीं है जो है यह ढलान में तीर्थ उस प्रकार है तो भी हो सकता है युक्त बेरिंग होगा तो बेरिंग यदि खराब हो जाता है तो मशीनों को झटका लगने लग जाता है ना तो भी वाइब्रेट करेगी लेकिन यदि अर्थिंग खराब होगी तो करंट प्रवाहित हो सकता है झटका आ सकता है लेकिन मशीन कभी वाइब्रेट नहीं करेगी तो ऑप्शन सी सही है ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा भाई सी ऑप्शन करेक्ट आएगा किसी उद्योग में तीन फेज मोटर लोड और प्रकाश लोड तीन फेज में एस असंतुलित तौर पर वितरित है उद्योग को तीन फेज चार वायर सिस्टम द्वारा पावर की सप्लाई दी जा रही है टीपीएन यानी ट्रिपल पोल न्यूट्रल स्विच फ्यूज द्वारा नियंत्रित है यदि न्यूट्रल लिंक ढीला हो और आगम सप्लाई का न्यूट्रल चालक इस व्यवस्था से होकर जाए तो निम्नलिखित में से क्या होगा बाकी सब ठीक है न्यूट्रल का वायर है वो ढिला है न्यूट्रल का वायर ढिला है तो पूछ रहा है कि बताओ क्या होगा यदि न्यूट्रल का वायर ढिला है तो बताओ क्या होगा मोटरें ठीक ठाक चलेगी लेकिन सभी लैंप नहीं जलेंगे क्या यह कंडीशन हो सकती है क्या लैंप नहीं जलेगी मोटर जलेगी मोटरें ठीक ठाक चलेगी सभी लैंप मंद प्रकाश देंगे दूसरे मोटर ठीक ठाक चलेगी लेकिन सभी लैंप अधिक प्रकाश देंगे मोटरें ठीक ठाक चले कुछ लैम्प मंद प्रकाश दें कुछ अधिक प्रकाश देंगे यहां तक कि फ्यूज हो सकता है ये आपको आपको कंडीशन है। चलो, आपको देख मोटर तो सबसे ठीक ठाक ही चलेगी लैंप के साथ ऊपर नीचे किसी उद्योग में तीन फेज मोटर लोड और प्रकाश लोड तीन फेज में असंतुलित तौर पर वितरित है तीन फेज मोटर लोड और प्रकाश लोड असंतुलित

हमारे पास कम भी प्रकाश दे सकते हैं ज्यादा भी दे सकते हैं फ्यूज भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेम्ब के बारे में टिप्पणी कर ही नहीं सकते केवल ठीक है तीन को चार से जोड़ा तो एक न्यूट्रल हो गए ना भाई इसलिए डी करेंगे फ्यूज होगा हम कैसे बता सकते हैं तो इसलिए आपका डी ऑप्शन होगा कुछ भी कंडीशन हो सकती है तो डी ऑप्शन उपयुक्त रहेगा अगला सवाल आर्द्र स्थिति में मोटरों को ढकने के लिए के गहरा को सुझाव दिया जाता है आदरता स्थिति है तो मोटरों को ढकना है मोटरों को ढकने के लिए किस प्रकार का आपको सुझाव दोगे छलकावरोधी यानी स्प्लेस प्रूफ टोटली इनको पूरी तरह से बंद प्रकार का रिसावरोधी ड्रिप प्रूफ और संरक्षित प्रकार प्रोटेक्ट टाइप तो आप क्या रिसावरोधी जब हमारे पास आदर या नमी को नमी से ढकना है नमी से ढकना है हमारे तो पास ड्रिप प्रूफ होना चाहिए रिसाव नहीं होना चाहिए नमी अंदर जानी नहीं चाहिए तो आप पूर्णतः नमी जा रही बताएगा ना तो नमी अंदर नहीं जानी चाहिए अगला सवाल जोगिंग ऑपरेशन को और क्या कहते हैं आप जानते होंगे ना जोगिंग ऑपरेशन को और क्या कहते हैं अभी थोड़ी देर पहले सवाल आया था जोगिंग ऑपरेशन को इंचिंग ऑपरेशन और क्या कहते आपने कहा था जोगिंग अब ये जोगिंग को क्या कहते हैं इंचिंग कह देंगे तत्काल उत्क्रमित करने के द्वारा किसी मोटर के अचानक बंद होने तक को क्या, क्या कहा जाता है तत्काल उत्क्रमित यानी कि स्पीड से एकदम बढ़ना द्वारा किसी मोटर के अचानक बंद होने तक को क्या कहा जाता है अचानक बंद होने तक को क्या कहा जाता है प्लोगिंग इसको हम क्या कहेंगे प्लोगिंग हमारे पास क्या होगा मोटर तत्काल उत्क्रमित के करने के द्वारा किसी मोटर के अचानक बंद हो जाए यदि हम किसी में तत्काल है एकदम हाई पावर दे दी या हाई कुछ दे दिया चीजें जिसका मोटर अचानक से बंद हो जाए तो इसे कहते हैं प्लगिंग तो प्लगिंग के द्वारा होगा बी ऑप्शन अगला है दो सौ इकतालीस नंबर सवाल बिल्कुल स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे भाई क्रोलिंग नहीं है वो वाइब्रेशन वाला आएगा चलो मोटर का शक्ति गुणा अपेक्षाकृत अधिक होता है कब मोटर का शक्ति गुणाक अपेक्षाकृत अधिक होता है किस में अपेक्षाकृत ज्यादा होगा ये बता रहा है प्रतिरोध विभक्त फेज में ये एसी का सवाल है नहीं सेडेड में बिल्कुल नहीं एक एक कैपेसिटर परिवर्तित यानी कि हमारे पास कैपेसिटर के द्वारा हमारे पास स्टार्ट हो रहा है यह कैपेसिटर चलित है संधारित्र चलित बताइए भाई यदि टॉर्क ज्यादा कहता तो आप कहते हैं सही स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा तो टॉर्क ज्यादा होगा टॉर्क ज्यादा होगा लेकिन हमें पूछा शक्ति गुणांक शक्ति के लिए उसका शक्ति गुणांक ज्यादा होता है जिसके समांतर में एक कैपेसिटर जुड़ा रहता है जिसके समांतर क्रम में कैपसेट जुड़ा रहता है उसका शक्ति गुणा क्या होता है ज़्यादा होता है तो ये हमारे पास संधारित प्रचलित है तो इसका हमारे पास क्या होगा ज़्यादा होगा डी ऑप्शन शक्ति गुणा का पूछा है टोर का पूछा में सी कर देता है कैपसेट स्टार्ट मोटर यू आर बेस्ट टीचर सर ओके सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही सर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें बिल्कुल ध्यान रख रहा हूँ लेकिन क्या है कि सर्दियाँ जिस आ रही है तो कुछ हो जाता है एकदम मौसम परिवर्तन के कारण प्रत्येक उत्तेजना तो के लिए किस प्रकार के उत्तेजना के उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता यह बताइए उत्तेजना के के लिए किस प्रकार उत्तेजना उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता सोलर का डीसी जनरेटर का डीसी का स्टोरेज बैटरी बता का बताइए किसका नहीं किया जाता है प्रत्येक उत्तेजना के लिए किस प्रकार के उत्तेजना उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता आप क्या तक तो उतेजना प्रणाली में डीसी जनरेटर स्टोरेज बैटरी रेक्टिफाइड डीसी इन सब का प्रयोग किया जाता है सोलर का प्रयोग नहीं किया जाता है सोलर प्रयोग कैसे करोगे ना पता चलेगा कि अभी बादल है मोटर चालू नहीं होगी है तो उतना प्रणाली प्रयोग कैसे लोगे पर तो उतरे अगला सवाल अगर सीरीज मोटर का फील्ड कनेक्शन टूट गया है तो क्या होगा फील्ड कनेक्शन है और वो फील्ड कनेक्शन आपका सीरीज मोटर का टूट गया है तो अब बताओ क्या होगा ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आपको ठीक प्रकार से काम करे रुक जाएगी जल जाएगी भयावह गति प्राप्त करेगी ज़्यादा स्पीड से चलने लग जाएगी इसकी स्पीड क्या हो जाएगी अचानक से ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि सीरीज मोटर का यदि फील्ड कनेक्शन टूट गया है तो ये असंतुलित होकर बहुत फास्ट स्पीड से चलेगी क्योंकि फील्ड कनेक्शन टूटने पर ये नो लोड की कंडीशन में आएगी नो लोड की कंडीशन में आने पर ये इसकी बहुत तेज़ गति होगी दूसरे तरीके से ये देख सकते हैं एन समानुपाति ई बी बटाफाई यदि फील्ड कनेक्शन टूट गया तो फील्ड का मान हो गया जीरो तो यह हो जाएगा बहुत ज्यादा यही होगा भाई यह देख लीजिए ध्यान से अगला सवाल आर्मेचर की प्रतिक्रिया और संतृप्ति नगण्य मानते हुए डीसी सीरीज मोटर के स्पीड टॉर्क अभिलक्षण की आकृति क्या होगी सवाल आपको क्या करा है आर्मेचर की प्रतिक्रिया और संतृप्ति नगण्य मानते हुए डीसी सीरीज मोटर के स्पीड टॉर्क के अभिलक्षण की आकृति क्या होगी यह आपसे पूछा जा रहा है जल्दी से बताइए अति पुरल्य होगी गोलाकार होगी लंब गोलाकार होगी या सीधे रकम होगी आर्मेचर का रिएक्शन और संतृप्ति नगण्य मान लेते हैं तो सीरीज मोटर के स्पीड टॉर्क अभिलक्षण की आकृति क्या होगी स्पीड टोर्क अभिलक्षण की आकृति हमारे पास अति परवलय होगी हाइपर बोला ऑप्शन है ना लीनियर कैसे होगी सीधी लीनियर सेंटर होती है लीनियर सीरीज का है भाई सीरीज ये हो गया ना परिवहन वाहनों में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है अपने पास परिवहन वाहन प्रयोग करते हैं उसमें कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं तो आप कहते तो इन्हें हम परिवहन वाहन है ये हमारे पास जब प्रारंभ में स्टार्ट होते हैं तो ये ज़्यादा बल लगाते हैं तो ये हो जाएगा ट्रैक्शन कार्य आप नहीं देखते ट्रेन का डब्बा है जब वो दो चार किलोमीटर चलेगा तो आप देखते हैं डीजल वाला बड़ा धुआं देता है उसके बाद में कुछ धुआं नहीं देता है सिंपल चलता है तो प्रारंभ में उसको क्या होता है ट्रैक्शन कार्य करना होता है ज़्यादा आपको टोर की आवश्यकता होती है ज़्यादा बल लगाना पड़ता है तो वहाँ डी श्रेणी मोटर प्रयोग होती है ट्रैक्शन कार्यों के लिए संड मोटर तो कम लोड के लिए होती है भाई परिवहन में तो लोड ज्यादा होता है ना चलो अगला सवाल यदि डीसी मोटर नो लोड अवस्था में कार्य करें तो फील्ड वाइंडिंग का परिपथ ओपन हो जाए तो क्या होगा मंगल डाकू कह रहा है कि एक गलत है दो सौ तियालीस चलो एक बार वापस देखते हैं भाई दो सौ तीन क्या है अगर सीरीज मोटर का फील्ड कनेक्शन टूट गया है तो उसकी स्पीड क्या होगी सीरीज मोटर का फील्ड कनेक्शन टूटने पर इसकी स्पीड एक बार तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी भयानक रूप से बढ़ जाएगी क्योंकि फील्ड टूटने पर तुरंत मान शून्य हो जाएगा और सीरीज मोहता बिल्कुल दोनों मान शून्य हो जाएगा और इसकी गति बहुत ज्यादा हो जाएगी लेकिन जब भयानक रूप से बढ़ जाएगी उसके बाद में हमारे पास जो अंदर जो पावर कि उसके कारण तो भयानक रूप से बढ़ जाएगी उसके बाद में इसकी गति वापस वो मतलब बंद हो जाएगा लेकिन पहले इसके शुरुआत जैसे इसका फील्ड कनेक्शन टूटेगा तो फील्ड कनेक्शन टूटने पर हमारे पास क्या होगी गति भयानक रूप से बढ़ेगी ऑप्शन डी आएगी भाई भयानक गति ही बढ़ेगी चेक कर लिया भाई इसकी भयानक गति ही बढ़ेगी मोटर रुक जाएगी कंडीशन नहीं आएगी सीधी सीरीज में यदि फील्ड कनेक्शन टूट जाता है तो इसकी स्पीड इस बहुत ज्यादा हो जाती है रुक जाएगी नहीं आएगा बिल्कुल उखड़ भी जाती है वही होगा दो सौ छियालीस कीजिए अब डीसी मोटर नो लोड अवस्था में कार्य कर रही है और उसकी फील्ड वाइंडिंग का परिपथ ओपन हो जाए तो क्या होगा डीसी मोटर है वो नो no लोड अवस्था में कार्य कर रही है और फील्ड वाइंडिंग का परिपथ है वो ओपन हो जाए ठीक है तो फील्ड वाइंडिंग का परिपथ ओपन हो जाए तो क्या होगा मोटर बंद हो जाएगी आर्मेचर वाइंडिंग जल जाएगी मोटर आवाज़ करने लगेगी यह घूर्णन गति बहुत अधिक हो जाएगी अब यहाँ पर आपको सन्ट सीरीज कुछ कहा भी नहीं है लेकिन आपको यदि यह कहा जाता है कि फील्ड वाइंडिंग यदि हमारे पास टूट जाती है ओपन हो जाती है यहाँ पर और ये नो लोड अवस्था में कार्य करे तो नो लोड अवस्था में मोटर की घूर्णन गति क्या हो जाएगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर भी डिशी मोटर के नो लोड अवस्था में कार्य कर रही है फील्ड वाइंडिंग का परिपथ ओपन हो जाए तो यहां पर भी यही करना है कि इसकी गति बहुत अधिक हो जाएगी डीसी नियंत्रण में वार्ड लियोनार्ड विधि में किसके संयोजन को उल्टा करके मोटर के घूर्णन दिशा को उल्टा किया जा सकता है वार्ड लियोनार्ड में किसको परिवर्तन करोगे तो इसकी मोटर की गति में परिवर्तन हो जाएगा तो आप कहोगे मोटर के कुंडली के जो टर्मिनल होते हैं उनको बदलना पड़ेगा कुंडली के टर्मिनल को चेंज करते ही इसकी गति क्या हो जाएगी विपरीत दिशा में हो जाएगी परिवर्तित हो जाएगी अगला सवाल नेक्स्ट देखिएगा थोड़ा सा कि डीसी मोटर के आर मेचर में 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर है और उनचालीस 12 कंडक्टर 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर साथ उनचालीस स्लॉट है तो कंडक्टर को संख्या क्या है कंडक्टर संख्या पूछिए भाई तो देखो 12 स्लॉट है प्रति कंडक्टर और उनचालीस स्लॉट के बारे में पूछा है तो बारह इंटू उनचालीस कर दो तो आपके पास चालक आ जाएगा कहने का मतलब ये है कि एक स्लॉट होता है उसमें बारह कंडक्टर को फिट किया जाता है तो उनचालीस स्लॉट में कितने कंडक्टर होते हैं ऐसा होता है सवाल ऐसा होता है ये इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ी अच्छी नहीं होने के कारण ये ख़राब सा लग रहा है बाकी सवाल ऐसा होता है कि एक स्लॉट में बारह कंडक्टर है तो उनचालीस स्लॉट गए हैं तो बताओ कंडक्टर कितने होंगे गुणा कर दो 390 और अठहत्तर चारो अड़सठ सी ऑप्शन होगा कौन सा जाएगा हो जाएगा भाई सी ऑप्शन हो जाएगा अगला सवाल देखिएगा नेक्स्ट दिए गए चित्र में डीसी मोटर में कौन सी खराबी का पता लगाया जा रहा है बताओ भाई ये है डीसी मोटर इन जंपर के कनेक्शन निकाल दें तो हर एक कोइल की जांच करें यह क्या रखा है यहाँ सप्लाई दी दो सौ चालीस का यह है मोटर के फ्रेम यह है टेस्ट के लीड अल अलग अलग को लीड को देखो यहाँ पर कनेक्ट करें इसको भी यहाँ कनेक्ट करें इसको भी यहाँ कनेक्ट करें अलग अलग को कर रहे हैं और यहाँ पर देखो 240 दे रहे हैं यह हमारे पास लाइव है यह हमारे पास न्यूट्रल है तो यहाँ पर हमारे पास क्या चेक हो रहा है मोटर का फ्रेम हमारे पास न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया हुआ है और वो जो ल, इस स्टेटर का को, कोईल है उसको लाइन के साथ कनेक्ट किया है और ये कनेक्शन होता है हमारे पास अर्थ टेस्टिंग में यानी कि ग्राउंड टेस्टिंग में ग्राउंड फील्ड कोयल टेस्ट डी ऑप्शन आएगा भाई इसका ऑप्शन क्या जाएगा डी ग्राउंड फील्ड कोयल टेस्ट अगला अब इनको सुमेलित करना है आज का ये अंतिम प्रश्न रहने वाला भाई ध्यान से देख लेना कि इनको सुमेलित कीजिएगा सभी ध्यान से देखिएगा श्रेणी मोटर हमारे पास कहाँ काम लेते हैं ट्रैक्शन कार्यो में ठीक है संट मोटर है मोटर जनरेटर सेट में क्या काम लेते हैं संट मोटर बिल्कुल सही नियत गति से चलने वाली है ठीक है अच्छा अब हमारे पास आ गया कि एलिवेटर में कौन से होते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड एलिवेटर में आते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड ये ऑप्शन यहीं पर आ गया सीधा देखो सी में दो आएगा कम्युलेटिव कंपाउंड एलिवेटर सी टू यहीं पर आएगा ए फोर श्रेणी ट्रैक्शन कार्य के लिए बी में थ्री मोटर जनरेटर सेट और डिफरेंशियल कंपाउंड होता है बूस्टर सेट के रूप में काम लेते हैं या बैटरी चार्जिंग बूस्टर सेट के रूप में काम लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा मिलान कीजिएगा डी सेंट मोटर की गति नियंत्रण की संटेड आर्मेचर नियंत्रण विधि कौन सी है डीसी सेंट मोटर है और सेंट मोटर की गति नियंत्रण की संटेड आर्मेचर विधि के बारे में पूछा है सेंट मोटर की गति नियंत्रण करने तो संटेड आर्मेचर नियंत्रण क्योंकि संट मोटर को गति नियंत्रण हमारे पास कितने प्रकार से होता है तो मोटर का गति नियंत्रण हमारे पास होता है दो प्रकार से कितने प्रकार से होता है दो प्रकार से एक होता है हमारे पास फील्ड नियंत्रण विधि और दूसरा होता है आर्मेचर नियंत्रण विधि इन्होंने कहा था कि आर्मेचर नियंत्रण विधि है द्वारा नियंत्रित कर रहे हैं तो आर्मेचर के द्वारा नियंत्रित करने से क्या होगा आर्मेचर के द्वारा नियंत्रित करने से क्या होगा दो स्त्री का आंसर सी आया किसी का बी आया और बी और सी रोहन मीना का बी आया बाकियों के सबके सी आ रहे हैं गुरुजी दिवाली फेस्टिवल ऑफर अरे क्या ऑफर ऑफर अभी तो ऑफर गया था ना क्या है कि ऑफर ऑफर हो गया अभी तो गया था यार ऐसे क्या कर रहे हो आप अभी कल ही तो परसों परसों था परसों था लास्ट चलो सी डी सी डी। सबसे ज़्यादा सी आ रहा देखो कम फिजूल खर्चे नहीं नहीं तो फील्ड के, के अंदर धारा ज्यादा जाएगी, तो जाएगी।, तो जाएगी तो गति तो कम हो सकती है लेकिन जो भार में तीव्र परिवर्तन हो रहा है उसके लिए यह उपयुक्त रहेगा गति तो कम हो जाएगी आर्मेचर नियंत्रण विधि में क्या होगा आर्मेचर के अंदर धारा हमारे पास कम जाएगी तो धारा ज्यादा किस में जाएगी फील्ड में जाएगी और जब धारा करंट फील्ड में ज्यादा जाएगी तो इसकी गति सामान्य गति से कम हो जाएगी लेकिन लोड परिवर्तन जो होता है उसको बड़े आराम से यह टैकल करने में सहयोगी तो तीव्र परिवर्तनीय ये है तो यह क्या रहेगा उपयुक्त रहेगा आज इस मोटर के सवाल को पूरा करना दर्श दूरवय मोटर का दूरव अंतराल कितना है दो है यानी कि हमारे पास पोल पिच का मान कितना है तो पोल पिच का मान हमारे पास दो है तो स्लोटों की संख्या कितनी है देखो ध्रुव कितने हैं दस ध्रुव है और ध्रुव अंतराल कितने हैं दो है तो स्लोट कितने हो जाएंगे तो स्लोट हो जाएंगे दो गुणा दस बराबर बीस स्लोट हो जाएंगे भाई स्लोट कितने हो जाएंगे बीस क्योंकि हमारे पास दस ध्रुव है और हर ध्रुव के बीच अंतराल कितना है तो आप कहोगे ध्रुवों के बीच जो अंतराल है वो दो है तो हर दूर्व के बीच दो अंतराल तो है तो दस के बीच अंतराल टोटल कितना हो गया बीस का हो गया और जो अंतराल टोटल होगा वही टोटल स्लोट डिफाइन किया जाता है यानी कि दूर अंतराल होता क्या है टोटल स्लोट में भाग दे दो दूर्व का टोटल स्लोट में दूर्व का भाग दे दो पता चल जाएगा अंतराल कितना है जब आपको अंतराल दे दिया दूर दे दिया मल्टीप्लाई करोगे तो स्लोट आ जाएगा ये सिंपल सा सवाल है कोई टिपिकल सवाल नहीं बीस आंसर हो गया अगला सवाल आपके सामने नुमरिकल बड़े बड़े आएंगे आप देखना अभी तो किसी चार ध्रुव मोटर के कुल विद्युत डिग्री कितनी होगी देखो भाई विद्युत डिग्री क्या होती है पोल बटा दो इंटू मैकेनिकल डिग्री या यांत्रिक डिग्री यांत्रिक डिग्री हमारे पास 360 डिग्री यहां पोलों के जोड़े को रिप्रेजेंट किया जाता है टोटल पोल कितने चार बट्टा क्या कर दोगे दो चार दूर में तो इसका मतलब दो ही नॉर्थ है दो ही साउथ है जोड़े कितने है वे? दो वे ना चार बटा दो करोगे तो कितना आ जाएगा दो इन यांत्रिक डिग्री कितनी है तीन सौ साठ दो से काटोगे तो कितना आएगा एक सौ अस्सी अठारह चौक बोहत्तर तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई सात सौ बीस डिग्री कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया ए ऑप्शन करेक्ट हो गया ध्यान से देख लीजिएगा भाई सभी विद्यार्थी पाँच एच छोटी डी मोटर में सामान्यतः क्या होते हैं ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि पाँच एच की छोटी डी मोटर होती है उसमें सामान्यतः कितने ध्रुव होते हैं तो यहां पर ये जो मोटर है इसमें दूरों की संख्या को रिप्रेजेंट करना का तरीका तो थोड़ा सा गलत होता है बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो पाँच एच की छोटी मोटर होती है उसमें दो ध्रुव होते हैं कितने ध्रुव होते हैं भाई दो ध्रुव होते हैं ए ऑप्शन करेक्ट होगा बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका इसकी वैल्यू को याद रखना पड़ेगा चार पोल भी होते हैं चार पोल होते हैं लेकिन आंकड़ा है जहां पर एक जगह लिखा था इसमें दो दूर होते हैं दो दूर के द्वारा पांच एचपी तक की मोटरों का निर्माण किया जाता है बाकी यह कोई कैलकुलेशन तो है नहीं तो ये इसलिए दो पोल आपको याद रखना पड़ेगा कहीं कैलकुलेशन से तो उत्तर आने वाला है नहीं है ठीक है चलो अगला करते हैं नेक्स्ट दो पोल होगा तो स्पीड ज्यादा नहीं होगी स्पीड कम या ज्यादा से एचपी के ऊपर प्रभावी नहीं होता कभी भी ध्यान रखना स्पीड कम या ज्यादा का एचपी के ऊपर प्रभाव नहीं होता है आप जानते हो कि जो हमारे पास कम एचपी की मोटर होती है वो भी बहुत तेज गति से घूमती है और कई कम एचपी की मोटर होती है बहुत धीमी गति से भी घूमती है जैसे आप खिलौना की मोटर देख तो कम एचपी की होती है धीमी गति से घूमती है और कई बार आपका ये जो गति होती है ये इसके ऊपर लगने वाला ज्यादा लोड कितना होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा कितना लोड होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा चलो 750 आरपीएम की फुल लोड चाल 10 परसेंट की चाल नियमन वाली डीसी मोटर की नो लोड चाल कितनी होगी देखो यहां है आपके पास स्पीड रेगुलेशन का सवाल स्पीड रेगुलेशन का जो सवाल है वोल्टेज रेगुलेशन नहीं है स्पीड रेगुलेशन है तो स्पीड रेगुलेशन परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन बराबर क्या हो गया भाई नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इन सो कई विद्यार्थी यहां कहते हैं सर नो लोड आएगा नहीं यहां पर फुल लोड आएगा ध्यान रखना भाई ये स्पीड रेगुलेशन कितना परसेंटेज दिया हुआ दस परसेंट इन्होंने नो लोड की चाल तो पूछी है फुल लोड की चाल कितनी दी है सात सौ पचास बटा सात सौ पचास क्या कर दिया सो चलो ठीक है भाई अब यहां पर इसको सोल्व करना है इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया दस से ये दस हो गया कैंसिल तो आपके पास आएगा सेवनटी फाइव बराबर नो लोड माइनस सात सौ पचास तो जब आप नो no लोड लेंगे काउंट करेंगे तो सात सौ पचास प्लस पिचोत्तर बराबर कितना आ जाएगा आठ सौ पच्चीस कितना आएगा आठ सौ पच्चीस आर पी एम तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया सी ऑप्शन करेक्ट हो गया चलो हो गया भाई सब का आंसर करेक्ट हो गया कोई टेंशन नहीं है अब अगला सवाल के ऊपर आते हैं नेक्स्ट सवाल पर ध्यान से देखना आपको हर एक सवाल को नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है डीसी मोटर आर्मेचर द्वारा इस्तेमाल किए गए करंट का मान किस फॉर्मूले से निकलता है डीसी मोटर में आर्मेचर द्वारा इस्तेमाल किए गए करंट का देखो आप क्या जानते हो एक तो एक टोटल वोल्टेज जो दिया है वो विरोधी विद्युत वाहक बलस प्लस आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के समान यहां तो ये लिख लो और यहां पर आप कई बार बहुत ज्यादा बार मोटर के लिए ये V-IR तो है, है बात तो एक ही है फॉर्मूला तो सेम वाला है आपको पूछा है कि द्वारा इस्तेमाल किया गया कि करंट यानी आई ए का मान कैसे फाइंड आउट करूं तो मैं यहां से आपको आई ए का मान फाइंड आउट करना सिखा रहा हूं ध्यान से देखना तो आप क्या हो गए सर आई ए आर ए तो हो जाएगा वी माइनस ई बी EB को ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा V माइनस ई बी बराबर आईए आर ए और आपको क्या चाहिए आई ए माइनस ई बी बटा क्या जाएगा आर ए कहीं तो आपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है सिंपल तरीके से सवाल सोल्व हो रहा है V माइनस ई बी बटा आर ए और इस प्रकार सवाल आपका आराम से सोल्व हो जाता है न्यूमेरिकल नेचर को बड़े आराम से करना यही खास चित्र है बाकी बच्चे फेल हो जाएंगे बहुत सारे विद्यार्थी आज कम देखते हैं क्योंकि क्यों उनको पता है कि नुमरिकल आगे यहाँ पर हम हमारी दाल गलेगी नहीं तो वो हार मान के बैठे हैं जो हार अपने मान लेगा वो हारेगा निश्चित है और जो डटकर मुकाबला करेगा वही जीतेगा इस बात को भी ध्यान रखना बिल्कुल संजय साहू मैंने आपका कमेंट्स पढ़ लिया भाई तो ये आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा चलो क्लियर है कोई टेंशन नहीं आ, आगे बढ़े ओके दो सो श्रोताओं भाई किसी को कोई दिक्कत आए समझ नहीं तो तुरंत पूछ लेना मैं आगे, आगे वाले सवाल पर जाने के बाद में वापस नहीं आ पाऊंगा आगे वाले सवाल पर जाने के बाद में वापस नहीं आ पाऊंगा क्योंकि न्यूमेरिकल सवाल है वापस आने जाने में दिक्कत होगी क्योंकि थियोटिकल तो तुरंत बताते थे इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा चलो अगला सवाल 220 वोल्ट डीसी मशीन में संट फील्ड प्रतिरोध 440 सौ ओम पाया जाता है संट फील्ड करंट का मान क्या है 220 वोल्ट डीसी मशीन में क्या होगा भाई यदि फील्ड प्रतिरोध है वो 240 सौ ओम पाया गया है तो आपको सिंपल पूछा है कि संट फील्ड करंट का मान बताइए ये तो सब ने बता दिया किसी की दिक्कत आई नहीं आप क्योंकि सर देखो ये फील्ड ये रहा आर्मेचर आप तो ये बताओ कि आपने कितना वोल्ट बताया 220 वोल्ट यह बताया लेकिन समांतर में तो क्या होती है धारा समान होती है तो 220 वोल्ट इसके एक्रॉस भी कितना रहेगा 220 वोल्ट रहेगा और इसका प्रतिरोध कितना है 440 सौ चालीस चार का दे दिया भाग बराबर एक बटा दो यानी पॉइंट पांच एम्पियर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों बी ऑप्शन करेक्ट हो गया बड़ा शानदार सवाल है कहीं पर भी ज्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करना छोटा मोटा कहीं करना पड़ेगा तो वो करवाएंगे टेंशन नहीं लेने का ठीक है ना आराम से अगला सवाल देखिए दो सौ अठावन नंबर सभी विद्यार्थी आंसर देना कोई घबराना नहीं है आराम से सवाल का उत्तर देना है आपके सामने सवाल है परीक्षा में आते हैं मेरी तरफ से तो है नहीं एक 220 वोल्ट डीसी मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध पॉइंट दो में रेटेड आर्मेचर धारा 50 एम्पीयर है आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टता ज्ञात करो तो आपको क्या कहा गया है कि आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टता को आपको फाइंड आउट करना है या ज्ञात करना है वो बताइए क्या होगी वो बताइए एक 220 वोल्ट डीसी सेंट मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध कितना है भाई आपको देख लो कि आपको वोल्टेज कितना दे दिया 220 वोल्ट मैं एक सिंपल बताता हूँ कितना दे पॉइंट 0.2 ओम रेटेड आर्मेचर धारा कितनी दे दी आई ए आई ए दे दी 50 एमपियर तो आर्मेचर में उत्पन्न वोल्ट है क्या होगी यानी कि विरोधी विद्युत उत्पन्न होगा सप्लाई वोल्टे तो आपने बता दिया है. जब सप्लाई वोल्टेज बता दिया तो अब हमारे पास क्या होगा विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो कितना होगा 220 दो तो कम ही होगा 220 से कम होगा तो ये दोनों ऑप्शन डिलीट हो जाएंगे पीछे बच्चे तीन ऑप्शन इसमें से उत्तर निकालना तो V आई ए आर देर पहले हमने सूत्र लिखा था तो ये विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वी कितना है भाई दो सौ बीस माइनस आई ए कितना हो गया पचास इंटू आर ए कितना हो गया जीरो पॉइंट दो अब देख रहे ध्यान से 220 पचास इंटू पॉइंट दो कितना हो जाएगा दस पचास इंटू दो तो सो हो जाता है पॉइंट दो है तो हो जाएगा दस दो सो बीस में सदस्य घटाओगे तो दो सौ दस वोल्ट हो जाएगा और दो सो दस वोल्ट कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो गए के विद्यार्थी ए ऑप्शन कर रहे हैं मनी सिंह चलो अब आ जाओगे दो सौ दस वोल्ट ठीक है चलो ओके अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फिफ्टी नाइन नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा टू फिफ्टी नाइन यदि क्रॉस फील्ड जनरेटर में पोल की संख्या दो है तो इंटरपोल की संख्या क्या होगी क्या पूछा भाई क्रॉस फील्ड जनरेटर में पोल की संख्या दो है तो इंटरपोल की संख्या भी कितनी होगी बताइए भाई चलो देखो कि वैसे क्या होता है कि जितना हमारे पास पोल होते हैं उतने ही इंटरपोल होते हैं जितने पोल होते हैं उतने ही इंटरपोल होते हैं लेकिन यहां पर हमें कहा गया क्रॉस फील्ड जनरेटर लेकिन हमें फील्ड जनरेटर कौन सा कहा गया क्रॉस फील्ड कहा गया है क्रॉस फील्ड करने कहने का मतलब है यहां पर जो फील्ड होता है एक को दूसरा क्रॉस कर रहा है यानी कि डबल का काम चल रहा है क्रॉस फील्ड जनरेटर होता है वो जिसका एक पोल डबल का कार्य करता है वो क्रॉस फील्ड होता है फील्ड को क्रॉस करके कार्य होता है तो इस हिसाब से कार्य होगा इस कारण यहां पर क्रॉस फील्ड जनरेटर होने के कारण इंटरपोलों की संख्या दो का दुगुना चार आएगी केवल यदि पूछा जाता है कि यदि पोल की संख्या दो है तो इंटरपोल की संख्या भी दो ही होगी पोल की संख्या चार है तो इंटरपोल की संख्या चार होगी लेकिन क्रॉस फील्ड जनरेटर पूछे तो आपको क्रॉस फील्ड जनरेटर में इंटरपोल की संख्या टू पी के बराबर होगी चलो अगला सवाल दो सौ पचास वोल्ट डीसी मशीन में संट प्रतिरोध पांच ओम प्राप्त होता है तो संट फील्ड करंट क्या होगा संट प्रतिरोध आपको मिल गया सेंट फील्ड करंट चाहिए वोल्ट है देखो आपको क्या चाहिए करंट और देखो समांतर में वोल्टेज बराबर है टोटल वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट प्रतिरोध कितना है 500 ओम बराबर एक बटा दो एम्पियर यानी कि पॉइंट पांच एम्पियर डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा यानी जो पिछली बार सवाल जिसने कर लिया था वो यहां पर भी कर लेगा यानी सवाल का रिपीटेशन चल रहा है नोमरिकल के अंदर भी मान्य है रूल लागू है देख रहे हो सबका डी आ गया एक डीसी मोटर का चाल का नियमन किसके रूप में दिया जाता है ये चाल का नियमन का मैंने ना चाल का जो रेगुलेशन है उसका पर्टेज के हिसाब से मैंने फॉर्मूला पहले बताया था नो लोड माइनस फुल लोड एक सवाल कराया था ना उसमें आई गया था फॉर्मूला इन टू हंड्रेड तो यहां पर परसेंट निकला परसेंट नहीं निकालते तो नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड सी ऑप्शन करेक्ट है सी ऑप्शन करवाया था बिल्कुल चलो अगला सवाल नेक्स्ट सवाल बड़े ध्यान से करना भाई आज सारे सवाल करने हैं और <coughs> नमरिकल सवाल समझते मोटर को बिना किसी लोड के गति 2000 हजार आर है फुल लोड की गति 1900 सौ आर है तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा यानी पूछा क्या है वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन तो क्या होता है तो ये जो सवाल दिया है उसके हिसाब से पूछना तो स्पीड रेगुलेशन चाहिए था दी हुई तो स्पीड तो स्पीड रेगुलेशन ही पूछोगे ना तो स्पीड रेगुलेशन पूछना चाहिए था ये जल्दबाजी में ज्यादा पूछ ले इन्होंने तो ये होगा हमारे पास नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इनटू सो चलो नो no लोड कितना है भाई किसी लोड बिना किसी लोड के गति है दो हजार और फुल लोड पर गति कितनी है उन्नीस अपॉन फुल लोड कितना जाएगा उन्नीस सो इंटू सो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल प्रतिशत एनआर बराबर सो बटा उन्नीस है तो लगभग पांच पॉइंट परसेंट आएगा और ये पांच परसेंट एग्जैक्ट हम आंसर करें क्योंकि यहां पर इन्होंने है ना नो लोड फुल, नो लोड फुल लोड, नो लोड लिया, तब पांच आएगा बाकी सब जगह फुल लोड लिया हुआ था तो फुल लोडी आना चाहिए देखा था तो यहां पर तो पांच पॉइंट दो छ के आसपास आएगा जो कि ऑप्शन है वो पांच परसेंट आसपास रहेगा फिर वो जो विवादित क्षेत्र रहता है ना no है, नो लोड माइनस फुल लोड है कई नो लोड करते हैं तो जिस इसने बनाया था उसने नो no लोड मान लिया होगा बाकी होता यह है नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इन टू हंड्रेड होता है ये स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला ये होता है भाई पानी देना भाई चलो हो गए भाई नेक्स्ट अगला सवाल करा तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा इसको प्रति मिनट 1.5 मीटर क्यूब पानी को 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाने वाले एक पंप को 220 वोल्ट डीसी मोटर चलाता है कुल दक्षता परसेंट है, सप्लाई में लिया गया करंट लगभग कितना होगा मान लें 1.5 मीटर क्यूब पानी का दरिमन हजार किलोग्राम है चलो चलो 1.5 मीटर क्यूब पानी को 20 मीटर की ऊंचाई पर उठाने के लिए ए पंप को 220 वोल्ट डीसी मोटर चलाता है चल तो ठीक है हमारे पास आ गया भाई एमजीएच हो गया बहतर परसेंट है तो सप्लाई में लिया गया करंट लगभग कितना होगा देखो कार्य है वही हमारे पास ऊर्जा के बराबर हो जाता है जो कि एम जी एच के रूप में माना जाता है और इसमें यदि हम 220 का भाग दे देंगे तो हमारे पास देखो ये ऊर्जा होता है ऊर्जा ही हमारे पास कार्य के बराबर होता है ये ऊर्जा और कार्य बराबर हुआ यानी यहां से हमारे पास समय नहीं लिखा तो पावर आ गई एम कितना है तो आप कहोगे हजार किलोग्राम जी मैं दस ही ले लेता तो हूं नौ होता है जिसको कैलकुलेशन के लिए दस मान सकते हो उनसे ही है बीस मीटर बट्टा दो सौ बीस मीटर है तो यहां पर आप इसको कैलकुलेशन कर रहे हो जीरो से जीरो कैंसिल दो से काटा तो कितना है ग्यारह तो ये आपके पास आ गया भाई दस हजार 11 ग्यारह एम जी एच तो यहां जी की जरूरत नहीं पड़ेगी ना ग्यारह कुल दक्षता बहत्तर परसेंट इंटू सेवेंटी टू परसेंट कर देंगे बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है अच्छा ये जो पानी है वो प्रति मिनट निकाला जा रहा है एक मिनट भाई छोटा सा इसमें है जो पानी है वो हमारे पास प्रति मिनट है और मात्रक हमारे पास सेकंड में है इसलिए हमें साठ का देना पड़ेगा भाग साठ का दिया भाग और बहत्तर परसेंट दसता है तो सेवेंटी टू परसेंट सेवेंटी टू बाई हंड्रेड हो जाएगा चलो अब दो जीरो से दो जीरो और कैंसिल हो गए जीरो से जीरो कैंसिल हो गए छः से काटा तो बार थका बेहतर हो गए और हमारे पास हो गया 120 सौ बीस बटा ग्यारह लगभग ये क्या सा आ रहा है एक सौ बीस बटा ग्यारह दस ग्यारह से ऊपर का आसपास पास ऑप्शन आ रहा है वो मिल नहीं रहा है बल्कि एक मिनट में यदि हजार किलोग्राम है तो हमें तो सेकंड के हिसाब से निकालना पड़ेगा मात्र तो साठ का देंगे भाग बीस की ऊंचाई तो बीस का दे दिया ये जी ले लिया हमने दस नौ पॉइंट आठ की जगह दस ले लिया कोई दिक्कत नहीं कुल दक्षता 72% सेवेंटी टू परसेंट है तो सप्लाई किया गया करंट लगभग कितना होगा एक मिनट एक छोटा सा मिस्टेक रहेगा भाई हमारे पास करंट ज्ञात करना है आई आई हमारे पास होगा पावर बटा वी ठीक है पावर बटा क्या आ गया भाई वी आ गया चलो अब ध्यान रखना कि हमारे पास जो कार्य है वो कितना परसेंट है भाई हमारे पास बहतर परसेंट है तो सप्लाई करंट तो हमारे पास ज्यादा होगा कार्य है वो बहत्तर परसेंट है पी हमारे पास है इस पी का सेवेंटी पी सेवेंटी टू परसेंट ही कार्य करता है तो यहां से देखना के हमारे पास आई बराबर एम जी एच हजार किलोग्राम जी हो जाएगा दस एच कितना आएगा बीस बटा कितना आएगा तो आप क्या दो सौ बीस इंटू आएगा वो मीटर का साठ इंटू सो ऊपर आएगा सात सौ बीस नीचे आना चाहिए सॉरी बोतर नीचे आना चाहिए सात सौ बीस बोतर आएगा नीचे अब इसको सोल्व करना पड़ेगा तो ये देखो क्या होगा इसको काटा तो तीन बार गया और ज़ीरो से ज़ीरो हो गया कैंसिल अब इसमें भाग जैसे जाएगा उसी हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा भाई भाग दे के चेक करो ये होगा भाई एक मिनट नौ नहीं ये होगा भाई करेक्ट आंसर मैं भाग दे के चेक करता हूँ 21. something समथिंग आ रहा है 31 नहीं आ रहा है ये 21. वन पॉइंट आ रहा है, यही होगा भाई 21. something समथिंग आ रहा है तो यही होगा 31 नहीं आ रहा है 21 आ रहा है कुछ ना कुछ है इसमें 21 वन के आसपास आ रहा है ठीक है भाई तो ये देख लो थोड़ा सा टिपिकल सवाल है मतलब ये है कि फिजिक्स में कार्य से संबंधित सवाल आ गया अभी सीधा सीधा सवाल नहीं था फिजिक्स में कार्य का केवल मोटर का कोई संबंध नहीं रहा एम यानी कि कार्य का सूत्र आ गया जो कि फिजिक्स आया बिल्कुल जी तो ये थोड़ा इक्कीस सेम पियर रहना चाहिए क्योंकि होगा तो इसी प्रकार ही एम होगा वो वहीं से होगा ये सवाल चलो अगला सवाल करते हैं नेक्स्ट नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं इसको आप रहना देना भाई बिहार पीसीएल में फिजिक्स का मैथ तो काफी ज्यादा हो गया है चलो अगला सवाल होना ट्वेंटी वन एम पीरी चाहिए पंद्रह सौ किलोग्राम होता है तब इकतीस आएगा लेकिन इन्होंने तो खुद ने दिया ना हज़ार किलोग्राम बिल्कुल सही बात है पंद्रह सौ किलोग्राम होता तो इकतीस आ जाता लेकिन इन्होंने हज़ार दिया था बिल्कुल बहुत करेक्ट कह रहे हो लेकिन इन्होंने हज़ार दे दिया था यहां पर यह मिस्टेक हुई थी पंद्रह किलोग्राम होता तो बिल्कुल सही एकदम थर्टी आ जाता हमारे पास कोई टेंशन नहीं थी ये सर सही सही करेक्ट सही पकड़ाओ लेकिन परीक्षा में पर्सन में ही उन्होंने ये नहीं दिया था बिल्कुल बिल्कुल ये क्या है ये इन्होंने यहां कर दिया मान ले पानी का दरमान हजार किलोग्राम डेढ़ मिली क्यूब का एक मिली क्यूब का लिखना चाहिए था इनको एक मिली क्यूब का हजार होता तो डेढ़ सौ होता पंदरेश होता तो उत्तर आ जाता और कट भी जाती काफी सारी संख्या चलो दो नंबर सवाल एक डीसी मोटर की लोड रही चाल पंद्रह सौ तेरह सो पचास है और पूर्ण लोड पर ग्यारह सौ पचास है वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा स्पीड रेगुलेशन आपको पूछा है तो आप क्या भाई नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इनटू सो बोई सो अपोन ग्यारह सो पचास इंटू सो जीरो से जीरो पांच से काटा तो तेईस पांच से काटा तो आया दो चार सौ बटा तेईस चार सौ बटा तेईस है भाग दे दो आप यदि चार सौ साठ होता तो बीस आ जाता बीस से कम ही आएगा तो बीस से थोड़ा ही कम आएगा देख लेना कितना आएगा सत्रह पॉइंट उनचालीस परसेंट भाग देख देख लेना चलो ठीक है भाई अगला सवाल नेक्स्ट डीसी मोटर में 420 वोल्ट का नहीं 440 वोल्ट का 120 सौ का करंट खींचते डीसी मोटर है इस प्रकार करंट खींच रही है आर्मेचर का प्रतिरोध है वो पॉइंट तीन ओम है मोटर की गति 800 सौ है प्रारंभिक अवस्था के संबंध में चुंब की 80 प्रतिशत तक कम हो जाता है आर्मेचर करंट 150 सौ होता है ठीक है तो फिर टॉर्क में कोई बदलाव नहीं होने के साथ गति की गणना हमें गणना किसकी पूछी है भाई इसमें हमें गति की पूछिए स्पीड रेगुलर मतलब स्पीड पूछी है और आप जानते हो कि जो हम जानते हैं कि जो गति है एन समानुपाती ई बी बटा फाइव तो ई बी जो होता है वो एन इंटू फाइव होता है ई बी वन बटा ई बी टू बराबर एन फाइव वन अपॉन एन वन एन टू फाइव टू इस प्रकार भी हमारे पास सूत्र बन जाता है यानी एन फाइव और या फिर आप फाइनल और इनिशियल के हिसाब से भी कर सकते हो मैं आपको यह भी कह सकता हूं कि यदि मेरे पास ये है फाइनल तो हमारे पास फाइव इंटू एन एफ अपॉन ये इनिशियल है तो फाइव आई एन नहीं होगा बस यहां से आपको कैलकुलेशन करनी है और यहीं से आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा विरोधी विद्युत बल कितना है विरोधी विद्युत बल कितना है तो आप जानते हो ई बराबर वी माइनस आई ए आर ए होता है तो आपके पास देखो कि 440 वोल्ट है माइनस है आई ए आर ए तो आप देखो कि आर्मेचर करंट आपके पास कितनी है 150 एम्पीयर है आर्मेचर प्रतिरोध कितना है 0.3 ओम है तो ये हमारे पास आई ए आर है हमारे पास फाइनल रूप से तो आप क्योंकि 150 इंटू 0.3 बट्टा 440 माइनस चलो ठीक है अब देखो कि हमारे पास डीसी संट्रो मोटर है वो खींचता कितना है

अब बात आती स्पीड की प्रारंभ में मोटर की गति कितनी थी 800 थी और फाइनल गति इन्होंने पूछी थी इस बात को ध्यान रखना है ये जो नहीं कर पाएगा तो सवाल को कर ही नहीं पाएगा इतनी सी बेसिक कंडीशन के साथ सवाल सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि अच्छे लेवल का सवाल दिया डीएमआरसी वालों ने तो इस लेवल को ध्यान से देखना पाया आपको अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं अभी भी कैलकुलेशन कई करनी है 150 सौ पचास इंटू पॉइंट पंद्रह तो थी पैंतालीस पैंतालीस घटाएंगे तो थ्री नाइनटी फाइव बारती छत्तीस घटाएंगे तो चार सौ चार ये तो हो गया कैंसिल पॉइंट हटाया तो आ गया दस तो ये हो गया आपके एन एफ बटा हजार कितना आ गया एन एफ बटा हजार आ गया क्योंकि आठ से आठ कैंसिल हो जाए हजार आ जाएगा और अब एन एफ आप कैलकुलेट कर लो तो आप क्योंकि हज़ार इंटू तीन सौ पिचाणु बटा चार सौ चार हजार से कम है सारे कम ऑप्शन है लेकिन कितना है भाग दे के पता करो तो आपका कितना आ रहा 977, है भाई नौ सौ सतहत्तर किसका आया सरुण कुमार भाग शाही दिया कि नहीं दिया नौ सौ सतहत्तर चलो नौ सौ सतहत्तर पॉइंट सेवन भाग दे के चेक लेना भाई यही आएगा ये आपकी वैल्यू अब भाग तो देना है चार सौ चार का भाग सीधा तो जाता नहीं सीधा जाता मैं सीधा दे, दे देता कोई टेंशन नहीं अगला सवाल दो 220 वोल्ट सिक्स एक एक 220 वोल्ट डीसी मशीन में संट क्षेत्र प्रतिरोध 440 ओम होता है निम्न में से कौन सा संट क्षेत्र करंट होगा बढ़िया शानदार सवाल है शानदार क्या मतलब जबरदस्त वाला सवाल है ध्यान से देख लो एक 220 वोल्ट डीसी मशीन में संट क्षेत्र प्रतिरोध कितना है 440 सौ तो संट क्षेत्र करंट कितना आएगा आपने पहले भी निकाल लिया था ये आपके लिए तो कुछ है ही नहीं इतना जबरदस्त सवाल है आपके लिए क्योंकि दो बार निकल हुआ इसे जबरदस्त आपके क्या आएगा तो परीक्षा में ये सवाल आ गए ना तो आप छोड़ने वाले नहीं हो तीसरी बार आ गया ना इनका इसका मतलब उनको वही लगता है कि यही आसान है सबसे सीधा विद्यार्थी कर लेगा 200 सौ चार वोल्ट पर दौड़ रहे एक अंकित मोटर सामान्य वोल्टेज पर दौड़ रहा है अक्षमात वोल्टेज 340 वोल्ट का पतन होता है तो मोटर क्या होगी 440 वोल्ट रेटेड वोल्टेज अंकित मोटर सामान्य वोल्टेज जो लाइन लाइन लिखा ना तो 440 रेटेड वोल्टेज पर मोटर चल रही है यह सिंपल सी दिक्कत है तो 440 वोल्टेज पर मोटर चल रही है अक्षमात जो है अचानक से वोल्टेज में गिरावट आ जाएगी तो अचानक से वोल्टेज में हमारे पास क्या होगी कमी होगी जब अचानक से वोल्टेज में कमी होती है तो हमारे पास धारा में वृद्धि हो जाती है जिसके कारण मोटर है वो ज़्यादा उष्मा पैदा करने लगता है ये ध्यान रखना यहाँ पर यहाँ पर वोल्टेज आप है ना वो ओम का नियम लगाना वोल्टेज घटेगा तो धारा घट जाएगी नहीं अचानक से जब वोल्टेज घटता है तो इसका मतलब है जो विरोधी विद्युत वाहक बल के मान के कारण अचानक से धारा बढ़ जाएगी और धारा का मान अचानक से बढ़ने के कारण उसमें ज्यादा हो जाएगी यानी अत्यधिक गर्म हो जाएगा यह कंडीशन आएगी बी ऑप्शन ठीक रहेगा अगला 440 वोल्ट पर एक डीसी संट मोटर का आर्मे चर प्रतिरोध पॉइंट ओम है क्षेत्र प्रतिरोध दो ओम है सं मोटर है छह किलो वाट का आउटपुट देते समय विरोधी विद्युत तो वाहक बोले ने, ए, बेक का निर्धारित करें बेक जो होता है बराबर वी माइनस ए ए होता है। बेक क्या होता है भाई ई बी बराबर वी ए आर ए होता है तो यहां से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ई बी वी कितना है चार वोल्ट, चार सो वोल्ट माइनस अब देखो कि हाँ इन्होंने आर ए आर मचर का प्रतिरोध तो दे दिया पॉइंट छ ए आई ए नहीं दिया तो मुझे करंट याद करना पड़ेगा आई ए तो पावर कितना है छ हजार वाट छ हजार वाट है पावर हमारे पास टोटल पावर कितना है छ हजार वाट वोल्टेज कितना है चार सौ वोल्ट यहां से सोल करेंगे तो मेरे पास कितनी करंट आई पंद्रह एम की तो ये आएगी पंद्रह पंद्रह छक्के नब्बे यानी कि नौ नो घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई तीन सौ इकानवे वोल्टेज थ्री नाइन वन वोल्टेज एप्शन करेक्ट हो जाएगा मोटर फुल लोड गति हजार आरपीएम में और गति विनी में नब्बे परसेंट है तो लोड गति क्या होगी चलो ठीक है आपको पता चलना है कि आपको स्पीड रेगुलेशन कितना दिया भाई नाइनटी परसेंट नब्बे बराबर नो no लोड गति पूछा है कि लोड गति पूछा है मतलब लोड गति क्या होगी नो no लोड गति क्या होगी इन्होंने लिखते समय पूरा नहीं लिखा नो no लोड गति होगी नो लोड माइनस फुल लोड कितना हो गया भाई हजार बट्टा क्या आ गया हजार इंटू क्या आ गया सो। सो से सो कैंसिल हो गया दो जीरो दो जीरो ये आया तो यहाँ पर क्या आया नो बराबर नो लोड माइनस क्या आएगा हजार तो नो no लोड बराबर कितना आ जाएगा 1900 सौ ये ई ऑप्शन आ जाएगा चलो अगला सवाल नेक्स्ट 270, 10 HP, 250 पी दो सो मोटर वोल्टि मोटर का पूरा भार है फुल लोड करंट कितना होगा फुल लोड करंट तो बता सकते हो ना सिंपल है तो आप क्योंकि करंट तो करंट क्या होता है पावर बटा वोल्टेज पावर कितना है 10 HP है और वाट में कन्वर्ट करोगे सात से गुणा कर दो भाग दे दो सौ का यदि यह सात होता तो भाग जाता तीन बार तीस जाता तीस है, थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये पॉइंट समथिंग होगा जो कि लगभग तीस एमपियर के बराबर होगा उनतीस पॉइंट समथिंग होगा जो कि लगभग तीस एमपियर के बराबर होगा ये इस प्रकार सवाल को सोल्व करना भाई क्लियर अगला सवाल नेक्स्ट टू सेवेंटी वन नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से पांच एमपियर की लाइन धारा लेते पांच लेते समय डीसी श्रेणी मोटर 10 न्यूटन मीटर का बल आगुण उत्पन्न करता है टोर्क आपको बताया है यदि लाइन धारा बढ़ाकर 10 एम कर दिया जाए तो मान लीजिए मोटर रेखी चुंबक संचालित तो इस स्थिति में उत्पन्न होने वाला बल आगुण का मान आपके पास क्या होगा तो देखिएगा आप जानते हो कि श्रेणी मोटर है श्रेणी मोटर में टोर्क होता है वो आर्मेचर की करंट के वर्ग के समानुपाती है टो तो वन बट्टा टो टू बट्टा आर मैचर करंट वन अब मोन आर मैचर करंट टू का स्क्वायर चलो अब इन्होंने क्या दिया है ध्यान से देख लीजिएगा इन्होंने कहा है कि आप पांच एम्पियर की धारा लेते समय दस न्यूटन मीटर का बल लागू है पहले दस न्यूटन मीटर का था टो टू फाइंड आउट करना था धारा कितनी ले रहे थे पांच एम्पियर अब धारा कितनी बढ़ाकर कर दी दस एम्पियर काटा दो अब देखो दो का स्कोर कितना होगा चारो टू बराबर दस गुणा चार बराबर चालीस न्यूटन मीटर तो चालीस न्यूटन मीटर करेक्ट आंसर होगा चालीस न्यूटन मीटर करेक्ट होगा ये हमारे पास श्रेणी के लिए चीज के लिए रहेगा भाई श्रेणी के लिए बीस मीटर लगा दिए थे इतना जल्दी क्यों लगाते हो थोड़ा सा देख तो लो यह वर्ग है ना भाई श्रेणी का का वर्ग है संड का कहता तो कोई दिक्कत नहीं आप कुछ करते हैं अगला सवाल चार पोल 500 सौ वोल्ट सन्ट मोटर के इसके आर में 720 तरंग संयोजित कंडक्टर लगे हुए हैं पूर्ण भार आर्मेचर धारा साठ एम्पियर और फ्लक्स प्रति पोल पॉइंट जीरो तीन वेबर है प्रतिरोध पॉइंट दो ओम संपर्क पात एक वोल्ट है ऐसा सवाल पहली बार देख रहे हैं। क्या मतलब पूछ क्या रहा लिखा ही नहीं उसने कहा यह है ये है ये है ये है ये है ये है, है। बाकी छोड़ो <laughs> देखो कहीं कुछ पूछा है चार पोल पांच सौ वोल्ट सेंट मोटर में आर्मेचर पर सात सौ बीस तरंग संयोजित कंडक्टर लगे हुए हैं पूर्ण बार आर्मेचर धारा साठ एम्पियर आर्मेचर प्रतिरोध ये है संपर्क पात प्रति ब्रश एक वोल्ट है तो पूछा क्या कुछ नहीं है ऑप्शन से पता चला कि हमें पूछा गया गति ऑप्शन से क्या पता चला हमें पूछा गया है गति तो इसलिए हम गति को ध्यान से देखना अब देखो ध्यान से ऑप्शन से पता चला भाई वैसा कुछ भी पता नहीं है ई e बी बराबर आप जानते हो फाइव जेड एन बटा साठ इंटू पी बटा ए यहां से जब आपको गति निकालनी है तो आप लिखोगे ई e बी इंटू साठ इंटू ए बटा बी e इंटू साठ इंटू ए बटा फाई नीचे आ जाएगा जेड नीचे आ गया पी नीचे आ गया चलो वैल्यू पुट करो तो ई बी विरोधी विद्युत आग बल ये तो है नहीं ये हमें निकाल के लाना पड़ेगा साठ है समांतर पथ कितने होंगे दो होंगे क्योंकि यहां पर कहा गया तरंग संयोजित वे यानी वेव चुंबक है फ्लक्स है क्या फ्लक्स है कितना भाई चालकों की संख्या चालक कितने दिए हुए हैं ये देखिए तो आप क्योंकि आर में सात सौ बीस चालक लगे हुए हैं इंटू पी है पोल पोल कितने हैं चार तो मुझे यहां पर सबसे पहले ई बी कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ई बी को कैलकुलेट करता हूं ई बी बराबर होता v IAR है वी माइनस आई ए आर यही होता है तो ई बी वी कितना है तो आप कहोगे 500 पांच सौ वोल्ट माइनस आई ए आई ए और कितना होगा साठ एम्पियर और आर ए कितना होगा जीरो पॉइंट दो लेकिन एक बात ध्यान रखना यहां ब्रश का संपर्क प्रतिपात एक वोल्ट है यहां पर समांतर पात दो ही है तो टोटल ब्रश कितना लगे रहे दो लगे एक का वोल्टेज ड्रॉप एक वोल्ट है तो दो का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा दो छह बारा, दो बारह बारह दो कितना हो गया चौदह तो ये आ जाएगा हमारे पास चार सौ छियासी वोल्ट ये फोर एटी सिक्स वोल्ट आ गए तो यहां पर फोर एटी सिक्स वोल्ट आप लिख लो पॉइंट ये हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा सो ठीक है बार छक्का बेहतर बारह बार जाएगा ठीक है दो से काटा तो कितनी बार गया छः बार छः से काटा तो देखो कि आठ संग अड़तालीस इक्यासी बार जाएगा इक्यासी बार गया तीन से काटा तो कितनी बार गया सत्ताईस बार चार से काटा तो कितनी बार गया पच्चीस बार पच्चीस इंटू पच्चीस छ सौ पच्चीस और सताइस छुपया ये उतर आएगा भाई से सौ पिचोतर आरपीएम आएगा यह आपके पास सवाल का आंसर हो गया चलो जिसको टॉप करना है आप हमेशा टॉप के बारे में सोचें जिसको टॉप करना है वो हमेशा रेगुलर पड़ता है उसको बाकी उसे फर्क नहीं पड़ता है इसलिए टॉपर मेरे पास बैठा है मैं उसकी टेंशन लेता ही नहीं हूं ठीक है ना अगला एकदिष्ट धारा मोटर पूर्ण भार पर सत्रह सौ पच्चीस आरपीएम और शून्य बार पर सत्रह सौ पिचोत्तर आरपीएम पर चलती है तो गति नियमन क्या होगा अब कैसे बताएं कि ये सवाल तो हम कर भी रहे हैं काफी देर से नो लोड शून्य बार सत्रह सो पिचोतर माइनस फुल लोड सत्रह सो पच्चीस अपॉन सत्रह सो पच्चीस इंटू सो चलो तो ये अंतर कितना आएगा पचास बट्टा क्या आएगा सत्रह सो पच्चीस इंटू सो पच्चीस से काटेंगे पच्चीस से काटेंगे दो बार पच्चीस से काटेंगे तो पच्चीस है तो ये तो हो गए हमारे पास डेढ़ सौ पीछे बच्चा हमारे पास बाईस दो सौ पच्चीस हो गए नो सिक्सटी नाइन हो गए ना दो सौ पच्चीस नो सिक्सटी नाइन अब हो गए हमारे पास परसेंटेज तो ये हो गए दो सौ बटा सिक्सटी नाइन सात इक्कीस तीन बार जाएगा नहीं दो पॉइंट नौ परसेंट बनेगा दो पॉइंट नौ परसेंट बनेगा ये ध्यान रखना तो ये हमारे पास कितना उत्तर आएगा भाई दो पॉइंट नौ परसेंट मिलेगा ये ध्यान रखना चलो अगला सवाल पूर्ण भार पर 1500 आरपीएम की गति पर संचालित एक 200 वोल्ट डीसी श्रेणी मोटर 40 एम की धारा लेती है इसका प्रतिरोध 0.1 ओम है क्षेत्र असंतृप्त है इसके द्वारा परिवर्तन के समय रेटेड बल आगुण प्राप्त किया जाना वांछित है आवश्यक प्रतिरोध की गणना करें तो इसमें आपको आवश्यक प्रतिरोध की गणना करनी पड़ेगी ठीक है तो आप देखो वोल्टेज टोटल हमारे पास आवश्यक प्रतिरोध निकालेंगे तो प्रतिरोध टोटल जो आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 200 सौ वोल्ट बटा चालीस एम है तो हमारे पास कितना आएगा 5 ओम श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में एक तो सीरीज वाइंडिंग प्लस आर मेचर वाइंडिंग मिलाकर कितना आया 5 आया और हमें उन्होंने क्या बताया है कि जो हमारे पास प्रतिरोध पॉइंट पांच ओम तो मतलब पॉइंट एक ओम तो प्रतिरोध है क्षेत्र एस संतृप्त है तो रेटेड बल आगुण कितना होना चाहिए तो आप क्योंकि भाई हमारे पास जो जो रेटेड बल आगुण चाहिए उसके लिए जो प्रतिरोध की आवश्यकता है पांच माइनस पॉइंट ए कर दो तो चार पॉइंट नौ ओम की आवश्यकता होगी क्योंकि टोटल हमें कितने ओम चाहिए भाई पाँच ओम चाहिए और प्रतिरोध हमारे पास कितना है पॉइंट ए ओम है और हमें चाहिए कितना है पांच ओम पॉइंट ए घटा दो पीछे चार पॉइंट नौ ओम वांछित है ये हो गया अगला सवाल देखो थोड़े से सवाल बचे हुए आठ दस सवाल कर लेते हैं भटकन भटकना नहीं है नहीं तो फिर नहीं होंगे एक क्षेत्र प्रतिरोध 200 ओम आर्मेचर प्रतिरोध 2 ओम सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट गति 500 सौ आर है एक डीसी सी सेंट मोटर की सप्लाई धारा का पता लगे पश्च विद्युत वाहक बल एक आठ वोल्ट प्रति आरपीएम है तो बहुत कुछ इन्होंने हमें आंकड़े में दिया है ठीक है अब इन्होंने क्या दिया कि पहली बात दिया है कि हमारे पास डीसी संट मोटर है सन्ट मोटर होने का मतलब ये मेरे पास फील्ड हो गया ये मेरे पास हो गया आर्मेचर और यहां पर मेरे पास आ गई सप्लाई सप्लाई वोल्टेज मेरे पास कितना वोल्टेज है वोल्ट ये मैंने बना लिया गति पांच सौ आर में ठीक है और क्षेत्र प्रतिरोध फील्ड प्रतिरोध कितना हो गया दो सोम ये कितना ओम है दो ओम में कुछ धारा यहां जाएगी कुछ धारा यहां जाएगी आर्मेचर प्रतिरोध कितना ओम है दो ओम इसमें प्रतिरोध कितना ओम है दो ओम है चलो गति है डी मोटर सप्लाई धारा का पता लगे डीसी सी मोटर की सप्लाई धारा यहाँ से कितनी करंट आ रही है तो आप क्योंकि भाई आई जितनी आ रही है वो आई ए प्लस आई एस एच होगा होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा तो आई एस एच कितना होगा आई एस एच है वोल्टेज सो प्रतिरो बराबर एक बटा दो यानी कि जीरो पॉइंट पाँच है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है देख लो कहीं पर भी किसी को कोई टेंशन है तो आप बता दीजिए तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं इसमें कोई टेंशन नहीं है आर वाले में निकालना तो विरोधी विद्युत तो वाहक बल निकालना पड़ता है ई बी बराबर वी माइनस आई ए आर ए यहां से निकालना पड़ेगा ठीक है ई बी बराबर वी ए, ए, ए बी बरा ई बी बराबर क्या आएगा वी माइनस आई ए आर ए होता है यहां से हमें करंट को फाइंड आउट करना होगा चलो विरोधी विद्युत तो वाहक बल कितना है जीरो पॉइंट एक आठ वोल्ट है जीरो पॉइंट एक आठ वोल्ट है कितने है प्रति आरपीएम आरपीएम टोटल कितना है पांच सौ बिल वी कितना है सो माइनस आई ए आर है तो अट्ठारह पंजा नब्बे हो तो आप क्या कहोगे आई ए आर ए बराबर हो गए नब्बे सौ में से नब्बे गए दस हो गया और आपको चाहिए आई ए दस बट्टा दो बराबर कितना एम आ गया पांच एम आ गया आर ए दो है ना पांच एम आ गया तो आई ए का मान पांच है आई एस एच का मान आपके पास कितना आ पॉइंट पांच है तो आप क्योंकि पांच प्लस पॉइंट पांच बराबर पांच पॉइंट पांच एम ही करेक्ट होगा जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है तो इस प्रकार सी ऑप्शन को आपको करेक्ट करना होगा ध्यान से देख लीजिए तो सी ऑप्शन को ऐसे करेक्ट करना होगा अगला सवाल नेक्स्ट

माइनस आई ए हमें याद करना है आर ए को तो आई ए का मान देख लो सीधा चार एम्पियर नजर आ रही है सो में से छिन में घटो चार आ जाएगा चार एमपियर हो गया तो ये सवाल हो गया अगला सवाल और करते हैं सेवनटी सेवन जल्दी से कीजिए अगला है तीन वोल्ट एमपियर लोड में केवीए कितना आएगा तीन सो वी ए है इसी को देखो मैंने 300 VA वी ए है ना इसको मैं हजार से ऊपर और नीचे गुणा कर दू कोई दिक्कत आपको कोई दिक्कत नहीं ये जो हजार है वो क्या बन जाता है भाई हजार है वो बन जाता है किलो के बन जाता है और अब देखो इसमें तीन सौ में भाग दे दूं दो जीरो से दो जीरो कैंसिल तीन में भाग दिया तो पॉइंट तीन के वी ए पॉइंट तीन के वी ए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई डी ऑप्शन करेक्ट हो गया ध्यान से देख लीजिएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया हाँ जी पानी पी लेते हैं पानी पी लो बिल्कुल जी हो गया चलो अगला नेक्स्ट हवा यदि एक भार या लोड का निवेश इनपुट 300 वाट हो भार 90 परसेंट प्रभावशाली हो तो निर्गम आउटपुट वोल्टेज कितना होगा सवाल में ऐसा कुछ दिया वही नहीं है 300 वाट है और 90 परसेंट है जो है जो भार प्रभावशाली है तो 300 का 90 परसेंट दो वाट आएगा यही आपका उत्तर आ जाएगा भाई कितना आ जाएगा 270 सौ सत्तर वर्ल्ड क्लियर कोई टेंशन नहीं अगला सवाल देखिएगा 279 यदि कनेक्टेड सेंट मोटर का शुरुआती बल आगुण हंड्रेड परसेंट है तो स्टार कनेक्टेड तीन फेज परंट मोटर के शुरुआती बल आगुण का प्रतिशत कितना होगा अब देखो ये जो है ना हमारे पास क्या होता है कि जब पावर को हम करते हैं स्टार कनेक्शन में तो हम कहते हैं लाइन वोल्टेज होता है फेज वोल्टेज का रूट तीन होता है लेकिन जब हम थ्री फेज में टोर्क कैलकुलेट करेंगे तो फुल टोर्क फुल टोर्क और यहां रूट तीन का स्क्वायर आएगा तो ये जो हमारे पास टोर्क आएगा फुल टोर्क हंड्रेड बटर रूट तीन स्क्वायर कितना होगा तीन तो हमारे पास तैतीस पॉइंट तीन परसेंट आएगा ये थ्री फेज के कारण आएगा क्योंकि ये थ्री फेज के कारण रूट तीन का फैक्टर आता है स्टार कनेक्शन में और वहीं से हमारे पास आंसर आएगा तो थर्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट होगा अगला नेक्स्ट है पांच एस बी दो सौ तीस वोल्टी मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध में स्टार्टर के बिना धारा कितनी होगी इन्होंने क्या पूछा है हमें पूछा कि स्टार्टर के बिना करंट कितनी होगी करंट का मान बताइए तो करंट का मान कैलकुलेट करना है तो आई एस एच बराबर क्या होगा वोल्टेज अपॉन वी एच आर में आई आई आई।, एक उन। आई बराबर हमारे पास हो गया v बटा r इतना सा सिंपल देखना सेंट मोटर का आर्मेचर का प्रतिरोध आपको दिया हुआ है कितना है भाई 0.2 ओम में 0.2 ओम में पॉइंट उधर रह गया ना भाई ये ये देखना ध्यान से 0.2 ओम में तो 0.2 ओम में तो यहां से आप देखो 230 में भाग दिया 0.2 का पॉइंट हटाए तो 230 230 हम 2 का भाग दिया तो 1150 एंपियर ये उत्तर आ गया कितना आंसर आ गया भाई

0.8 ओम के आर्मेचर प्रतिरोध वाली 220 वोल्ट डीसी मोटर 25 एम्पीयर के आर्मेचर करंट को खींचती है तो इंडस्ट ईएमए यानी बेक ईएमए क्या होगा V माइनस आईए आर है यही होगा V कितना है तो 220 वोल्ट माइनस आईए 25 एम्पीयर इनटू आर ए 0.8 बटा 10 जी सॉरी दस है तो पांच से काटा तो पांच से काटा तो कितना है दो ये पांच दो से काटा चार बराबर बीस और यदि दो सौ बीस में से बीस गए तो कितना वोल्ट आए दो सौ वोल्ट ये रहा बी ऑप्शन दो सौ वोल्ट उत्तर हो गया अरे डी नहीं मंगल डाकू बी ऑप्शन बी ऑप्शन है बी ऑप्शन क्या यहाँ पीछे वाड़े के आंसर दे रहे हो अभी तक दो वोल्ट आ गया अगला जो बच्चा है टू एटी टू नंबर सवाल 220 ओम आर प्रतिरोध की मोटर 2 एम धारा लेती है इसकी प्रयुक्त वोल्टेज कितनी होनी चाहिए प्रयुक्त वोल्टेज कितनी होनी चाहिए 220 ओम आर्मेचर आर प्रतिरोध की मोटर 2 एम की धारा लेती है तो दो दो ओम की प्रतिरोध 2 एम धारा लेती है तो प्रयुक्त वोल्टेज चार ही होनी चाहिए सीधा मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर तैयार क्योंकि वी बराबर आई हो गया उत्तर करेक्ट नो टेंशन लास्ट वाला सवाल लो ध्यान से 283 नंबर क्वेश्चन 230 वोल्ट से श्रेणी मोटर में 40 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है आर्मेचर और श्रेणी क्षेत्र वाइंडिंग के प्रतिरोध पॉइंट एक और पॉइंट दो में ब्रश का वोल्टेज आपको ज्ञात करना है कि ब्रश का वोल्टेज आपके पास कितना है यह ध्यान रखना है तो ब्रश के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा वो आपको ध्यान से देखना है ब्रश का वोल्टेज चलो पहले हमारे पास टोटल प्रारंभ में वोल्टेज कितना है तो आप लोगों के 230 वोल्ट है कितना है अभी 230 वोल्ट है अब माइनस कितना होगा 40 एंपियर की धारा है और ध्यान से देख लेना 40 एंपियर की धारा है और हमारे पास आर्मेचर का प्रतिरोध कितना है पॉइंट एक ओम क्योंकि केवल आर्मेचर ब्रश के ऊपर आर्मेचर के ऊपर ब्रश कार्य करता है तो हमारे पास केवल आर्मेचर का ही प्रतिरोध काउंट, काउंट होगा फील्ड का प्रतिरोध काउंट नहीं करना है तो ये 230 में से चार घटा दिया तो बराबर कितना बचा है 226 वोल्ट तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन आएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा 224 मत करना भाई ऑप्शन को क्यों करने लगे हो 226 आएगा अब ये अंतिम सवाल है चलो ठीक है के सी मोटर में इनपुट पावर एक किलो वाट और आउटपुट पावर एक किलो वाट है तो मोटर की क्षमता कितनी होगी एफिशिएंसी क्या होती है आउटपुट बटा इनपुट आउटपुट कितना है तो आप क्योंकि एक पॉइंट दो किलोवाट यानी कि बारह सो इनपुट कितना एक पॉइंट छह यानी कि सोलह सौ परसेंटेज तो निकालना गुणा कर दो सो से तो अब देख लीजिए ध्यान से दो जीरो से दो जीरो काटा तो यह या, या तीन यह या 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 चार चार से काटा तो पच्चीस और पच्चीस तीए कितने होते हैं तो पच्चीस तीय होते हैं पिचोत्तर परसेंट पच्चीस तीय कितने होते हैं पिचोत्तर परसेंट होते हैं तो ये हमारे पास अस्सी परसेंट देखो तुका लगा रहा है मिशन टीजी टू ऐसा कैसे मिशन पार होगा सीधा तुका लगा रहो एक सिंपल सवाल है उसमें सही नहीं करे हो और नाम लिख दिया आपने मिशन मिशन लिखते हैं दें ज्यादा है, बढ़ जाती है ध्यान रखना और वो जवाबदाही निभाओ ठीक है निभा दोस्तों